जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के इस हिंदी लाइव क्लास में विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि यूट्यूब के इतिहास में अब तक की ऐसी क्लास नहीं हुई होगी टीचर बहुत सारे सारे टीचर अच्छे हैं लेकिन एक कंटेंट अगर आपने यहां देख लिया तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग के दस मिनट ही बता देंगे कि इस वीडियो का लेवल क्या है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की यह पहल आपके परीक्षा को क्रैक ही नहीं कराएगी बल्कि आपको ये स्योर कराएगी स्योरिटी दिलाएगी कि आपके घर में एक सरकारी नौकरी होगी आज अगर इसे देख लिया आज जाग लिया तो जिंदगी भर आराम करोगे दोस्तों क्योंकि वीडियो क्लिक करना आसान होता है और उस टारगेट को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है शुरू करेंगे रण क्षेत्र में आई हुई कोई बहन कोई भाई कोई ग्रहणी उसका स्वागत अभिनंदन इस्तेवाल आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल ताल ठोक कर जय महाकाल मैं ये कहता हूं दोस्तों हिंदी को कैसे पढ़ा जाता है सारे टॉपिक को कवर करेंगे एक एक बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए सब्सक्राइब और लाइक का कोई तमाशा नहीं हमारे पास होता है हमें एक सिलेक्शन चाहिए वो भी आपके हाथों किस तरह हिंदी को खत्म करेंगे एक एक चैप्टर दिखाएंगे हिंदी भाषा को खत्म करेंगे ये सर हिंदी को खत्म करने के लिए हम लोग गलती ये कर देते हैं कि सबसे पहले वर्णमाला उठा के पढ़ने लगते हैं सर ये वर्णमाला उठा के सबसे पहले पढ़ना यही क्या होता है ये हमारे लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है आइए अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को बहुत अच्छे ढंग से जानना है कि हिंदी किस तरह पढ़ी जाती है और किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कैसे कैसे परीक्षा हाल में क्वेश्चन जब ट्रेंड होते हैं तो बच्चा उन्हें कैसे हैंडल करेगा अगर बच्चा हैंडल करेगा तो उनमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उन्हें हमें कैसे क्रैक करना है बहुत मेहनत लगी अथाह मेहनत लगी दोस्तों अथाह मेहनत का मतलब होता है कि ऐसे वीडियो छोड़ के चले जाना आसान होगा आपके लिए लेकिन मेरे लिए सर पढ़ाना आसान नहीं है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ण और वर्णमालाओं के इतिहास को खत्म करेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा को खत्म करेंगे देखिएगा कमर कस लीजिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए अगर पॉसिबल हो तो वरना कोई जरूरत नहीं है देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों हिंदी भाषा की तो सबसे पहले जानिए कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वो कैसे इसका अस्तित्व कैसे आया देखो हिंदी की बात करें तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है ध्यान दीजिए क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं सर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आज तक के इतिहास में नहीं हुई हम लोग अगर गूगल पे भी टाइप कर देंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है इवन यहां तक कि किताबों में भी लिख के आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है कल को आपसे कोई पूछ दे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो बोल देना साफ साफ बोल देना कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है यानी तो फिर हिंदी क्या है तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद की बात करें अनुसूची की बात करें और भाग की बात करें देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग में हिंदी का अस्तित्व है तो भाग सत्रह में हिंदी को वर्णित किया गया कौन सी अनुसूची में हिंदी को जो है रखा गया तो अनुसूची कौन सी है तो अनुसूची भैया कौन सी है फटाफट बताएंगे आठवीं अनुसूची है सब जानते हैं कि बाईस भाषाओं का उल्लेख हुआ है। लेकिन क्या वाकई में बाईस भाषाएं थी नहीं सर जिस समय संविधान बना था उस समय चौदह भाषाओं के साथ संविधान को चौदह भाषाओं के साथ इन आठवीं अनुसूची में रखा गया था धीरे-धीरे समय चलता गया और भाषाओं को ऐड किया गया भारतीय संविधान में हिंदी का अस्तित्व कितने आर्टिकल में है तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में देखने को मिलता है तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ी बात कि अगर हमसे एक प्रश्न पूछता है ये राजभाषा हां सर भारत की हिंदी एक राजभाषा है तो राजभाषा का प्रस्ताव भी किसी ने दिया होगा सर राजभाषा का प्रस्ताव दिया किसने गोपाल स्वामी अयंगर ने सबसे पहले ये कहा किसने प्रस्ताव किसने दिया कि राजभाषा हिंदी को बनाया जाए तो यह व्यक्ति आपको याद रखना है नाम याद रखना है कि गोपाल स्वामी अयंगर ने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था और बाद में इस संविधान में क्या हुआ इसे वर्णित किया गया आर्टिकल थ्री में ठीक है चलिए सब बात करेंगे डिटेल में करेंगे अगर हम थोड़े से यहां पर प्रकाश डालें तो हमने अब तक अभी देखा कि हिंदी की अगर हमने बात की है तो हमने यह जाना कि हिंदी क्या है कि भारत की एक राजभाषा है जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं क्या भारत में कोई केंद्रीय भाषा भी है हां सर है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा माना गया है जो केंद्रीय भाषा है भारत की और साथ ही साथ मैंने यह कहा कि भारत में हिंदी राजभाषा तीन से लेकर तीन अनुच्छेद में वर्णित है शेड्यूल में है यानी आठवीं अनुसूची में है भाग सत्रह में है तो यह हमें कतई नहीं भूलना है लिखते हैं ये हिंदी आई कैसे है हिंदी का कोई ना कोई विकास क्रम रहा होगा ठीक है जानते हैं हिंदी का विकास क्रम कैसे रहा है किताबों में बहुत सी किताबों में पाली से शुरू करा जाता है दोस्तों याद रखिए पाली से भी पहले संस्कृत हिंदी का जो विकास क्रम रहा है आज हमारी जो हिंदी है आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं ध्यान से समझो अगर आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अगर आज हिंदी अस्तित्व में है तो आपको यह जानना चाहिए ये कैसे डेवलप हुई सबसे पहले संस्कृत से पाली पाली से मूव होकर प्राकृत प्राकृत से मूव होकर अपभ्रंश और अपभ्रंश से मूव होकर अभट्ट और अभट्ट से मूव होकर हिंदी आपको हम बता दें आपको बहुत से बच्चों को यह पता होगा कि सर हिंदी अपभ्रंश से आई है सर डायरेक्ट नहीं आई हम बीच वाला पार्ट खत्म कर जाते हैं अपभ्रंश से अवहट और अवहट्ट से हिंदी लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बीच का कोई पार्ट नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोले सर कैसे जैसे एक क्वेश्चन है आपको मैं कराता हूं देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है अब मान लो आपको यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है बच्चा कहता है कि सर आपने बताया था कि संस्कृत से चलिए चलिए पाली और ऐसे चलते 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 एक क्रम में चले जाइए हिंदी को डेवलप कर दीजिए सर अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए हमने आपसे कहा कि हिंदी के विकास में संस्कृत है संस्कृत से पाली बनी पाली से प्राकृत प्राकृत से अपभ्रंश अप से हिंदी लास्ट में हिंदी आएगी तो हिंदी के विकास के क्रम में लास्ट में हिंदी देखिए एक तो ऑप्शन में यह है और एक ऑप्शन में यह है मतलब ए ऑप्शन हमारा यहां खत्म हो गया और सी ऑप्शन हमारा रेस से बाहर हो गया हमने कहा चलो ठीक है तो सर संस्कृत अब हम ढूंढने लगे तो क्वेश्चन हो गया नहीं सर ऑप्शन नंबर बी देखिएगा और डी देखिए पाली यहां पर भी है तो पाली के बाद अपभ्रंश आया था या प्राकृत आई थी तो जरा ध्यान दीजिए पाली के बाद प्राकृत है या अपभ्रंश है तो समझिएगा कि सर हां प्राकृत है अपभ्रंश है तो मैंने कहा कि सर प्राकृत है तो अपभ्रंश तो हो नहीं सकती इसलिए विकल्प हमारा बी चला जाएगा ठीक है ये होता है तरीका मारने का तो इस वाले पूरे इस शेड्यूल को आपको कतई नहीं भूलना है कि कैसे कैसे हिंदी अपने रूप को परिवर्तित करती चली गई ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगर हम बात करते हैं कि कोई भी भाषा अगर आप आज हिंदी पढ़ रहे हो तो कोई भी भाषा होती है उसको पढ़ने उसको लिखने उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है बिना लिपि के वो ना तो पढ़ी जा सकती है और ना ही लिखी जा सकती है बोले सर अच्छा ऐसा भी है हाँ जैसे हिंदी भाषा की एक लिपि है देवनागरी सब जानते हैं इसके बारे में डिटेल जानेंगे उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है तो बेटा फारसी लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी की लिपि होती है हा सर होती है रोमन लिपि होती है नेपाली भी कोई लिपि रखती है हा सर बिना कोई भी लिपि के भाषा संभव ही नहीं है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी की बात करें तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी की अगर हम बात करें तो गुरु अंगद जी ने अंगद देव ने इसको क्या है इस इसका विकास किया ठीक है चलो यह तो बात हो गई यहां पर बोले सर ठीक है अगर आप बात करते हो कि कोई भी भाषा बिना लिपि के संभव है ही नहीं ठीक है बोला सर ठीक है समझ आ गया चलो देवनागरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंदी की भाषा जो है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है देवनागरी लिपि है तथा इसे नागरी देवनागरी लिपि यानी इसे क्या कहते हैं इसे नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं और इसी देवनागरी लिपि को क्या इसी देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसी को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है बहुत ध्यान से समझना इसको ही वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है बेटा याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि से एक प्रश्न आया था पिछले साल कि यह किस तरह से किस तरफ चलती है बोले सर कैसे बोले बाएं से दाएं की तरफ मूव करती है या दाएं से बाएं तो हमेशा याद रखना कि बच्चे याद रखिएगा कि ये जो है क्या ये जो है ये हमेशा बाएं बाएं से दाएं की तरफ क्या है बाएं से दाएं की तरफ हमेशा चलती है कैसे लिखी जाती है देवनागरी तो देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है अगर हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की तो यहां पर समझिएगा कि अगर देखिए जो बच्चा यहां पर समझने की कोशिश करेगा समझ जाएगा एक एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा देवनागरी लिपि बाई से दाई की ओर लिखी जाती है इसकी पहचान एक छैतिज रेखा से होती है जैसे हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम हमने लिखा आपका शिवम तो हम बाएं से दाएं की तरफ ही चल रहे हैं मूव कर रहे हैं और एक लाइन के अंतर्गत हम इसका अनुसरण कर रहे हैं इसीलिए इसीलिए इसे सिरोखा इसी कहा जाता है हाँ एक चीज और याद रखिए देवनागरी लिपि कैसी है अक्षरात्मक लिपि है अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि एक सिरोखी लिपि है देवनागरी लिपि एक नागरी लिपि है क्या है नागरी लिपि है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अब बच्चा कहता है कि सर एक बार अगर हम डिटेल में जान लें कि इस देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ सब जानेंगे देखो सबसे पहली अगर हम बात करें कि पूरी जितनी भी लिपियां हैं जैसे हम यह कहते हैं कि भाषाओं की जननी जो कहा जाता है वह संस्कृत को कहा जाता है संस्कृत को आदि जननी के रूप में मानते हैं ऐसे ही भाषा में अगर कोई जननी है तो वह संस्कृत है ऐसे ही अगर लिपियों में कोई जननी है तो क्या देवनागरी है नहीं सर लिपियों में अगर कोई जननी है तो वह है ब्राह्मी लिपि है प्यारे समझिए अगर ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करें तो वो भी हम जानेंगे पहले जान लीजिएगा ब्राह्मी जो लिपि है ये और देवनागरी तो ब्राह्मी लिपि एक तरफ हमने लिखा और एक तरफ हमने लिखा देवनागरी तो प्रश्न यह बनता है कि ये बताओ कि बेटा ब्राह्मी जो लिपि है उसका सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है तो उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेख अशोक शिलालेख में सबसे पहले क्या है सबसे पहले जो है ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है ये फैक्ट नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा ये कि देवनागरी जो लिपि है इसका उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है तो आपको याद रखना है गुजरात के राजा जयभट्ट ठीक है ना जयभट्ट के शिलालेख में जयभट्ट शिलालेख में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है याद रखना दोस्तों अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि पूरे भारत में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य ने किया अगर प्रश्न आ जाए गलती से तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला जो राज्य था वो भी गुजरात हो जाएगा क्योंकि जब जयदेव भट्ट का जो शिलालेख था वो गुजरात का था तो दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि सबसे पहले किसी राज्य ने अगर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया होगा वो गुजरात राज्य उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मत मार देना प्रदेश ठीक है ये याद रखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश राजा जो है जयवट के शिलालेख में मिलता है और ब्राह्मी लिपि का अशोक के शिलालेख जिसको पढ़ा किसने जेम्स की नहीं बाद में देख लेंगे व्हाट्सएप और इंस्टा जरूरी है सर आज जाग लिया तो जिंदगी भर आराम करोगे पैर पसार के काम कराओगे आप आठ आठ दस दस हजार के चक्कर में नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ोगे है ना ठीक है ना जो बहने हमारी हैं वो भी समझ लें ये घर का जो काम होता है वो चार से पांच हजार का से काम नहीं होता चार से पांच हजार का ही काम होता है और इसके लिए जिंदगी भर सुबह उठना और शाम को लग जाना शाम को सो गए सुबह उठ गए बर्तन झाड़ू पोछा चार हजार से ज्यादा काम ही नहीं है सर इसलिए आज पढ़ लो निकल लो ठीक है चलो कहता है नाग देवनागरी का विकास का जो क्रम होता है वो समझिए कि ब्राह्मी लिपि को सबसे महत्वपूर्ण लिपि माना जाता है अशोक के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि सभी लिपियों का जनक माना जाता है ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि आई गुप्त लिपि से कुटिल लिपि कुटिल से नागरी लिपि और नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ मैंने दो चीजें आपको बताई अभी क्या बताई थी मैंने दो चीजें जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्या बताई थी मैंने आपको देखिए एक मैंने अभी लिपि के विकास का क्रम बताया और दूसरे मैंने यह बताया था कि हिंदी के विकास का क्रम संस्कृत से पाली पाली से प्राकृत प्राकृत से अब्रंस, अब्रंस से अवहट और अवहट से हिंदी याद रखिए प्यारे ठीक है ना अब मैं यह बात करता हूं क्या बात करता हूं कि भाई यह हमारा ब्राह्मी लिपि से हमने देख लिया कि किस तरह देवनागरी लिपि विकसित हुई है बात कंफर्म हो गई चलो ब्राह्मी लिपि बार बार आ रहा है तो इसको डिटेल में जान लेते हैं एक स्लाइड में ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है यह भी बाएं से दाएं की तरफ ही मूव करती है जिस तरह है देवनागरी क्योंकि ब्राह्मी लिपि सभी का जनक माना जाता है सभी की जनक एक लिपि है तो इसलिए यह भी वही अनुसरण करती है जो देवनागरी क्योंकि देवनागरी इसी से प्रेरित है ठीक है यह मात्रात्मक लिपि है व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है जिस तरह हम अपना नाम लिखते हैं बात क्लियर हो गई अब बात कर लेते हैं बार बार की बच्चों ने कमेंट किया कि संविधान में सर हिंदी का प्रारूप क्या छब्बीस जनवरी को आया था नहीं बेटा समझिए दो तीन स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है जैसे एक स्लाइड ये और एक स्लाइड स्लाइड ये ये और जिसमें बच्चा कहता है कि हमने सर ये भारोपी और द्रविड़ परिवार नहीं पढ़ा मैंने कहा नहीं पढ़ा फिर चलते हैं वर्णमाला पर समझिए संविधान में हिंदी की बात करें तो हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर उन्नीस को राजभाषा माना था मैंने आपको फिर से बताना है चौदह सेप्टेंबर उन्नीस सौ को ना कि कभी भी आपको 26 जनवरी वाला टाइम याद रखना है कि 1950 को आपको याद कर लेना ना कभी भी ऐसा ऑप्शन में देखना कि 14 सितंबर को याद कर लिया लेकिन 1950 वाला ऑप्शन मार दिया नहीं बेटा यह गलती मत करना यह गलती पिछले साल बच्चों ने बहुत किया था 14 सितंबर उन्नीस ही याद रखना 50 नहीं 14 सितंबर उन्नीस को हिंदी राजभाषा के स्वरूप में अंगीकृत किया गया अंगीकार किया गया और यह कहा गया कि देवनागरी उसकी लिपि होगी और संविधान की आठवीं अनुसूची में उसे वर्णित किया जाएगा ठीक है मैंने मान लिया तो यह बताओ हिंदी दिवस तो दोस्तों हिंदी दिवस चौदह सितंबर को भी मनाते हैं और दस जनवरी को भी मनाते हैं चौदह सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है क्यों क्योंकि 14 सितंबर उन्नीस को ही हमने संविधान में इसे उल्लेखित किया था तो, तो प्रत्येक वर्ष जो है हम हिंदी दिवस मनाते हैं कहा, कहा? राष्ट्र में हम अपने राष्ट्र में इसलिए भारत में हिंदी दिवस मनाने का प्रारूप 14 सितंबर क्यों क्योंकि संविधान में हमने इसे वर्णित किया ठीक है लेकिन ये 10 जनवरी क्या है 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं तो समझने की कोशिश करो कि जब हम 10 जनवरी की हम बात करते हैं प्यारे 10 जनवरी को हम कहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ध्यान दो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ठीक है विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं क्यों मनाते हैं क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है कि इसी दिन 10 जनवरी एक ऐसा था 10 जनवरी 1975 ध्यान देना अब बहुत से बच्चों को एक क्वेश्चन नहीं पता होगा जो मैं पूछने जा रहा हूं 10 जनवरी 1975 को सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन अगर लिखा जाए तो बढ़िया प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को होता है नागपुर में होता है दोस्तों और इसी के कारण हम हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दूसरा कहां हुआ मॉरिसस तीसरा कहां हुआ भारत चौथा कहां हुआ मॉरिसस याद कर लेना भारत मॉरिशस भारत मॉरिसस चार याद कर लो भारत मॉरिसस भारत मॉरिशस ठीक है ना अब समझ लो अब एक क्वेश्चन में पूछता हूं क्या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो क्या 1975 से ही मनाया जाता है एक क्वेश्चन बता दो मुझे कब से कब मनाया जाता है बताइए दिमाग लगाओ 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी उन्नीस जो है पचहत्तर को पहला हिंदी सम्मेलन मनाया इसी के उपलक्ष्य में हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्या ये तभी से मनाया गया नहीं सर ये तब से नहीं मनाया गया ये मनाया गया 10 जनवरी 2006 से मनमोहन सिंह की सरकार ने यह तय किया कि हां मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तय किया कि अब हम हर साल से विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे 10 जनवरी को बात क्लियर हो गई सर यह याद रखिएगा ठीक है चलिए हिंदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए हिंदी में दो परिवार आते हैं हिंदी में प्यारे वैसे तो बहुत सारे परिवार हैं अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा बारह परिवार की है भाषा बारह परिवार की भाषा है लेकिन भाषा में हिंदी की अगर हम बात कर लें तो हिंदी में दो परिवार आते हैं एक भारोपी परिवार भारत की अगर हम बात कर लें तो भारोपी परिवार के लोग तिहत्तर परसेंट बोलते हैं और द्रविड़ परिवार के लोग लगभग तेईस परसेंट भाषा को बोलते हैं समझने की कोशिश करिए भारोपी परिवार वाले लोग जो भारत में हैं वो ज्यादा हैं हिंदी चूंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो हिंदी जो है हमारी भारोपी परिवार की भाषा है सारी चीजों को देखिए अगर आपसे यह कहा जाए कि हमारी हिंदी क्या है सर राजभाषा समझिए अगर आपसे यह कहा जाए कि हिंदी के मामले में चार कॉन्सेप्ट बता दो पहला वर्तमान में हिंदी कौन से रूप में है तो वर्तमान में अगर हिंदी पूछा जाए तो वर्तमान में हिंदी दोस्तों खड़ी बोली में है किसमें है खड़ी बोली में है ठीक है ना और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए दूसरा कि अगर हमसे कहा जाए कि राजभाषा अगर कौन सी है हमारी तो आप बता दीजिए तो राजभाषा हमारी कौन सी है तो हमने कहा हमारी राजभाषा हिंदी है तो हमने कहा यह बताओ कि हिंदी का परिवार क्या है हिंदी का परिवार क्या है और हिंदी की लिपि क्या है हिंदी की लिपि क्या है तो हिंदी के परिवार की अगर हम बात करें तो ये हिंदी के परिवार को अगर देखा जाए तो भारोपीय परिवार और लिपि की अगर हमने बात करी तो वही देवनागरी लिपि जिसे वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं बात इतनी सी थी सर ये मैंने जान लिया अब ये भाषा परिवार के दो परिवार हैं जो भारत में तिहत्तर परसेंट हिंदी बोलते हैं द्रविड़ परिवार के लोग तेईस परसेंट हिंदी बोलते हैं क्या भारोपीय परिवार में केवल हिंदी आती है नहीं सर हमने आज तक जान ही नहीं पाया रट लिया कि हिंदी भाषा परिवार जो है वो केवल हिंदी का ही है सर भारोपीय यूरोपीय और भारतीय है ना दोस्तों ये समझो भारोपीय भारत और यूरोपीय भारत और यूरोपीय भाषाओं का सम्मिलन रूप दोस्तों भारोपीय भाषा के अंतर्गत आता है बोले सर कैसे आओ जानते हैं भारोपीय परिवार की बात करें तो भारत व यूरोप में प्रचलित भाषाएं जो है उसका समावेश दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा में माना जाता है समझिए बहुत ध्यान से से समझने की कोशिश करिए इसके अंतर्गत केवल हिंदी नहीं आती है अगर हम यह कह दें कि यह बताओ पंजाबी किस भाषा परिवार की है तो पंजाबी भी इसी आंसर के साथ जाएगा क्या पंजाबी की लिपि देवनागरी है नहीं सर हिंदी की लिपि देवनागरी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है गुरु अंगदेव ने करी थी गुरुमुखी है ना तो लिपि के मामले में यह अलग है लेकिन परिवार के मामले में सेम है तो हिंदी रूसी उर्दू फारसी बांग्ला पंजाबी जर्मन फ्रेंच अंग्रेजी संस्कृत ग्रीक इत्यादि भाषाएं भारोपी परिवार में आती हैं चूंकि भारोपी परिवार भारत ही नहीं भारत और यूरोप से प्रचलित है इसलिए यह परिवार है दिल में बसा यह कॉन्सेप्ट दिल में आया तो बताइए मुझे चलो अगला द्रविड़ परिवार द्रविड़ का मतलब होता है जो लास्ट जो हमारा जो आ, क्या है हमारा साउथर्न इंडिया अगर हम देख लें दक्षिण भारत में प्रचलित भाषाओं का अगर समावेश किया गया इसके अंतर्गत अगर देखा जाए दक्षिण भारत में क्या वही सर तेलुगु होगा कन्नड़ होगा केरल वाला होगा है ना यही सर है ना तो मैं ये कहता हूं कि इसके अंतर्गत तमिल तेलुगु कन्नड़ एवं मलयालम तुलु भाषा ये क्या है ये दक्षिण ये हम लोग कितना बोलते हैं तेईस भाषा और ये वाला हम लोग कितना बोलते हैं भारत में तिहत्तर परसेंट भाषा बाद अन्य में आ जाता है ठीक है चलिए तो ये चीजें हमने जान ली बोलो कोई समस्या मुझे कोई समस्या हो तो मुझे यहां पर बता देना बात क्लियर है बहुत बढ़िया आप जैसे बच्चे ब्रिलियंट अगर मिलेंगे तो मैं छाप छोड़ दूंगा ये राजभाषा आयोग कोई नहीं सर पढ़ाने की कोशिश करता मैं कहा सबसे पहले उस चीज को उखाड़ दो गड़े मुर्दे उखाड़ दो कि जहां पर चीजों को कम से कम बच्चा जान पाए एक व्यक्ति है ठीक है ना एक व्यक्ति है कौन बीजी खेर साहब एक व्यक्ति है वीजी खेर ये वीजी खेर खेर साहब साहब जो व्यक्ति है ना सर यह एक ऐसा आयोग लेकर आए तो प्रश्न यहां पर ये बनता है अनुच्छेद कितने के अंतर्गत हमारा हिंदी का राजभाषा आयोग है बोले सर अच्छा जान लीजिए देखिए दोस्तों अगर हम ये बात कर लेते हैं हमें चूंकि ये पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी सबको पता है कि आर्टिकल 343 में है लेकिन क्या 343 तक ही हिंदी शामिल है नहीं 343 से 35 बन तक हिंदी का अनुच्छेद मिलता है तीन हमारी राजभाषा है तो 344 हमारी क्या है कि एक हमारी हिंदी के लिए राजभाषा आयोग होगा जो सलाह देगा तो प्रश्न यह बनता है कि हिंदी राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था राजभाषा जो आयोग प्यारे जो होता है ना समझिए यह दस साल के लिए होता है दस साल बाद यह विघटित हो जाता अपने आप तो राजभाषा जो आयोग होता है यह 344 आर्टिकल के अंतर्गत आता है और सात जून 1955 ये डेट याद रखिए आ चुका है प्रश्न 1955 जून मत याद रखो 1955 में एक राजभाषा आयोग आता है और उसका पहला अध्यक्ष बीजी खेर बीजी खेर का फॉर्म क्या है भैया फुल फॉर्म फुल फॉर्म ही जान लो है ना बाल गंगाधर तिलक नहीं बाल गंगाधर खेर ये साहब दूसरे हैं कि अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया निम्नांकित का मतलब क्या किस तरह से राजभाषा आयोग गठित हुआ है और किस तरह से हिंदी को डेवलप करा जा सकता है ठीक है ना यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है चलो बोलो समझ में आए सारी चीजें ठीक है तो मैंने अभी तक यह देखा कि हिंदी में राजभाषा आयोग भारत की जो दो भाषा परिवार है एक भाषा परिवार है, भारोपी, तो ये बोलती है ना यह बात आपको याद रखना इस चीज को कतई नहीं भूलना है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ ब्राह्मी से गुप्त गुप्त से कुटिल कुटिल से देवनागरी और नागरी से देवनागरी अब बताओ इंजन गर्म हुआ आपका चले अब हिंदी को स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से ये हिंदी समझ लो ये कोई नहीं पढ़ता था ये सर हिंदी कोई नहीं पढ़ता था मैंने कहा ठीक है अब समझिएगा कि आते हैं वर्णमाला वर्णमाला की बात करते हैं जो हिंदी का सबसे रस छंद अलंकार ऐसे ऐसे डीप तक हम लेकर जाएंगे जो बच्चा ये कहेगा अरे सर ये तो हमको आता है लेकिन मैं अगर ये कह दूं आपसे कि रचना के आधार पर वाक्य बता दो अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होता है कौन सा नहीं होता है अर्थ के आधार पर संज्ञा क्या है और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी है मैं कहता हूं कुछ भी नहीं लेकिन आप समझते जाओ टू दी पॉइंट समझिए तो मोती की माला होती है और मोतियों की माला को एक एक मोती से बनाया जाता है तो एक एक मोती को धागे में व्यवस्थित क्रम से अगर पिरो दिया जाता है तो वो एक माला कहलाती है तब मोती नहीं रह जाता है इसी तरह वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है उसको अगर व्यवस्थित क्रम से पिरो दिया जाए तो एक नाम आ जाता है सर वर्णमाला ध्यान से पढ़ना और ये वर्ण क्या है वर्णों से ही वर्ण से ही तो वर्णमाला बना होगा अरे सर जरा समझिएगा इस चीज को अगर ये वर्ण से वर्णमाला बना है तो आप ये समझिए कि जो वर्ण है अक्षर है ये एक ही चीज कह सकते हो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसका छोटा रूप नहीं आप कर सकते वही दोस्तों आपका वर्ण है और इनको अगर आपने मिला दिया तो ये वर्णमाला बन गए अगर प्रश्न में ये आ जाए कि वर्णमाला जो है प्यारे ये वर्णमाला की में वर्णों की संख्या तो बावन है लेकिन वर्णमाला में वर्ण वर्ण के भेद कितने होते हैं तो सर दो होते हैं एक आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है ये सब जानते हैं वही मैं बताने की कोशिश करूंगा अब एक प्रश्न बनता है बच्चों के जहन में कि सर ये बता दीजिएगा क्या आवाज क्लियर है क्या सर बफरिंग बेटा बफरिंग तो नहीं है सही है कोई दिक्कत नहीं भाषा की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो समझिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है पहला क्वेश्चन में दूसरा आता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ये चार प्रश्न एग्जाम में बनते हैं मैंने कहा ठीक है भाषा की जो छोटी इकाई होती है प्यारे इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है वर्ण या हम कह सकते हैं ध्वनि या हम कह सकते हैं ध्वनि जैसा ऑप्शन हो यह अभी बताएंगे इसको डीप में कैसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई सार्थक का मतलब होता है सामाने सहित सा माने सहित और अर्थ माने अर्थ जहां पर अर्थ के साथ चीजें हों बोले सर कैसे मैंने कहा सार्थक इकाई जो होती है प्यारे वो शब्द होती है बोले सर कैसे आ जाओ भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है ये ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन देता है लेकिन हम तो डीप में पढ़ा रहे हमने कहा कि आ जाओ वो एक बच्चे ने कह दिया कि सर ध्वनि कब लगाए वर्ण कब लगाए आ जाओ अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है तो बेटा लिखोगे कैसे वर्ण तो वर्ण मारना और जब आपसे ये डीप में पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो वहां पर आपको ध्वनि क्योंकि बिना ध्वनि के आप बोल नहीं सकते तो ध्वनि दोस्तों मौखिक इकाई है सबसे छोटी हिंदी भाषा की और भाषा की लिखित इकाई है वर्ण तो अब समझ गए कि इस वाले क्वेश्चन के दो डीप क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं बोलो सारे बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में हैं अगर जोश है तो जय हिंद लिखो मुझे पता तो चल जाए कि मुर्दे है या जिंदा हो है ना ठीक है हाँ जी इस क्लास को खत्म करके खाना खाऊंगा और मेरा वही दोस्त रहेगा इसमें जो हमारे अंत तक बना रहेगा अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर हम कह दें का तो ये तो वर्ण है तो ये तो वर्ण है का बोल दिया तो ध्वनि है लेकिन शब्द अगर हम देखें तो का और मा वर्ण थे और ला हमने इनसे बना दिया कलम या मैंने बना दिया कमल है ना ये अपने उसमें बताया था मैंने तो इसलिए अब ये सार्थक शब्द हो गया ठीक है भाई अगर प्रश्न में ये आ जाए कि वर्ण के भेद कितने होते तो कभी भी गलती से बावन नहीं मारना ध्यान रखना इस चीज को वर्ण के भेद कभी भी दोस्तों बावन नहीं मारने हैं वर्ण के भेद बावन नहीं होते हां इतना जरूर है कि जो वर्ण होते हैं इनकी संख्या दोस्तों क्या होती है इनकी संख्या हमेशा आपको याद रखनी है इनकी संख्या बावन है लेकिन अगर आप वर्ण की बात करते हो तो वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद जो होते हैं ये हमेशा दो होते हैं जिसमें हम कहते हैं स्वर और जिसमें हम कहते हैं व्यंजन ठीक प्यारे मैंने कहा यह भी ठीक है जो स्वर है वो स्वतंत्र है जो स्वर है ये बिना किसी की हेल्प हमें समाज में ऐसा लगता है कि हम अगर हेल्प नहीं लेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे दोस्तों अपने पैरों पर खड़े हो या आप कुछ नहीं है तो भी किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं आपको कमतर समझने लगता है निकम्मा समझने लगता है ठीक है।, है।, है स्वर स्वर बनिए हमेशा स्वर बनिए स्वतंत्र होते हैं स्वर और व्यंजन वाकई में निकम्मा है जो स्वर की सहायता जो स्वर की सहायता से होता है दोस्तों सहायता से मैंने कहा सर ये हिंदी है आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है मैंने कहा यही आसान से तुम्हें डीप में ले जाऊंगा आपको बोले सर कैसे स्वर उन्हें कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं ये दिमाग में बैठा लेना लिखने की जरूरत नहीं है व्यंजन वो होते हैं जो उच्चारित करे, करे तो जाते हैं लेकिन स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं हर व्यंजन में स्वर होता है जैसे कोई का व्यंजन ही तो है और का व्यंजन है तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें स्वर निकलेगा का धन आ ये हलंत लग जाए तो वो आधा हो जाता है इसमें छुपा था आ ठीक है ना ये समझ लो चलिए अगर आपसे ये कह दिया जाए प्यारे कि लिखने के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है लिखने के आधार पर अगर स्वर पूछे जाए तो आपको हमेशा याद रखना है क्या आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों ग्यारह और उच्चारण के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो दस अब बोले सर स्वर कितने होते हैं तो प्यारे स्वर हमेशा आपको याद रखना है ग्यारह होते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये बताओ लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या ग्यारह है तो उच्चारण वाला कहता मेरे साथ साथ ना इंसाफी कैसे मुझे एक कम क्यों मिला क्योंकि प्यारे उच्चारण के लिए हमेशा री को हम नहीं लेते हैं इसलिए आपको आज जो तुम्हारा कंफ्यूजन होगा जो हमेशा की तरह हमारा कोई भाई कोई बहन ये पूछता रहता अरे सर इस किताब में यह लिखा है इस किताब में वो लिखा है तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर आज तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि किताबों में ऐसे डीप में आपको नहीं देगा कि लिखने के आधार पर सोलों की संख्या ग्यारह होती है और क्यों होती है क्यों नहीं यहां पर यह नहीं बताएगा है ना सर इतना ध्यान रखिए बहुत बढ़िया स्वर को डिटेल में जरा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन यहां से बनता है एक हृस्व दीर्घ है और एक अग्र मध्य पश्य है समझिए स्वर के प्रकार दो तरह से पूछे जाते हैं कि अगर यह पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो प्यारे आंसर मार देना तीन होते हैं अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो बेटा आंसर तब भी तीन ही मारना है है ना मतलब एक बात पक्की है कि अगर डिजिट में आ जाएगा तो क्वेश्चन का तुक्का भी सही हो जाएगा है ना मैंने कहा कि स्वर के प्रकार उच्चारण के आधार पर तीन होते हैं एक हृश्य होता है एक दीर्घ होता है एक प्लुत होता है और जीवा के आधार पर अग्र आ आगे का भाग जीवा के आगे का भाग अगर सक्रिय रहता है और जीवा के बीच वाला भाग सक्रिय रहता है जीवा के पिछला हिस्सा गले से लगा हुआ है वो सक्रिय रहता है तो पश्य इसको जानेंगे सबसे पहले जान लीजिएगा ये जो उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं इनको समझिए प्रश्न यही बनता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो बच्चा याद रखना तीन प्रकार के होते हैं ठीक है ना तीन प्रकार में हृस्व स्वर एक प्रश्न और आता है कि हृस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है हृस्व स्वर का दूसरा नाम है एकमात्रिक स्वर एकमात्रिक स्वर है याद रखिए स्वर का दूसरा नाम एकमात्रिक स्वर है और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम मात्रिक स्वर है मात्रिक स्वर है यह भी प्रश्न आया हुआ है और प्लुत स्वर का जो है दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर है तो आज आपने ये दिमाग में बैठा लिया त्रिमात्रिक स्वर है ठीक है बोले सर तो ये चीजें हमने जान ली अब यह हृष्ठ स्वर होता क्या है स्वर कितने होते हैं पहला क्वेश्चन स्वर क्या होते हैं दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में एक प्रश्न दे देगा और कह देगा इनमें से हृस्व स्वर नहीं है वो बता दो तो प्यारे पहले आप ये जानिए ये हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर एक ही स्लाइड में जान लो एक सेकंड में कॉन्सेप्ट खत्म स्वर वो होता है जिसमें बहुत बोलने में कम समय लगता है प्यारे बोलने में जिसे कम समय लगे आ, इ, उ, री। कितने हैं सर चार हैं अब यहां पर एक और फैक्ट याद रख लो इन्हीं को हिंदी में मूल स्वर भी कहते तो मूल स्वर भी कितने हैं सर यही चार हैं याद रखना हृस्व ही मूल है मेरी बात को ध्यान रखना नहीं तो प्रश्न यही बना था पिछली बार कि मूल स्वर इनमें से कौन सा है या कितने हैं तो यही मूल स्वर है यही हृस्व है समझ गए ना प्यारे ठीक है यही वाले दीर्घ स्वर हृस्व स्वर से दो गुना यानी इनसे इनको जितना बोलने में समय लगता है उससे दो गुना आ ये था तो आ इ, इ, उ, उ, उ है ना, दो गुना लगा दिया हमने कहा ए, ए तो ए नहीं ये भी ए ही है ओ टाइम तो लगता है जब गले में ज्यादा जोर पड़ता है इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं प्लुत स्वर हृस्व से तीन गुना इसको एक गुना तो इसमें तीन गुना लगा दो तीन गुना इसीलिए इसको त्रिमात्रिक कहते हैं इसको द्विमात्रिक कहते हैं इसको एक मात्रिक कहते हैं यही कह तो मैं कह रहा तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं क्योंकि हृस्व स्वर से तीन गुना समय इसमें लगता है प्यारे है ना ठीक है हृस्व स्वर का मतलब है कि ओम ओम कहते हैं है ना ये क्या है मैंने तो थोड़ा ही बोला मैंने ये कहा कि जब तक आपके लंग्स में फेफड़े में ओम है उसको बाहर निकालो छोटे थे तब कैसे बुलाया जाता तो तुमको है ना तुम्हारा नाम समझो पप्पू था या मतलब अच्छा नाम था मेरा मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बुलाया जाता था पूरी दम लगा दी ओ सुनुआ है ना तो सुनुआ का मतलब होता था जब तक सुनुआ आ ना निकल जाए लाश तक प्राण ना निकल जाए ये सुनुआ जो है ना जब तक पहुंचेगी ना आवाज तो ऐसा लगता था कि आवाज तभी तक पहुंचेगी जब तक सुनुआ खेल रहा होगा है ना तो ये बात आपको याद रखनी स्वर के प्रकार दोस्तों उच्चारण के आधार पर ये थे तीन और ये हमारे हैं जीवा के आधार पर अग्र मध्य और पश्च सर अगर स्वर के प्रकार जीवा के आधार पर अगर देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है बोले सर कैसे जो बच्चा यहां पर सर्किल बना रहा है कि नेटवर्क नहीं है बेटा ब्लॉक हो जाओगे दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो है ना चलो स्वरों के प्रकार देखो हमारे जो भी भाई बहन है यहां पर उनका स्वागत है क्योंकि मुश्किल से आप जो है कोशिश करते हो पढ़ने के लिए किताब उठाएं कि ना उठाएं है ना तो पढ़ रहे पढ़ रहे हो पढ़ने दो ठीक है जीव के आधार पर स्वरों का जो प्रकार होता है वो तीन प्रकार के हैं वो तीन प्रकार के हैं सर वो है एक अग्रस्वर है मध्य स्वर है और स्वर है देखिए कितना आसान है अग्रस्वर वो इ जीव का आगे का हिस्सा इ कतई बोलने में कते वो नहीं मध्य स्वर एक ही है यही एग्जाम में पूछा जाता है मध्य स्वर इनमें से कौन सा है तो मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है जो जीव के बिल्कुल कंठ से बोला जाता है आ तो देखो जीव बिल्कुल पीछे का हिस्सा उ उ ओ ओ कंठ का इस्तेमाल हो रहा है बात क्लियर हो गई बहुत बढ़िया इसको अगर और पढ़ लिया तो मुझे लगता है इसको तो मैं ट्रिक से बता दूंगा क्या लिखा है टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के बता दूंगा परेशान मत होना है ना बोल के बता दूंगा परेशान मत होना देखो मजा तो यहां पर आएगी अभी जब यहां पर आएगी मजा कहां पर सर ये वाला कहता है कि क्या ये क्या है यहां पर मजा बड़ा आने वाली है देखो ये देखो स्वरों के अगर हम बात करें तो जीवा के आधार पर हमने देख लिया तीन प्रकार के अग्र मध्य पश्य उच्चारण के आधार पर हृष्योप्लुत हो गया और दीर्घ हो गया स्वरों के प्रकार मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी होते हैं और स्वर खत्म हो जाएगा बोले सर कैसे एक विब्रत इसको कैसे ट्रिक के साथ याद करोगे विब्रत का मतलब बड़ा डब्बा जैसा मुंह खोल लो डब्बा जैसा मुंह खोल लो आ लड्डू पूरा चला जाए मेरे पास लड्डू रखा भी है है ना मैंने रख के रखा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार जो है पूरा खुला रहता है तो कह दिया आ ये आ क्या है आ ये आ का मतलब होता है बिब्रत बड़ा डब्बा ऐसा कह डब्बा ऐसा मुंह घर में कहा जाता छोटे थे डब्बा ऐसा मुंह क्यों मक्खी घुस जाएगी तो आ का मतलब होता है कि जब केवल एक ही और विवृत प्यारे विवृत क्या होता है अर्ध विवृत वो होता है आधा बड़ा सिंपल सी बात समझो आधा बड़ा बोले सर कैसे आधा बड़ा का मतलब होता है मुख द्वार आधा खुला हो तो आ था यहां पर हो जाएगा ए ओ, अब आप कहोगे कि सर छोटा आ क्यों नहीं बोला आप समझिए समझिए ध्यान से समझो ए अर्ध समृत और समृत ये दोनों हो गए अब इसको पहले ये समृत समझ लो समृत समृद का मतलब होता है समृद्ध को कैसे याद करेंगे समृद्ध को याद करेंगे सिला हुआ सासे देखो बासे बड़ा बासे पूरा खोल दिया था सासे सासे सिला हुआ सासे समृत सासे सिला हुआ तो सिल दो मान लो मुंह सिल दिया मैंने अब बोल के दिखाओ तो फिर है ना ऐसे में कहूंगा इ, इ, है ना अब अच्छा सिलूंगा तो आवाज कैसी आएगी अब बोलो जल्दी से इ, इ है ना उ, उ कुछ मत करो है ना मत करो मत करो तो ये क्या है सर ये समृत है मतलब समृत का मतलब है सिला हुआ सिला हुआ इनको बिना खोले भी आप बोल सकते हो अच्छा अर्धसमृत आधा सिला हुआ अर्ध समृत आधा आधा बंद सिला हुआ का मतलब बंद आधा सिला तुमने इसका छोटा रूप इसका छोटा ये इसका छोटा है ए, ओ ठीक ए, ओ, है ना? ए, ओ, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट चलिए व्यंजन क्या है सर व्यंजन देखिए व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है मतलब ये निकमे होते हैं ये दूसरे की सहायता लेते हैं ये दूसरे की सहायता लेते हैं दोस्तों बिना स्वरों के बोल नहीं सकते इनको यानी बिना स्वरों के ये हो ही नहीं सकते व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तैतीस होती है बच्चा बच्चा जानता है मैं नहीं बताऊंगा व्यंजन जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं कहता अच्छा देखो एक भी एक भी परिवार अगर खिसका तो समझ लेना कयामत आ जाएगी है ना हाँ। उस स्थिति में खिसक के जब मोबाइल छाती पर गिरने लगे है ना ठीक है धोखा नहीं देना अपने आप को धोखा मत देना हमको धोखा दे देना कोई दिक्कत नहीं व्यंजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं एक स्पर्श व्यंजन तो परीक्षा में आता है स्पर्श व्यंजन कितने कितने होते हैं

यही तो बताया मैंने तो पच्चीस में का वर्ग में पांच होते हैं में पांच होते हैं में पांच होते हैं और पा वर्ग में पांच होते हैं पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस पांच पच्चीस मैथ कमजोर है मेरी ठीक है ना पच्चीस हो गए बोले सर कैसे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या प्यारे होती है पच्चीस होती है जैसे वर्ग में पांच लोग होते इसको याद करना पड़ेगा देखो वर्ग में है तो तो ऐसे याद, है, तो इसको कैसे याद पांच है। और टावर्ग टाठा डाढ़ा ना और टावर्ग ताथा दाधा ना और पा वर्ग पापा बा लेकिन समस्या यहां पर है कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है इसको समझ लो उच्चारण स्थान होता है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ बोले सर क्या कि जितने भी का है खा है गा है घा है इंग्या है इनको गले के द्वारा बोला जाएगा आप बोल के देखो का ऐसा आता होगा गले से ऐसे ही चाचा जाझा तालू टाठा डाढ़ा मूर्धा ताथा दाथा दांत और पापा बाफा ओठ यही मैं बताने वाला हूं तो चाचा जाजा है वर्ग वाला तो तालब्य से टा वर्ग है मूर्धन्य से ता वर्ग है दंत से पा वर्ग है ओष्ठ से अब बोले सर कैसे ये पा वर्ग है ओष्ठ से मतलब पा का मतलब हो गया पापा बिना उठ के कह लोगे फा का मतलब हो गया फूफा है ना बा का मतलब हो गया बाबा बिना उठ के कह लोगे और भा का मतलब हो गया भाजी बिना उठ के कह लोगे और मां का मतलब हो गया मामा या मामी बिना उठ के नहीं कह सकते बस इतना ही तो था कहने के लिए नहीं था चलो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं सर चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन अगर चार होते हैं तो ये बताओ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है या रा ला, और वा ये एग्जाम में बाकई में पूछे जाते हैं इनमें कोई संदेह नहीं है इनमें कोई संदेह नहीं है तो याद रखना बा सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिसको कहा जाता है दंत्योष्ठ दंत्योष्ठ ये दंत्योष्ठ है दंत और ओष्ठ देखिए वा आप वा बोलिए तो वा जैसे ही बोलोगे तो धीरे से आपका जीभ जो है टंग जो है वो दांत से टच हो जाएगी प्यारे जीव जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा दांत से टच हो जाएगा इसलिए दंत और वाह वा, हैं आपके तो ओट तो पता नहीं कहां कहां चलते मुझे क्या पता लेकिन ओट है ना वो दोस्तों वो क्या है? वो आपका तो दंत ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ वाह हो गया ला जो है वो हमारा दंते होता है रा जो होता है वो हमारा देखिए रा जो है ये हमारा रा ये हमारा मूर्धन्य होता है मूर्धा और या जो होता है यह तालब्य होता है तालु के द्वारा कि चार तो कम से कम याद रखना चार तो कम से कम याद रखना इसको भूलना नहीं है दोस्तों अब आती है उस्म की बारी सबको पता है, सा, 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 है।, सब है।, सब है का तो साका बताओ का उच्चारण स्थान क्या है का उच्चारण स्थान क्या है साका उच्चारण स्थान क्या है का हल्के में ना लेना प्यारे बहुत महत्वपूर्ण है साका उच्चारण स्थान तालब्य सा ये वाला सा तो मूर्धन सा का उच्चारण स्थान ये वाला धंते है और हा का उच्चारण स्थान यह कंठ है दोस्तों याद रखना हा जो होता है ये कंठ तो होता है क्योंकि हा कंठ के साथ बाहर आया एक चीज और याद रखना कि हा हुआ या विसर्ग हुई इनका उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है या का वर्ग हुआ यह भी हमारा कंठ से ही होता है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है विसर्ग नहीं कहते कोई भी विसर्ग है कोई भी विसर्ग है तो वहां पर भी हमें इस चीज को ध्यान देना है अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं यह कंफर्म हो गया सर स्पर्श व्यंजन होते हैं पूरे पच्चीस अगर यह पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन पहला कौन सा होता है तो दोस्तों पहला स्पर्श व्यंजन का और अगर यह क्या है, है यह प्रथम स्पर्श व्यंजन है और अगर आपसे कहा जाए कि अंतिम स्पर्श व्यंजन क्या होता है तो आपको याद रखना है मां बोले सर कैसे का से लेकर हमें कहां तक मां तक जाना पड़ता है इसलिए का पहला है और मां अंतिम है हर वर्ग पांच वर्ग होते हैं एक दो तीन चार पांच वर्ग में पांच पांच लोग हर बंदे के पांच पांच बच्चे हैं तो पच्चीस हो गए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या पच्चीस हो गई हिंदी वर्णमाला के शुरुआती पच्चीस व्यंजन अर्थात का से मा तक का से मा तक का जो सफर है वही स्पर्श व्यंजन है बात क्लियर हो गई कंठ है ये ताल तालु है ये मूर्धन्य है ये दंत है ये ओष्ठ है ठीक है ये कंठ है मैंने बताया तालु है मूर्धा है दंत है ओठ है ओठ का मतलब ओष्ठ हो गया बोलो जिंदा हो अगर जिंदा हो तो बताओ मेरे को यह अनुनासिक क्या है प्यारे और ये निरअनुनासिक क्या है निर अनुनासिक बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को ठीक है मैं कहता हूं आ जाओ अनुनासिक की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका से भी हवा देखो समझिए देखो अगर आपसे कहा जाए कि अनुनासिक क्या है अनुनासिक अनुनासिक क्या है और निर अनुनासिक क्या है अनुनासिक वो है जिसमें आपको बस ये सूत्र याद रखना मुख प्लस नाक का इस्तेमाल आप कर लो मुख प्लस नाक बराबर अनुनासिक बस इतना याद रखना जैसे जैसे कोई भी बोला अनुनासिक ये कौन से अक्षर होते हैं तो ऑप्शन में पता क्या ढूंढना ना पंचमाक्षर होते हैं यानी हर पांचवें नंबर का अनुनासिक होता पांचवें नंबर का देखिए कावर्ग का लास्ट एक दो तीन चार पांच ठीक है ना एक दो तीन चार पांच इसका भी ये अनुनासिक ही है अनुनासिक मतलब सारे वर्ड तो मुख से बोले जा सकते हैं लेकिन ये जिस पर गोला मार रहा हूं ये बिना नाक के नहीं बोले जा सकते हैं। आप बोल के देखो नाक भी लगेगी और मुंह भी लगेगा इसलिए मैं कह रहा हूं मुख और नाक बराबर अनुनासिक पंचमाक्षर इनको क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पांचवें पायदान पर होते हैं पांचवें पायदान पर होते हैं इसलिए पंचमाक्षर इनको नाम दिया गया तो अनुनासिक कौन से हो गए तो अनुनासिक हो गए आपके ऊपर से आपके वहां से आपके रा से, से आपके ना से आपके मां से एक दो तीन चार पांच बात खत्म हो गई प्यारे बस इतना ही सर और नहीं दिमाग लगाना लेकिन ये तो अनुनासिक हो गया सर कहता ये निर अनुनासिक क्या है सर ये कहता है निर अनुनासिक क्या है ये निर अनुनासिक निर नहीं नासिका नासिका नाक का प्रयोग नहीं सर करना मुझे हिमेश रेशमिया अगर बनना है अगर ये देखो अनुनासिक कौन है हिमेश रेशमिया ठीक है ना हिमेश रेशमिया का गाना इतना लोगों ने सुना तो वो अनुनासिक हो गया लेकिन नया यूथ जो आया उसने कहा भैया ऐसा है मेरे लिए कुछ नया लेकर आओ ये कहता है हिमेश रेशमिया का गाना नहीं गाना है भाई ये कहता है जिसका उच्चारण नाक के संबंध से ना हो निर अनुनासिक तब एक आया निर अनुनासिक आपको याद करने के लिए बता रहा हूं एक्चुअल में ऐसा नहीं है निर अनुनासिक का मतलब होता है निर का मतलब नहीं अनुनासिक का मतलब नाक और मैंने कहा निर नुनासिक नासिक का मतलब नासिका जहां पर नासिका नाक का संबंध ना हो दोस्तों केवल मुख वही निरअनुनासिक है जैसे भोपाल जैसे दिल्ली इनमें किसी में भी नाक का इस्तेमाल नहीं किया गया प्यारे ठीक है ना चलो भाई बहुत बढ़िया अयोग वहा क्या होते हैं कितने होते हैं तो दोस्तों आपको याद रखना है जब आप अयोग वहा की बात करते हो योग की अगर आप बात करते हो तो यहां से दो चीजें बनती हैं एक अनुस्वार बनता है एक बनता है अनुस्वार यह अनुस्वार क्या है और एक बनता है अयोग वह वो सॉरी विसर्ग एक विसर्ग बनता है देखो अयोग वहा दोस्तों वो होते हैं जो तो दोस्तों क्या है ना स्वर है और ना व्यंजन है प्रश्न ये बन भी चुका है और एक बार नहीं छोटे बड़े एग्जामों में मल्टीपल टाइम बना है प्यारे जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है बता दो कौन है ऑप्शन था स्वर है व्यंजन है 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 ना अंतस्थ है तो आपको याद रखना है जो ना स्वर है ना व्यंजन है वो दोस्तों अयोग हो जाएगा अयोग वहा स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं इतना याद रखना राइट ऐसे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है वो अयोग वह है और अयोग वह की संख्या जो होती है वो होती है दो होती है वो दो कौन कौन से एक होता है अंग और एक होता है आहा यानी इनकी संख्या दो होती है अंग जो होता है ये अनुस्वार हो जाता है इसमें आप बिंदु और इसमें आप विंदु जहां पर आहा की बात करो तो विसर्ग दोस्तों ये हमारा इसी से आया संस्कृत से राइट है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो उत्क्षिप्त व्यंजन की बात अगर कर ले प्यारे तो उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो आप समझिए उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं तो दोस्तों दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं समझिए जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग जो जीवा की नोक नहीं होती अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं जैसे ठा जैसे है ना ये दो ही ऐसे हैं हिंदी में इनको बोल के देखिए ढक आप कहोगे ढक्कन तुम क्या ढक्कन हो ढक्कन हो बोलो ढक्कन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो रा, लड़ाई।, लड़ाई।, लड़ाई जहां पर आपका ये ठक्कन बोलते हो ये आगे की जीव एकदम से फट से आगे आती है तो ये फट से आगे आने का मतलब है उत्क्षिप्त व्यंजन ही है ये दो ही उत्क्षिप्त व्यंजन है ठीक है प्रकंपित व्यंजन क्या है सर हिंदी में प्रकंपित व्यंजन केवल एक है केवल एक है ध्यान रखना इस चीज को हिंदी में प्रकंपित व्यंजन दोस्तों प्रकंपित व्यंजन देखिए अगर आपसे कहा जाए कि प्रकंपित व्यंजन जो है प्रकंपित व्यंजन कितने हैं अगर आपसे यह कहा जाए लुंठित व्यंजन कितने हैं और अगर आपसे यह कहा जाए प्रकंपित और लुंठित तो दोस्तों हमेशा याद रखना एक ही है जिसको रा कहा गया एक ही है जिसको रा कहा गया मतलब समझ गए प्रकंपित को ही लुंठित कहा गया प्रकंपित जो है वही लुंठित है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में दो तीन बार कंपन होता है मैंने अपने क्वेश्चन वाले सेशन में बताया था कि प्रकंपित यानी जब आप बोलते हो ये क्या है यह क्या है आप बोलो जरा एक बार बोलो करके दिखाओ कमेंट तो, बॉक्स में है ना आप अपनी गाड़ी चलाते थे छोटी छोटी गाड़ी है ना मेरे को नहीं पता तुमने चलाई या नहीं तो जब आप रर करते थे ये रर्र क्या है ये रर्र दोस्तों ये ना, ये ना जीव का आगे का हिस्सा जो है ना ये कंपित होता है इसलिए नाम कंपित है और लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना जब जीव बार बार लुढ़कती है अपनी सतह से वो लुंठित होती है ये बात दिमाग में बैठा लेना दोस्तों संयुक्त व्यंजन कितने होते अच्छा हाँ एक और चीज छूट रही है पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक व्यंजन हिंदी में भी एक होता है ठीक है ना एक होता है जिसको ला कहते हैं और ये पार्श्विक भी है और अंतस्थ भी है ठीक है संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है चार जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए राइट छत्र जैसे इनसे एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आता है हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन बनता है कैसे हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन बनता है ये बनता ये है कि संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है का धन सा से बनता है संयुक्त व्यंजन छा ता धन रा से बनता है आपका त्रा आपको याद रखना है दोस्तों आपको क्या याद रखना है आपको यह याद रखना है कि ये जो है इसमें हलंत जरूर लगेगा ज्ञा जो बना है जाधन धन से बनेगा ज्ञा जो बना है वो जाधन धन से और जो साधन रा है इससे बनेगा स्रा संयुक्त व्यंजन इससे बनते हैं ये आपको मुंह रटे होने चाहिए क्या रटना स्रा स्रा सर सर है ना बन गया श्रवण ज्ञा जव ज्ञा त्र तारा

ठीक है चलिए काकल्य व्यंजन हिंदी में एक होता है जिसको हम कहते हैं हा कहते हैं काकल्य आप बोलिएगा काकल्य को अगर देखा जाए काकल्य कहां से उच्चारित होता है कंठ से उच्चारित होता है काकल्य कंठ है काकल्य ऊष्म भी है काकल्य ऊष्म भी है और काकल्य जो होता है वो क्या कि ऐसा व्यंजन जो कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है यानी ह बोलते हो और गले से स्पर्शित होकर वायु मुख द्वार से बाहर निकलती है बात इतनी सी थी हम बात कर रहे हैं द्वित व्यंजन की जो बहुत महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब बनता है प्रश्न हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे द्वित कहते हैं मैं कहता हूं ना समझ में आए तो दिमाग ना मैंने इसलिए लिख कर रखा है टिप्स एंड टेक भी फॉलो कर रहे हैं हम हर उसमें स्लाइड में देखिए याद रखो द्वित का मतलब क्या होता है दो ऐसे याद रख लो दो तो जो वर्ण दो बार आ जाए जो वर्ण दो बार आ जाए जैसे अगर क्वेश्चन आया था पिछली बार कि इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन नहीं है कौन सा द्वितीय व्यंजन नहीं है तो एक ऑप्शन आया था कि जैसे चार ऑप्शन थे कि बिल्ली है ना दिल्ली है ना दिल्ली के बाद इसके साथ साथ था कुत्ता चार ऑप्शन थे कुत्ता और एक ऑप्शन और था मोर कौन सा नहीं है तो आंसर हो जाता मोर क्योंकि देखिएगा जो द्वित व्यंजन होगा वो दो वर्ण रिपीट होंगे तुरंत ला ला रिपीट हुआ ला ला रिपीट हुआ ता ता रिपीट हुआ है ना तो द्वित व्यंजन की क्या पहचान है कि द्वित व्यंजन वही होगा जिसमें रिपीटेशन होगा देखिए सत्ता कुत्ता है ना ता ता आया कलकत्ता ताता आया ला आया दिल्ली हुआ टल्ली हुआ नल्ली हुआ है ना ये सब आपको याद रखने ठीक है आगत का मतलब होता है जो आया हुआ है आगत का मतलब होता है आया हुआ दूसरे देश से आया हुआ वो आया हुआ होता है बोले सर कैसे इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में किया जाता है जैसे जितने भी रेफ वाले होते हैं ना नीचे रेफ लगे होते हैं फ इस तरह के जो जो भी होते हैं वो आए हुए होते हैं आप समझिएगा अल्प प्राण और अघोष सघोष और महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष इनको बहुत दो मिनट के अंदर खत्म करते हैं जिन बच्चों को अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष से परेशानी है वो बच्चा अगर ये कह दे कि हमें नहीं आया तो फिर गलत बात है हो ही नहीं सकता कि ना आए एक एक मिनट के चैप्टर हैं दोनों अगर प्रश्न में ये आ जाए कि प्राण के अनुसार प्राण वायु के अनुसार अगर प्रश्न में आ जाए कि प्राण वायु के अनुसार अगर प्रश्न में आ जाए प्राण वायु के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो व्यंजन के प्रकार होते हैं दो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण अल्प प्राण प्राण माने हमेशा याद रखना प्राण माने वायु ही होती है जब हम कहते हैं हमारा शरीर हम किसी कोई खत्म खत्म हो हो गया तो उसके अंदर उसके अंदर अंदर से वायु गई बोला प्राण प्राण निकल गए का मतलब होता है वायु यानी अब वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है बात क्लियर हो गई तो जो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है वो प्राण नहीं है उसमे, उसमें उसमें वायु नहीं है तो प्राण वायु के अनुसार व्यंजन के प्रकार होते हैं दो अल्प प्राण अल्प माने होता है कम जो आप कम की बात करोगे यानी कम की बात करोगे जहां पर कम ताकत कम दम ऐसे बिल्कुल देसी भाषा में जहां कम ताकत कम दम लगाना पड़े वहां अल्प प्राण जहां पर महाप्राण की बात करोगे तो ज्यादा ज्यादा ताकत ज्यादा दम महाप्राण बोले सर ऐसे कैसे समझे आ जाओ इसको समझते हैं अल्प प्राण को समझते हैं पहले अल्प प्राण इन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है इतना याद रखना हर वर्ग का आपको वर्ग बताए थे पांच वर्ग होते हैं हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन और साथ में स्वर ध्यान दो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं या रा ला और वा और साथ में स्वर ग्यारह तो जो अल्प प्राण है उसकी कंडीशन है पहला तीसरा साथ में आपका अंतस्थ साथ में आपका स्वर यही अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट है ध्यान देना बोले सर अल्प प्राण बोले पहला तीसरा पांचवे का मतलब क्या है अल्प प्राण को समझिए पहला तीसरा हर वर्ग में पांच पांच लोग होते हैं तो हर वर्ग में अगर हम पांच पांच के लोग देखेंगे तो बस इतना याद रखिए क्या याद रखिए इतना याद रखिएगा हाँ इतना याद रखिएगा क्या याद रखिए कि हर वर्ग का पहला ये एक नंबर पर है ये दो नंबर छोड़ दो तीसरा और ये पांचवा पहला तीसरा पांचवा ऊपर लिख दू एक दो तीन चार पांच पहले पर लगा तीसरे पर लगा पांचवे पर पहला तीसरा पांचवा और जिस पर गोला लगाऊंगा वो इधर आपको दिखेगा जिस पर गोला लगाऊंगा वो इधर आपको दिखेगा है ना अब देखो यारह लाबा है तो उसमें अभी हटा देते हैं क्योंकि उसमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी देखो लगे हैं गोले ठीक है ना जहां पर गोले लगे हैं तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन और ग्यारह लावा प्लस वर ये अल्प प्राण होता है एक्चुअल में आज फिर तो नहीं बोलोगे बोलो कोई दिक्कत नहीं अब यही महाप्राण इन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है ये थोड़ा सा उल्टा लग गया है ये उल्टा लिख गया है कोई बात नहीं अधिक श्वास होना चाहिए महा है ना क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो श्वास ज्यादा श्वास ज्यादा 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 तो ज्यादा ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है हर वर्ग का दूसरा चौथा प्लस उस व्यंजन मतलब दूसरा चौथा क्या अब जो हमने छोड़ा था देखो दो वाले सारे छूट गए दो वाले सारे छूट गए हमने कहा यह कैसी बात सर हमने कहा कि अब इस बार अंतस्त कट जाएगा है ना अंतस्त वाला नहीं लेना है इसको देखना ही नहीं है इसको तो हमने आपको दिखाने के लिए लगाया था हर वर्ग का दूसरा और चौथा दूसरा चौथा मतलब यहां पर आप मैं गोला मार रहा हूं इधर लिखा हुआ है यही सारे आपके क्या हो जाएंगे और ये वाले सारे आपके क्या हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे जिस पर गोला मारा वही हमारा महाप्राण बात कंफर्म हो गई भाई बताइए बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज अब देखो इन्हीं का रोल इन्हीं का रहेगा ये आपको वर्ग याद रखने हैं का वर्ग में का खा गा गाखा चा वर्ग में चा छा जा टा जा जा वर्ग में टाठा डाठा है ना पांची वर्ग तो याद रखने हैं अब इन्हीं का खेल महाप्राण और अल्प प्राण में होता है बोले सर कैसे हमने ये कहा अब जरा ध्यान दो हमने ये कहा अभी कि अल्प प्राण में अल्प प्राण जो है उसमें वन थ्री फाइव महाप्राण जो है वो दोस्तों दो और चार बात खत्म हो गई तो फिर ये अघोष सघोष कैसे करेंगे तो अघोष की बात कर लें दोस्तों तो समझो अघोष जो है देखो हर एक दो तीन चार पांच ही तो होते हैं तो मैंने कहा कि जो शुरू के दो होंगे इस बार वो अघोष हो जाएंगे और जो लास्ट के तीन होंगे वो अघोष हो जाएगा बस इतना ही करना है और महाप्राण अल्प प्राण में क्या था जरा ध्यान देना फिर से महाप्राण अल्प्राण में क्या था महाप्राण अल्प्राण में क्या था पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये थे तो मैंने कहा पहला तीसरा पांचवा ये लाइन इधर और ये और ये ये सारी इधर आ जाएगी बस इतना ही हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ये हो गया तो शुरू के जो पहले और दूसरे वर्ड होंगे वो अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष और एक चीज याद रखना कि सघोष को ही क्या कहते हैं सघोष को ही क्या कहा जाता है घोष कहा जाता है तो घोष ही दोस्तों सघोष है घोष ही क्या है सघोष है इतना दिमाग में बैठा लेना ठीक है चलो अब अघोष को समझ लेना अघोष का मतलब क्या बताया था ट्रिक में पहला दूसरा बस इतना याद रखना पहला दूसरा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या उत्पन्न नहीं आ माने नहीं घोष माने घोष कंपन जहां कंपन हमारी स्वर तंत्रियों में नहीं होता है उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं जैसे अगर हम का व्यंजन की बात करेंगे तो का और खा ये दो शुरू के हो जाएंगे और का खा के बाद गा घा और इंग ये हमारे सघोष होंगे जिनकी जरूरत अभी नहीं है जैसे मैंने कहा ये लो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है दिमाग में बैठा लो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा इसके अलावा इसके अलावा समझो सा, सा सा हा नहीं इस बार हा नहीं जोड़ना ठीक है हमारे अघोष होते हैं बोले सर कैसे आ जाओ अघोष व्यंजन का उदाहरण यह है हर वर्ग को आपको याद रखना है हर वर्ग में पहला दूसरा पहला दूसरा का मतलब है ऐसे कर लो जितने भी आपके पहले दूसरे हैं वो इधर लिखे कामे चा चामे चाचा टामे ताथा है ना में ताथा ऊपर लिख दिया नीचे टामे ता, टाथा हो गया और पा पापा हां इसके अलावा सा 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 याद रखना दोस्तों हा नहीं है हा नहीं है उसमें तीन ही आएंगे सा बात कंफर्म हो गई बोले सर ठीक है अब बस इसका घोष का बचा हुआ घोष में घुसेड़ दो क्या दिक्कत है जिन वर्णों के उच्चारण घोष माने घोष स्वर तंत्रियों में कंपन जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे गले में कंपन का अनुभव होता है उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं जैसे अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारे वर्ग के तीसरे चौथे और पांच में होते हैं साथ में दोस्तों यारा लावा और वहां एक हा छूटा था उसको भी ले लेंगे याद रखना दोस्तों गलती नहीं करना यहीं पर बच्चा गलती करता है यहीं पर बच्चा गलती करता है जैसे मैंने कहा था कि पहले मैं ये ले चुका था तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये अघोष हो गया अब मुझे ये तीन 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 मैंने कहा ये देखो तीन ये देखो तीन ये देखो तीन है ना तीन तीन हो गए और उधर का हा छूटा था और यारह लावा यही दोस्तों घोष या सघोष है <laughs> समझ में आया बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बता दो मुझे एक बार बताओ बहुत बढ़िया दोस्तों ठीक है बेटा बहुत बढ़िया चलो हां तो हमने क्या सीखा हमने ये सीखा पहला दूसरा अघोष हो गया हमने सीखा क्या आप तक हमने क्या सीखा आपको चारों चीजें बता दें अगर मैं मुझसे यह कहा जाए पहला तीसरा पांचवा तो क्या हो जाएगा बताइए अल्प प्राण मुझसे अगर यह कह दिया जाए दूसरा चौथा तो महाप्राण अगर मुझसे कल को यह कह दिया जाए कि पहला और दूसरा तो अघोष और मुझसे अगर कह दिया जाए तीसरा चौथा और पांचवा घोष सघोष या घोष सघोष ही घोष है बताओ ये तो कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट आपको पांच प्लस नंबर दिला देगा कॉन्सेप्ट तो नहीं सर भूलेंगे सौगंध खाइए अपनी सौगंध खा लो यार मेरे को नहीं पता है हाँ तुम्हें लगेगा तुमको मरने से डर है तो भैया कम से कम तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बोलो समस्या तो नहीं है पहला तीसरा पांचवा एक तीन पांच अल्प्राण दो चार महाप्राण एक दो अघोष तीन चार पांच सघोष और घोष आपका सबसे ईमानदारी से चैप्टर हम पढ़ाने वाले विराम चिन्ह दो से तीन नंबर का आता है और दो मिनट का चैप्टर है ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए इतना आनंदित चैप्टर पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा सबसे पहले विराम चिन्ह के जनक कौन है सबसे पहले बताइए विराम चिन्ह के जनक कौन है रस छंद अलंकार सब होगा दोस्तों अगर आप ही नहीं होंगे मेरे साथ तो मैं पढ़ाऊंगा किसको बताइए मैं रात में भूतों को पढ़ाऊंगा और जब भूतों को नहीं पढ़ाऊंगा तो आपने कह दिया कि सर ये तो वीडियो बाद में देख लेंगे आपके लिए तो आसान हो गया आपने ओढ़ा चादर कंबल रजाई आपने सो लिया मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं मन ना लगे तो भी पढ़ो प्यारे क्योंकि आज कितना भी मन ना लगे तो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्हों के जनक हैं दोस्तों कामता प्रसाद कौन है सर कामता प्रसाद विराम चिन्हों की बात करें तो विराम चिन्हों को कामता प्रसाद जी किस भाषा से लाए किस भाषा से लाए तो वो लाए अंग्रेजी भाषा से हिंदी में कहां से आए अगर ये पूछा जाए अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्हों की अगर हम बात करें तो संख्या क्या है संख्या बताइए तो विराम चिन्हों की संख्या है बीस ठीक है ये इतनी चीजें याद रखना विराम चिन्हों के जनक हैं कामता प्रसाद कामता प्रसाद जी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में विराम चिन्हों को लाए संख्या इनकी कितनी है बीस है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है बीस विराम चिन्हों में महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बोले सर ये डिटेल तो आपने दे दी सर आप देखिए जैसे हिंदी में अगर प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों की बात करें तो इनके सिंबल देखिए जरा अल्प विराम बहुत छोटा अल्प तो अल्प विराम के लिए एक सिंगल आपको ये रखना है सिंगल ये पूछा जाता है दो सालों से लगातार विराम आ रहा है कहता है इसका मतलब बता दो ये दो बिंदु रखे इसका मतलब बता दो इसका मतलब बता दो ये कई बार एग्जाम में दो तीन सालों से पूछे जा रहे इसका मतलब बता दो तो अल्प विराम का कौमा होता है विराम का सेमी कॉलन होता है इसलिए हमने इंग्लिश भी लिख ली है सेमी कॉलन में आपका देखिए एक ये होता है और एक ये होता है तो ये वाला उपविराम होता है ये होता है सेमी कॉलन होता है जिसको हम कहते हैं इससे थोड़ी देर ज्यादा रुकना पूर्ण विराम हमेशा के लिए रुक जाना और उप विराम होता है सेमी कॉलन ये होता है तो कॉलन ये रहेगा केवल बिंदु रहेंगे ठीक है इतना आपको याद रखना है मैं क्यों दिखा रहा हूं बच्चों वाली चीज है दोस्तों लेकिन इसका चिन्ह बड़ों वाला है ठीक है जैसे विस्म्यादि बोधक सब जानते हैं उल्टी आई बनता है जहां हर्ष गर्व और खुशी होती है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह सब मानते हैं कि कब आए कौन आए कौन आया है क्या लाए हो कब जाओगे प्रश्न पूछा जाए कोष्ठक में कोई भी चीज इसका रोल बड़ा होता है पिछली बार एक प्रश्न आया था कि कोई भी चीज को आसान करने के लिए कोई भी कठिन शब्द को सरल बनाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आंसर था कोष्ठक बताएंगे सर योजक चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है और इसी को कहते हैं सामासिक चिन्ह और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं अवतरण चिन्ह को ही उदृण ध्यान देना अवतरण को ही उदरण कहते हैं और उदरण चिन्ह जो होता है एक तो ऐसा होता है जिसको इकहरा कहते हैं और एक होता है डबल लग जाता है जिसको दोहरा उदरण चिन्ह कहते हैं कोई अपनी बात यहां पर अंदर इसके लिख सकता है ठीक है यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारे केवल इतने ही हम और देखेंगे लाघव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है इसका सिंबल जान लेना लाघव चिन्ह को ऐसे जीरो लिखा जाता है मतलब अंदर जीरो कैसे सर अंदर जीरो लिखा जाता है बताऊंगा अभी एक एक बताऊंगा चौदह चीजें पढ़ लूंगा आदेश चिन्ह आदेश को हम कहते हैं विवरण चिन्ह इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं विवरण चिन्ह भी कहते हैं तो विवरण चिन्ह और आदेश में फर्क समझना रेखांकन चिन्ह होता है जो रेखांकन एग्जाम में जो हम कहते हैं ना दिए गए रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा विलोम होगा तो रेखांकित का ही मतलब है ये रेखांकन तो अंडरलाइन रेखांकन को ही अंडरलाइन कहते हैं कि इसको अंडरलाइन आप लोग किताब पढ़ते अंडरलाइन करते जाते हो है पर ऐसे 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 डॉट 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 करते जाए और हंस पद बहुत महत्वपूर्ण है हंस पद को ही त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं अब जरा समझिएगा दस दस सेकंड में आप मेरे साथ है ना दस दस सेकंड समझिए मैंने क्या बोला चौदह चीजें हमने आपको कहा कि कुछ प्रमुख बता रहे हमने ये कहा कि विराम चिन्ह के जनक हैं कामता प्रसाद किस भाषा से हिंदी में विराम चिन्ह आए अंग्रेजी भाषा से हिंदी में विराम चिन्ह आए और संख्या कितनी है हिंदी में बीस है ठीक है तो हमने कहा प्रमुख चौदह तो कम से कम जान लेते हैं तो उसमें अल्प विराम प्रश्न ये आता है कि वाक्य में जहां थोड़ा थोड़ा रुकना हो तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं अल्प, अल्प विराम अल्प विराम दूसरा क्वेश्चन अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है ऐसा होता है यूज़ करके दिखाओ भारत में गेहूं सांस ली थोड़ी बाजरा मक्का सांस जरूरी नहीं है मैंने कहा कि ये बताओ एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि चार दोस्त हैं और वो पिकनिक जा रहे हैं उनके नामों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह आएगा तो ये बताओ वहां पर कौन सा आएगा राम है ना राम सोहन मीरा और नीरा तो बीच में देखिए कौन सा आया सर अल्प विराम आया सब जानते हैं लेकिन क्वेश्चन को ऐसे पूछा भारत में गेहूं चना बाजरा यही तो है ना रीता रोहन सोहन बहुत सारी चीजें हो आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं तो हमने कहा अल्प विराम अब देखना जहां पर थोड़ा रुकना पड़े प्रश्न अल्प विराम लेकिन जहां अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहां अर्ध विराम तो अर्ध विराम में दो पॉइंट आते हैं सेमी कॉलन नहीं है बस ये याद वो सेमी कॉलन है बस ये याद रखना छुट्टी का दिन है सांस नहीं आराम मिलेगा ठीक है ना बात इतनी सी है पूर्ण विराम जहां पर हमारी अभिव्यक्ति हमारी बातों को खत्म कर दिया जाए विराम लग जाए जहां एक बात पूरी हो जाए और समाप्त हो जाए पूर्ण विराम जैसे पढ़ रहा हूं बात खत्म उपविराम बहुत महत्वपूर्ण है उपविराम का सिंबल तो याद कर लो पहले यह सिंबल है जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अपूर्ण विराम इसे अपूर्ण विराम कहा जाता है यही दोस्तों कॉलन है जिसको ऐसे लिखते हैं कृष्ण के अनेक नाम हैं मोहन गोपाल गिरधर आदि पूरा नहीं किया हमने समझ गया ना मेरी बात इस चीज को याद रखना सेमी कॉलन अलग है कॉलन अलग है कॉलन को अपूर्ण विराम कहते हैं और अपूर्ण विराम पूर्ण विराम का उल्टा होता है इसमें बात पूरी हो जाती है लेकिन इसमें बात पूरी नहीं होती है आदि लगा दिया मतलब बात आगे थी ठीक है विस्म्यादि बोधक साइन ऑफ विस्म्यादि बोधक की बात करें इंट्रोजेक्शन की बात करें तो उल्टा ही होता है प्रश्न देखिए यह भी आ चुका है हंड्रेड क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने कराई थी उसमें हमने यह पूछा था आपसे कि हर्ष विवाद उत्साह घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि के लिए हिंदी में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं आजकल ये नहीं आता विस्म्यादिबोधक चिन्ह का चिन्ह बता दो कौन सा है प्रश्न को घुमा दिया सर सरल नहीं है प्रश्न को घुमा दिया कि आश्चर्य घृणा और हर्ष और करुणा के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उस विराम चिन्ह का नाम है विस्म्यादिबोधक इंटरजेक्शन जैसे वाह आप यहां कैसे अरे आप तो आ गए तो जो अरे के बाद हमने लगाया तो वहां पर आप ऐसे हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया करुणता है हृदय में विक्षोभ है ये याद रखिए प्रश्नवाचक कब आए हो क्या लाए हो कौन आया है कब जाओगे है ना मामा आ गए मामा आ गए है ना मामा क्या लाए हो कब आओगे है ना कब जाओगे तो ये क्वेश्चन है बातचीत के दौरान जब कोई किसी से प्रश्न पूछा जाता है कोई बात पूछी जाती है अथवा तो कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक लगाया जाता है तुम कहां जा रहे हो तुम क्या रक, तुम जो है वहां क्या रखा है तुम क्या खा रही हो ये चीजें आपको याद रखना कोष्ठक ये बहुत महत्वपूर्ण है दो साल पहले तीन चार एग्जामों में पूछा गया और उसमें यह कहा गया ये बताओ कि किसी भी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे जैसे मैंने यह कहा कि कोई ऐसा कठिन शब्द है जैसे मैंने कहा कि जलज तो जलज का मतलब मैंने कोष्टक में लिख दिया कमल बस यही है ना तो जलज मैंने लिख दिया कमल तो मतलब समझ आ गया कि जलज का मतलब कमल था उच्चारण जीव एवं कंठ से होता है तो उच्चारण को मतलब हमने कहा बोलना तो ये हमने कोष्ठक कोष्ठक का प्रयोग किसी कठिन शब्द को सरल करने के लिए किया जाता है योजक चिन्ह प्रश्न क्या बनता है प्यारे योजक चिन्ह का नाम क्या है सामासिक चिन्ह सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं क्यों क्योंकि द्वंद समास में होता है प्रयोग जैसे रात और दिन ठीक है रात और दिन योजक चिन्ह की अगर हम बात कर रहे हैं तो योजक चिन्ह को हम कहते हैं संयोजक चिन्ह जो दो चीजों को ज्वाइंट करता है संयोजक चिन्ह ठीक है हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग ज्यादा होता है एक प्रश्न फिर बन गया पूर्ण विराम अल्प विराम अर्धविराम या पूरे बीसों के बीस विराम चिन्ह इनमें सबसे ज्यादा विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है तो सबसे ज्यादा विराम चिन्ह अल्प विराम प्रयोग होता है नोट कर लेना सर्वाधिक प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो अल्प विराम का ही होता है और उसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता है इसके बीच में लगा हुआ है अवतरण चिन्ह दो तीन और बचे हैं ध्यान से समझिए अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम उदरण चिन्ह उदरण चिन्ह होते हैं दो एक इकहरा उदरण एक दोहरा उदरण किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करना ऐसे इसको लगा दिया और इसमें क्या बोल दिया कि राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है है ना या मैंने किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा हमने या किसी गांधी जी ने कहा तो उसको हमने यहां पर इसको उसके बीच में बंद कर दिया उस वक्त किसी की कही बात को सेम टू सेम वैसा ही कर देना वो उत्तरण या अवतरण चिन्ह का उदाहरण है लाघव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है समझिए लाघव चिन्ह लाघव चिन्ह की बात अगर कर ले तो लाघव चिन्ह को कहा जाता है बिल्कुल एवरी साइन मतलब कहा जाता है जिसको संक्षेप किया जा सके संक्षेप यानी किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं जैसे जैसे मैंने कह दिया कि आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस है ना लड़का किसमें है उत्तर प्रदेश पुलिस कार्ड जब बनेगा ये लड़की बनेगी है ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस और, पा और पु बना के बिंदी रख दिया मास्टर मास्टर है ना पुलिस पु बिंदी बिंदी डॉक्टर तो अगर मैंने ये कह दिया कि ये सारी चीजें अगर मास्टर बनते हो मास्टराइन बनते हो तो माँ बना के बिंदी पु बना के बिंदी डॉक्टर डा बना के बिंदी ये सर क्या है पंडित में आप पन, पा बनाकर बिंदी डॉक्टर में डा बनाकर प्रोफेसर में प्रो बनाकर बिंदी संक्षेप में चीजों को लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं बात समझ आई ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक गुड आदेश चिन्ह क्या है और आदेश चिन्ह के बाद एक और बचेगा उसके बाद हंसपद और उसके बाद दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आ रहा है जिसको किसी ने ना पढ़ा तो फिर उसमें रसी क्या उसमें प्रेम ही क्या उसमें आनंद ही क्या उसमें आनंद ही क्या है दोस्तों तो आपके लिए रस जो सबसे कठिन चैप्टर लगता है उसने कहा रस अलंकार छंद है ना तो भागने के लिए मैं भी भाग अभी लेकिन क्या रखा है सर क्या रखा है ठीक है आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग की बात करेंगे तो उसको विवरण चिन्ह कह सकते हैं किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के लिए आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे बचन के दो भेद होते हैं तो यहां पर वचन बहुवचन है ना तो यह है और अंतिम है हमारा ला क्या है हंसपद या त्रुटि हंसपद या त्रुटि का मतलब होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में गलती गलती हो जाए गलती को सुधारने के लिए गलती को सुधारने के लिए गलती को सुधारने के लिए, सुधारने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं सुधारने के लिए जो प्रयोग होता है जो प्रयोग होता है वो चिन्ह होता है किसका जो चिन्ह होता है वो होता है हंस पद। हंस पद जिसको हम ऐसे लिखते हैं बोले सर कैसे जैसे मुझे लिखना क्या था मुझे एक क्वेश्चन लिखना था मैं क्वेश्चन क्या मुझे मेरे अपनी बात लिखनी मैं लखनऊ जा रहा हूं तो मैंने क्या लिख दिया गलती से मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं तो मैं लखनऊ जा रहा हूं मैंने लखनऊ खत्म कर दिया तो हमने यह चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया लखनऊ तो ये जो चिन्ह है यह त्रुटि को सही करने के लिए त्रुटि बोधक चिन्ह है प्यारे बात क्लियर हो गई चलिए बहुत बढ़िया आ जाइए तो कितने लोगों में रस है प्रेम का रस है है ना अपनत्व का रस है परिवार का रस है परिवार में प्रेम का रस है और पढ़ाई का रस है पढ़ाई में रस है बताओ कितने लोगों में है एक बार हैंड्सअप करिए हां हैंडसअप करिए सर मजा आ जाएगा बताओ बोलो ठीक है चलो देखो बात करता हूं दोस्तों ध्यान से पढ़िए अगर आप रस की बात कर रहे हो तो समझिए रस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या है बच्चा कहता है कि नहीं सर मजा नहीं आता मैंने कहा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पांच मिनट का चैप्टर है डिटेल के साथ रस के बात करें देखिए जिसको पढ़ने में रसानुभूति होती है सर जिसको पढ़ने में रसानुभूति होती है उसको रस कहा जाता है पढ़ने में आनंद आ जाए खाने में अगर लड्डू या पेड़ा या आपके पसंद की चीजें अगर खिला दें आपको तो आप कह जाओ वाह क्या चीज है खाने में जिस तरह की आनंद की आनंद आता है खाने में किसी चीज को आपकी प्रिय वस्तु आपको खिला दी जाए आपको आनंद आता आप कहते वाह इसी तरह पढ़ने में कोई ऐसी चीज आपको दे दी जाए और आप कहो वाह मजा आ गया तो पढ़ते समय जो रस की अनुभूति होती है उसे रसानुभूति कहा जाता है उसका आनंद लेना और पढ़ते रहना उसे रस कहा जाता है सर ध्यान दीजिए अगर आपसे यह कहा जाए क्या कि रस क्या है तो रस को समझिए कि रस के जनक कौन है भरत मुनि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि रसों के जनक कौन है देखिए रसों के जनक कौन है तो आपको यह याद रखना है कि रसों के जनक कौन है भरत मुनि है ध्यान दीजिए रसों के जनक है भरत मुनि रसों की बात करें तो भरत मुनि की एक रचना है क्या है भरत मुनि की एक रचना है जिसमें उन्होंने रस का वर्णन किया भरत मुनि की कौन सी वो रचना है तो वो रचना है आपकी नाट्यशास्त्र तो प्रश्न यहां से भी बन चुका है कि नाट्यशास्त्र को किसने लिखा तो नाट्यशास्त्र भरत मुन की है साथ ही साथ एक प्रश्न और कि भरत मुन के अनुसार रसों की संख्या क्या है रसों की संख्या क्या है तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है वो है आठ है लेकिन वर्तमान में कितनी है सर रसों की संख्या है ग्यारह ठीक है लेकिन इनके अनुसार आठ आपको याद रखना है आप ध्यान से पढ़िए भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है कि काव्य पढ़ने सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं इसको डीप में लिख दिया कि जो चीज पढ़ने में आनंदित लगे जिसको पढ़ने में कहे कि मजा आ गया दोस्तों क्या बात है वाह उसको छोड़ नहीं सकते यही दोस्तों रस है जैसे जैसे रस्यते असो इति इतिरसा यानी कहा गया कि जिसका आस्वादन किया जाए कोई चीज है प्रिय वस्तु है चखा जाता है क्या मजा आ गया है ना इसको टच करते हैं कोई चाय बनी है अस्वादन कर लो मीठी है या नहीं शब्द के अर्थ संस्कृत में रस की शब्द की उत्पत्ति रस्यते इति के रूप में की गई जिसका अस्वादन किया जाए वही रस है दोस्तों अगर हम रस की बात अगर करते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि रस होते हैं प्रमुख भरत मुनि के अनुसार आठ होते हैं मैं दोनों चीजें लिख देता हूं अगर प्रश्न में आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं तो आपको याद रखना है आठ लेकिन अगर आ जाए कि कुल रस कितने हैं कुल रस कितने हैं या तुलसीदास के अनुसार रस कितने हैं या सूरदास के अनुसार रस कितने हैं तो आपको ग्यारह ही मारने हैं है ना यह बात आपको याद रखना श्रृंगार रस दोस्तों रस के प्रकार क्या श्रृंगार रस हास्य रस रौद रस करुण रस वीर रस अद्भुत रस इनको याद नहीं करना इनको बता रहा हूं रस भयानक रस शांत रस रस भक्ति रस अभी तो मजा आ जाएगा आपको दूंगा, आपको दूंगा मजा आ जाएगा सर जैसे नहीं समोसा जलेबी चाशनी ये श्रृंगार रस क्या है अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पहले उसके समझिएगा उसके पहले ये समझिए कि रस के कितने अंग होते हैं बो, बोले बेटा कि कोई नया व्यक्ति आपको मिला और नया व्यक्ति मिला कि भाई ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो बोला कि सर हमारे चार बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं दो बच्चे हैं ऐसे ही रस के कितने प्रकार हैं बताइए बहुत बढ़िया दोस्तों रस के कितने प्रकार हैं तो मैं ये कहता हूं क्या कहता हूं समझिए अगर मैं ये कहता हूं कि रस के कितने प्रकार होते हैं सर रस के चार प्रकार होते हैं एक स्थाई भाव एक विभाव एक अनुभाव इनको सब नहीं पढ़ेंगे ध्यान से समझिए कितने होते हैं सर चार होते हैं बस इतना याद रखो संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव होता है व्यभिचारी अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए होती है अगर बीवी परमानेंट है तो वो स्थाई है और संचारी संचरित करने वाली इधर उधर लड़कों के लिए भी है, है ना इधर उधर मैं ये कहता हूं दोस्तों यानी बीबा स्थाई भाव की हिंदी में कितनी संख्या होती है रसों के संबंध में ग्यारह जितना रस उतना स्थायी भाव संचारी भाव की संख्या कितनी होती है यही दो पूछे जाते हैं तैतीस ठीक है ना इतना याद रखिए अब आते हैं बात अगर स्थायी भाव की हुई है तो समझिए कि अगर ये दस स्थाई भाव आपको दिख, दस रस दिख रहे हैं वैसे ग्यारह होते हैं एक आपका भक्ति रस वाला है ना वो यहां नहीं है भक्ति रस वाला है वो अलग से बता देते हैं श्रृंगार का स्थाई भाव एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा हंड्रेड परसेंट अगर आ जाए श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है रति क्योंकि रति का मतलब क्या होता है प्रेम होता है लव होता है अनुराग किसी से हमें प्रेम हो जाए हम चाहे वो बिछुड़ ही क्यों ना जाए हास से जिसको देखकर हंसी आ जाए हास हो जाएगा एग्जाम में आ जाए कि करुण का स्थाई भाव तो शोक जब हृदय में बिक्षोभ हो जाए शोक रौद्र रौद्र कहते हैं रौद्र रूप रखे हो तो क्रोध आ जाएगा वीर वीरों के अंदर कौन सा स्थायी भाव होगा उत्साह होगा भयानक भय हो जाएगा बीभस जिसको देखने की इच्छा ना हो जुगुप्सा घृणा हो जाए इसको बहुत अच्छे से याद करना स्टार लगा लेना अद्भुत स्टार लगा लेना विस्मय अद्भुत का होता है विस्मय है ना विस्मय जिसको देखकर एकदम से क्या आश्चर्यचकित हो जाए शांत का निर्वेद और ये नौमा रस है दोस्तों ये नौमा रस है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का रस वात्सल्य वत्सल्यता और एक भक्ति और होता है भक्ति है ना भक्ति होता है जिसमें क्या होता है ईश्वरीय रति क्या होता है रति जिसका स्थाई भाव होता है रति यानी अगर ईश्वर से प्रेम है रति तो वो भक्ति हो जाएगा बात कंफर्म हो गई इतना याद हो गया मेरे को कमेंट करके बताइए चलो भाई दोबारा ये कमेंट मत करिए शॉकिंग वॉकिंग भाई दिमाग थोड़ा सा कहां बहुत पीछे स्लाइड चला गया चिंता मत करो भी है जिंदा है एक ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो है ना कॉपी पेस्ट करने में तो मजा आता है आपको लेकिन यहां पर क्या ना यहां नहीं आप सपोर्ट करिए हमारा कि हाँ सर मजा आ रहा है है ना चलो श्रृंगार रस की बात करें श्रृंगार में क्या है देखिए बच्चा केवल किताबी भाषा पढ़ लेगा और टीचर आएगा वो पढ़ा के चला जाएगा सारे टीचर अच्छे होते मैं ये कहता हूं कि कम से कम डिटेल के साथ पढ़ाओ जैसे श्रृंगार रस है तो श्रृंगार के दो पार्ट होते हैं अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि यह बताओ हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरे अब बच्चा करुण रस लगा के चलाता है करुण रस लगा दिया उसने अरे करुण रस कैसे लगा दिया समझो श्रृंगार रस की बात करें कि जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम मिलने और बिछुड़ना हाँ सर बिछुड़ना भी जरूरी है तो आप कहते हो ना प्रेम केवल बिछुड़ने के लिए ही नहीं दोस्तों प्रेम केवल मिलने के लिए ही नहीं प्रेम बिछुड़ने के लिए भी होता है तुमसे बेहतर कौन जानता है बोलो तुमसे बेहतर कोई जानता है क्या नहीं जानता है दोस्तों मतलब प्रेम होता है तो मिलना भी है बिछुड़ना भी है और वही श्रृंगार है श्रृंगार होता है दो तो प्रकार का एक संयोग श्रृंगार जहां पर मिलते हैं और एक वियोग श्रृंगार जहां प्रेमी प्रेम यानी प्रेमी जो है प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं दोस्तों वो संयोग जहां पर दोस्तों बिछुड़ते हैं सर मिलने के लिए संयोग बिछुड़ने के लिए वियोग बात कंफर्म हो गई मैंने कहा सर ठीक है बोले सर कैसे आ जाओ संयोग का एक देख लेते हैं एक वियोग का देख लेते हैं बात खत्म जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई प्रेम है यार प्रेम है मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रति है प्रेमत तो है विरह नहीं है सर प्रेम है जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई क्योंकि प्रेम का वर्णन है सर ठीक है अब मैं कहता हूं इसी का ले लेता हूं संयोग का उल्टा ले लेता हूं बियोग अभी मिले थे और अब मैं ये कह दू जब नायक नायिका के बिछड़ने का जैसे अगर हमारा और आपका देखो हम और आप क्या है आपस में प्रेमी है अब ये वो वाला नहीं समझ लेना हम और आप क्या है एक प्रेमी है प्रेमी तो कुछ भी हो सकता है प्रेम प्रेम है है ना प्रेम इनफाइनाइट है और प्रेमी अगर हम आप हैं तो हम कहेंगे कि अगर मिलते हैं दोस्तों तो उसमें संयोग लेकिन अगर हम बिछुड़ जाते हैं तो उसमें क्या है वियोग हे, हे मधुकर हे श्रेणी तुम देखी सीता मृगने इसमें बच्चा तुरंत ठोक के चला आता है कि इसमें भगवान राम करुणता की बो, बो, बात कर रहे हैं ये गलत है प्यारे यहां ये कहा जा रहा है भगवान सीता की खोज में वियोग में हे खग मन में जितने भी पक्षी हैं जितने भी मृग हैं जितने भी दोस्तों यानी जानवर हैं जंतु हैं जीव जंतु पक्षी मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने अगर देखा है सीता को तो बताओ कुछ दो है ना तो ये वियोग श्रृंगार है यहां पर करुण नहीं है हास्य में क्या है हास्य में देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया तुम्हारे लिए मतलब तुमको ना दिखाएंगे है ना दिखाएंगे नहीं पहले पढ़ो हास्य रस की बात करें जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहां रस होता है जब भी किसी को पढ़ने में हंसी आ जाए या कहीं उतरे तो तुमने क्या है ना लड़कियों की बात करें तुमने एकदम दुपट्टा रख लिया है दुपट्टा रख लिया एकदम शर्मा आ गई करके अरे सर जी समझो मेरी बात जब भी किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आ जाए तो वो क्या होता है सर वो होता है हास्य रस होता है जैसे चीटी चड़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते और नीचे खड़े कपिल देव कैंच लेने के वास्ते क्या है सर चीटी चड़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते और नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते ये दोस्तों ये उदाहरण हास्य रस का है जिसको पढ़ने में आह्लादित हो जाए हसी आ जाए दुपट्टा से मुंह छुपा लो दोस्तों क्या दिक्कत है बताओ है ना बोलो बहुत बढ़िया ठीक है करुण रस की बात कर लेते हैं करुण रस क्या है सर ये करुण रस क्या है समझिए करुण रस जो है देखो वीडियो को लाइक तो कर ही लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर एफर्ट्स लग रहे हो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब मार देना कोई दिक्कत नहीं है रस की बात करें जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो जाए देखो करुण रस वो होता है जहां पर करुणता का बोध हो जहां पर सर करुणता का बोध हो करुण रस वो होता है जहां हृदय को छुप पहुंचे ऐसी कोई बात ऐसा कोई व्यक्ति हमारा जो हमसे दूर हो गया है वो हमसे चला गया हमारे पास नहीं है सर वो करुणता का भाव अगर हृदय में है सर वो हमारा करुण रस हो जाएगा दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज सो नहीं कही बड़ा कष्ट है है ना अगर कोई कष्ट है दोस्त को फोन किया बहुत कष्ट है बहुत कष्ट है बहुत ही कष्ट है है ना ठीक है चलो अगला रौद्रस की बात करें रौद्र की बात अगर करा जाए तो रौद्र में क्या होता है रौद्र रस का जो स्थाई भाव होता है क्या होता है रौद्र रस का स्थाई भाव होता है क्रोध क्या होता है हाँ, रस का स्थाई भाव क्रोध होता है यह याद रखना तो रस का स्थाई भाव होता है क्रोध होता है जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन हो बात खत्म दोस्तों रस का स्थाई भाव क्रोध होता है जब भी कोई व्यक्ति क्रोध की बात करे क्रोध का वर्णन होता है वहां रस होता है श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे वहां पर क्रोध होगा अगर किसी भी दृश्य को देखकर हमें क्रोध आ जाए कोई अपनी पत्नी को रास्ते में मारता हो या कोई आदमी को मारता हो और मुझे क्रोध आ जाए तो वो रौद्र रूप होगा हमारा ठीक है ना तो इसलिए ये क्रोध वाला रौद्र के साथ वीर जहां पर कहते खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जहां पर वीर की बात करेंगे तो वीर के अंदर कौन सा ईस्ट भाव उत्साह होगा उत्साह होगा जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है जैसे चमक उठी सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी बुंदेलो हरवोलो के मुंह कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी का जन्म कहां हुआ था अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बताइए मैं आपसे पूछता हूं रानी लक्ष्मीबाई अगर आपसे ये पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ कोई बताएगा तो रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम जन्म की बात करें और समाधि की बात करें समाधि की बात करें ये जीएस में थोड़ा सा हम घुस गए भैया तो जन्म हुआ है कहां बनारस में इसको बनारसी कहा गया और समाधि दोस्तों ग्वालियर समाधि ग्वालियर ठीक है प्यारे ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है झांसी हाँ, से नेतृत्व तो किया था किसका अठारह की क्रांति का भयानक रस की बात करें भयानक भयानक रस का स्थाई भाव होता है भय जहां पर भय हो जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो काव्य में किसी के कार्य के करने से या किसी को किसी भी चीज को सुनने से भयभीत तो हो जाए हृदय भय से भर जाए वहां भय लग जाए और भयानक रस की उत्पत्ति हो निष्पत्ति हो लंका की सेना कपी के गर्जन रव से कांप गई हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई मतलब क्या है कांप गई कांपने का मतलब होता है कांपा तभी जाता है जब भयानक होता है कोई दृश्य और भय लगता है इतनी सी इतना ही कॉन्सेप्ट था इतना ही कॉन्सेप्ट था दोस्तों जैसे बीभत्स की बात करेंगे और रसों को यहां पर एक दो और बचे हुए रस उसके बाद आपका बहुत पसंदीदा चैप्टर आ रहा पता है बताओ अंदाजा लगाओ कौन सा पसंदीदा चैप्टर होगा बताइए बीभस रस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है बीभस रस की बात करें तो बीभत् यानी घृणा बीभत्स यानी घृणा जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा हो जाए यानी बीभस रस होता है का मतलब ही घृणा होता है रस मुख्यता युद्धों के वर्णन में पाया जाता है जिसमें युद्ध के पश्चात लाश को चील कौवे जो होते हैं, वो उनको खाते हैं नोच नोच कर खाते हैं अगर किसी भी जंतु को अगर आप रास्ते में देख लो या किसी भी मान लो ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो कोई भी व्यक्ति अगर पड़ा हो और उसको कुत्ते खाए हाँ सर उसको चील खाते हैं क्योंकि युद्ध में ऐसा ही होता था पहले चील खाते हैं जान की खोद की कर निकारत चील के लिए एक वर्णन होता है जैसे जैसे एक एग्जाम्पल है कौ अंतरणी की पहिर माल इतरात कौ ये कहां का है ये है ये आपके वहां का है घाट नहीं होते हैं जहां पर घाट होता है हम लोग जो है जलाए जाते हैं तो वहां पर वहां का एक एग्जाम्पल है कौ अंतरणनी की आतों की पहर माल इतरात दिखावट मालों को पहने कौ चरवी लय चोप सहित निज अंगनी लावत, कोई तो दोस्तों अंतणियों की माला कोई नरमुंडों की माला कोई मुंड को गेंद बनाए तो समझ रहे ना उन चीजों का अगर देखा जाए तो उन चीजों को क्या है वहां ऐसे दृश्य को बीभस रस कहा जाता है ठीक है जिसको आप देखना ही ना पसंद करो अद्भुत रस में क्या होता है जब भी अद्भुत रस का स्थाई भाव होता है आश्चर्य आश्चर्य का मतलब होता है विस्मय विस्मय क्या होता है इसको क्या होता है जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसको सुनकर या पढ़कर आश्चर्य हो जाए अद्भुत रस अच्छा कोई चीज हो एकदम से टकटकी बांध अरे ये कैसे हो गया है ना? ये कैसे हो गया तो जब भी कोई नई चीज आएगी तभी तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा आंखें खुली रह जाएंगी अद्भुत वही होता है जो आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाला हो अद्भुत वही होता है जो आपके लिए पहली बार ऐसा हुआ हो आप नहीं सोचते थे वही हो गया देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया यशोदा शिशु के मुख में कृष्ण के मुख में देखती है छड़वर को वह बनी अचेतन कुछ देर के लिए चेतन हो गई हिल न सकी कोमल काया हिल नहीं सकी है ना ये दोस्तों याद रखिए सांतरस प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं दिया आंसर मारना भरत मुनि ने कौन सा रस नहीं दिया वो यही नहीं दिया नौमा रस दोस्तों इसको कहा जाता है नौमा रस कहा जाता है और इसका जो स्थाई भाव होता है वो निर्वेद होता है क्या होता है निर्वेद होता है जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति शांत का मतलब जहां पर शांति वैराग्य इसको क्या कहा जाता है इसको वैराग्यता कहा जाता है वैराग्य कहा जाता है दुनिया से मोह खत्म हो जाए पैसा रुपया सब छोड़ो मस्ती में चलो भाव उत्पन्न हो रस कहा जाता है मेरो मन अनंत सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे अनंत सुख अनंत सुख उसी को मिलता है जैसे देखो हम लगे हुए हैं आपके साथ तो इसका मतलब यह है मैंने आपसे कुछ नहीं लिया लेकिन इसका मतलब साफ साफ यह है कि कहीं ना कहीं से मुझे फायदा होगा अब देखो समझो मेरी बात आप मेरे साथ लगे हो इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा तो यह फायदे की बात को छोड़कर अगर हम वैराग्यता को अपनाए वही शांत है हम रात में चिल्ला रहे तुम रात में मेरे साथ पढ़े हो तो इसका मतलब बढ़िया छोकरी मिलेगी छोकरा मिलेगा फायदा ही फायदा है ना अरे सर छोकरी छोकरा मिल भी गया होगा तो कम से कम पीढ़ियां मिलेंगी सैलरी मिलेगी टेंशन खत्म होगी फायदा ही फायदा द्वार खुल गया है ना ये समझो वात्सल्य रस जहां पर मां और प्रेम मां और बच्चे के बीच में वात्सल्यता हो प्रेम हो सर वहां पर क्या है वहां पर क्या है वात्सल्य रस जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है वहां वात्सल्य रस होता है सूरदास ने जिन पदों में श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो वात्सल्य रस है सर बोले कैसे मां अपने बच्चे को कितना दुलारती है मान लो हम आप बड़े हुए हम आप कितने जल्दी बड़े हुए ऐसे तो नहीं जल्दी जल्दी बड़े हो गए कोई कंप्यूटर का रिमोट दबाया और बड़े हो गए इतना प्यार और दुलार मिला होगा मुझे लगता है कि हमें और आपको याद भी नहीं होगा इतनी बार जो है सूसू करी होगी फिर भी प्यार से जो है मां हमारी है ना हमको दुलार करती थी है ना हम और आप दोनों की बात कर लेते हैं यानी जितने भी बच्चे पढ़ रहे कितनी बार सूसू करते थे तुम लोग है ना यानी हम सब तुम और फिर भी यार क्या ना कंटाप पे ना पड़ता था और आज कुछ नहीं करते हैं कंटाप पे पड़ जाता होगा लेकिन अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं ना चलो कोई बात नहीं अब कहते हैं दोस्तों की बात अगर करें तो उदाहरण क्या है किलकत आवत हुए भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है घुटरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं ठीक है यहां पर वात्सल्यता है दोस्तों वात्सल्यता है चलिए और इसी के तहत भक्ति रस जो होता है अंतिम भक्ति रस होता है ग्यारवा भक्ति रस में क्या होता है जब भगवान की तरफ अगर हम ईश्वर की ईश्वरीय प्रेम की तरफ अगर हम झुकते हैं तो भक्ति रस होता है इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है जैसे उलट नाम जपत जग जाना बाल्मीकि ब्रह्म समाना ब्रह्म समाना ये दोस्तों आपको याद रखना तो बताओ अब कौन सा चैप्टर आ रहा है कितने बच्चे तैयार हैं सर एक बार मेरे को बता के जाओ कह रहा सर मेरे से नहीं होगा मैं जा रहा हूं अगर जाना है तो बस इतना कह के जाना मेरे से हो नहीं पाएगा मेरा पैदा होना खराब हो गया है ना <laughs> तो इतना देखो तुमसे मैं बिल्कुल खुला हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुमसे जो हो पाएगा वो किसी से नहीं हो पाएगा लेकिन देर मत कर देना दोस्त क्योंकि देर करने में ना कोई तुमसे आगे निकल जाएगा एक ऐसा टाइम आज मैंने देखा है बहुत से बच्चों से जब मैं पूछता हूं कहते हैं कि सर ये जो पैर है ना सर पैर ये पैर में स्वेलिंग आ जाती है सर बैठे रहते हैं कि 11 11 18 18 घंटे बैठे रहते हैं मैं सोते यार 18 घंटे बैठे रहते है? सोते हैं सर सोते ही तो है इतना ही सोते हैं दो तीन घंटे है ना बोले 11 11 घंटे 12 12 घंटे सर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो सर ना ये ना समझना कि चीजें आसान हैं, चीजें थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन उनको आप क्रैक कर सकते हो वो उन्हीं में से बच्चे हैं वो आप में से ही बच्चे हैं बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे होंगे राइट चलो कारक की बात करते हैं एक मिनट का चैप्टर दो से तीन नंबर दिलाएगा कारक की बात कर लेते हैं तो कारक है क्या दो तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्रिया को करने वाला बस क्रिया को करने वाला कारक क्या है करने वाला क्रिया को करने जो क्रिया को करेगा वही कारक है क्रिया को करने वाला यानी क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में अगर बोले कि संबंध बताने वाला जो मशीनों क्या है निशानों को कारक कहते हैं मतलब जो निशान होते हैं निशान का मतलब क्या होता है के हो गया में हो गया पर हो गया से हो गया जो संज्ञा और सर्वनाम की बात करता है उनके बीच में कोई कर्ता काम कर रहा होगा लेकिन करता करेगा क्या बैठा थोड़ी ना रहेगा सोएगा थोड़ी ना जो क्रिया करेगा कुल मिला के क्रिया को जो करेगा वही कारक है और उनके बीच में जो सिंबल यूज होते हैं सिंबॉलिक सिस्टम होता है उसको हम निशान कहते हैं और इन्हीं निशानों को क्या कहा जाता है इन्हीं निशानों को दो नाम से जानते हैं एक प्रसर्ग के नाम से और एक विभक्ति के नाम से इनका टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मजेदार है विभक्ति और विसर्ग के परसर्ग के नाम से जानते हैं राइट इतना याद रखना तो जो निशान होते हैं क्रिया को करने के लिए वही कारक होते हैं बोले सर कैसे कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के होते हैं आठ भेद देखो कारक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कारक में हमने देखा क्या होता है कारक को हमने ये देखा क्रिया को करने वाले बात इतनी है करने वाले सर कारक है कारक की अगर हम बात कर ले तो कारक में अगर हम कारक की संख्या की अगर हम बात करें तो ये कितने होते हैं तो ये होते हैं आठ आठ प्रकार के होते हैं ठीक है पहला है कर्ता कारक, दूसरा है करण कारक तीसरा है अपादान चौथा है अधिकरण थोड़े उल्टे उल्टे हो गए कोई बात नहीं पांचवा है कर्म संप्रदान संबंध और संबोधन बोले सर कैसे ठीक है लेकिन इसको अगर हम देखें थोड़ा सा आठों कारक को एक स्लाइड में जान लेते हैं बोले सर कैसे देखो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने कर्म कारक की विभक्ति होती है को करण कारक की विभक्ति होती है से और द्वारा से, के द्वारा कहो या से और द्वारा कहो यानी साधन या माध्यम के लिए अगर से प्रयोग हो जाए तो करण और से यहां पर भी है ये अलग होने के लिए ध्यान देना से आता है तीन कैटेगरी में आता है से आता है अलग होने के लिए अपादान में से आता है तुलना के लिए और से आता है भय के लिए अभी आगे बताऊंगा और से आता है साधन के लिए तो करण संप्रदान में को आता है हाँ सर कर्ता ने कर्म को यहां पर भी को मिलेगा लेकिन यहां पर को आता है देने के लिए क्या आता है देने के लिए इतना याद रखना और के लिए जब हम अपनी मेहरारू के लिए साड़ी लाएंगे तो क्या लिखेंगे हम अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाए तो वहां पर देने के लिए हम अपनी पत्नी को साड़ी देते हैं तो भी देने के लिए अपादान तो हमने बता दिया है ना तीन जगह इस यूज़ होता है संबंध कारक का मतलब है यह मेरी कार है कोई चीज ना आए तब भी संबंध है ना राम का घर है राम के पिता है, राम की नानी है तो हमने कह दिया संबंध अधिकरण कारक में मैं पर मैं कमरे में हूं और मैं कमरे पर हूं मैं छत पर हूं ठीक है ना? संबोधन जब भी किसी को बुलाने की बात करें अजी सुनते हो कैसे हो है ना हे हो अरे अजी चलो अब जरा ध्यान देना बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं एक ही लाइन से आपको कारक समझा दूंगा बोले कैसे कर्ता कारक कर्ता कारक वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम देखो चार चार लाइनें ना समझना केवल इन पर ध्यान देना लाइनें अगर ना लिखूं तो भी अधूरा है क्योंकि ये हमारे अपने शब्द हैं हमारे अपने शब्द हैं जो मेरे को आता है मैं आपको बताता हूं ठीक है ना मैं अपने शब्दों को लेकर आया हूं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है क्रिया के करने अच्छा ये बताओ क्रिया को कौन करेगा कोई भूत तो कर नहीं जाएगा अब क्रिया को करेगा कोई कर्ता करेगा सब्जेक्ट करेगा कर्ता कारक वहां होगा क्रिया के करने वाले का बोध होता है कर्ता कारक करता ही तो करेगा हाँ भैया करता ही करेगा उसे कर्ता कारक कहते हैं इसका चिन्ह ने होता है यानी कर्ता के साथ हमने क्या बोला ने आता है बोले सर अपने आप से क्यों बता रहे हो मैंने कहा था था यही तो बताया कर्ता कर्ता के के साथ साथ ने आता है है ठीक कभी के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है इसलिए छुपा भी होता है जैसे सुनील खेलता है तो इसमें नहीं लगा है इसलिए खेलता कौन है सुनील यही सुनीला जो है ना यही दोस्तों इसमें जितने सुनीला है यही सुनीला यही है कर्ता ये रमेश ने पुस्तक पढ़ी इसमें दिख गया कभी कर्ता के साथ लग जाता है ने लेकिन कभी नहीं लगता है रमेश जो है यह पुस्तक रमेश ने पुस्तक पढ़ी इसमें लग गया है कभी लग गया तो आपको तो भी मार लेना नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं अब जैसे एक ही से समझा देता हूं यहां राम ने मारा एक ये याद रखना राम ने मारा तो राम ने मारा है कारक हो गया अब आ जाओ आगे इसको याद रखना राम ने मारा कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े ठीक है ना उसे कर्म मतलब कर्ता ने किया क्या किया क्रिया किया और क्रिया करके कर्म निकाल दिया समझ गया ना कर्म के साथ को विभक्ति आती है यानी कर्म के साथ को विभक्ति आती है बोले सर अपने आप क्यों बता रहे हो मैंने कहा यह तो मैंने बताया था कर्म के साथ को विभक्ति आती है ठीक है सर ठीक है इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप हो जाता है ठीक है चलो मैंने कहा ठीक उसने सुनीता को पढ़ाया मोहन ने अब कभी भी यह ना देखकर मार देना कि नहीं यहां करता मार दे लास्ट वाले को देखना को मैंने भी बताया था आपको यह देखो राम ने मारा तो राम करता और मैं इसी को बड़ा करके लिख देता हूं राम ने रावण को मारा राम ने रावण को मारा तो बस तुरंत आंसर हो गया क्या हो गया कर्म कारक यहां पर हो गया था कर्ता कारक यहां पर हो गया कर्म कारक ठीक है उसने सुनीत सुनील को पढ़ाया लास्ट वाले को देखना है बस तुरंत कर्म कारक मार दीजिए अब करण कारक उसको याद रखना उसी को याद रखना है इसको राम ने रावण को मारा ठीक है मैंने कहा था राम ने मारा तो करता राम ने किसको मारा रावण को मार दिया कर्म अब समझ लो अगर मैं कह दूं राम ने रावण को बाण से मारा है ना बाण से मारा तो ये क्या हो गया अब आंसर करण बोले सर कैसे क्योंकि अब मुझे यहां नहीं देखना अब मुझे लास्ट वाला देखना है से बोले सर क्या रहीम गेंद से खेलता किससे खेलता गेंद से खेलने का साधन क्या है गेंद जिस साधन से अथवा जिस द्वारा क्रिया पूरी की जाती उसे है उसे करण कहते हैं और करण के लिए आता है से करण के लिए आता है के द्वारा अच्छा ये बताओ राम गेंद से खेलता राम गेंद के द्वारा खेलता तो भी कोई दिक्कत नहीं राम ने रावण को बाण से मारा राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा तो भी कोई दिक्कत नहीं जब कहीं भी साधन की उस कैसे मारा साधन क्या था मारने का बाण था मारने का है ना उखाड़ दिया नाभि तोड़ दी आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है आदमी चोर को उड़ा दिया किसके द्वारा लाठी द्वारा मारता है द्वारा द्वारा किसके लिए साधन के लिए करना जाएगा याद रख लेना प्यारे है ना ठीक है चलो संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है ध्यान देना यह बहुत महत्वपूर्ण है एक तो यहां पर के लिए आ जाए तो तुरंत मार दीजिए और जब कोई भी चीज को आप भेंट दे रहे हो दान दे रहे हो उपहार क्यों ही ना दे रहे उपहार भी दे रहे हो तो वहां पर भी आपको संप्रदान कारक मारना होता है है ना तब भी आपको संप्रदान कारक मारना होता है जैसे मम्मी ने मारा अब देखिए यहां पर कर्ता कारक जितने भी थे बच्चे समझिए जैसे मम्मी ने मारा ठीक है कर्ता कारक कर्म कारक कैसे होगा मम्मी ने तुमको मारा ठीक है या मुझको मारा मम्मी ने मुझको बिलना से मारा यानी बेलन से मारा ठीक है ना झाड़ू से मारा तो करण कारक ठीक है ना उस संप्रदान कारक अब मार नहीं खानी है मैं मम्मी के लिए साड़ी लाया मैं मम्मी के लिए साड़ी यानी या, या तो के लिए सुनील रवि के लिए गेंद लाता है हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं हम पढ़ने के लिए आ जाए के लिए आ जाए या एक और एग्जाम्पल दान और भेंट जैसे राजा भिखारी को अब इसमें चाहे कुछ भी आ जाए को आ जाए से आ जाए उससे मतलब नहीं दान और उपहार आ जाए उसको राजा भिकारी को कंबल देता है तो दोस्तों गलती यह ना करना कि कर्ता ने कर्म को वहां मार देना इसीलिए मैंने लिखा कि भेंट और दान और उपहार आ जाए तुरंत दोस्तों संप्रदान कारक मार देना ठीक है ना अपादान कारक जहां पर से आ जाए और से किसके लिए सर से तीन चीजों के लिए आए एक अलगाव के लिए आ जाए एक तुलना के लिए आ जाए एक आपका भय के लिए आ जाए जैसे मुझे मम्मी से डर लगता है मेरी बात समझो तो कौन सा कारक होगा मुझे मम्मी से डर लगता है पहला मुझे मम्मी से डर लगता है आंसर क्या हो जाएगा अपादान क्यों क्योंकि भय के लिए आ गया एक कंफर्म हो गया दूसरा से भी आया है और भय के लिए आया है कंफर्म, दूसरा मुझे मैं मैं जितने लोग तुम देख रहे हो ना मैं तुमसे काला हूं मैं तुमसे काला हूं तो मैं आया है और से भी आया है और तुलना कर दी मैंने ये देखो तुलना कर दी मैं तुमसे काला हूं अगर मैं ये कह दू अरे भैया उसकी लिपस्टिक बड़ी अच्छी थी हमसे ज्यादा चमक रही थी है ना लड़कियों अरे भाई इतना बढ़िया लहंगा पहन के जाऊंगी बारात में कि कोई वो हमसे अच्छी ना लगे है ना वो हमसे अच्छी ना लगे तो जहां तुमने अपनी सहेली से तुलना कर ली भाई वहां पर क्या है वहां तुलना के लिए अगर से आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा अपादान प्यारे और मान लो तुमसे अच्छी लगने लगे फिर क्या होगा फिर तो दय दय पलटी, पलटी, दय जुखाम तुमको वही हो जाएगा है ना चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट तीसरा अलगाव के लिए मैं छत से गिरा जहां पर अलगाव हो गया अब मैं क्या छत पे हूं नहीं भैया मैं टूट गया हूं नीचे गिर गया हूं भाई मैं नीचे गिर गया हूं मैं छत से गिरा मैं अलग हो गया हूं अलग हो गया हूं मैं अलग हो गया हूं अलगाव मैं तुमसे काला हूं तुलना मैं मम्मी से डर मैं मम्मी मम्मी से से मुझे डर लगता है भय हो हो गया बात कंफर्म गई तो तो ये तो मैंने बहुत गंदा गंदा लिख दिया है समझिए हिमालय से गंगा निकलती है अलग हो गई हां सर अपादान हो जाएगा वृक्ष से पत्ता गिरता है वही अलगाव मैं छत से गिरा वृक्ष से पत्ता गिरा अलगाव राहुल छत से गिरता है या मैं छत से गिरता हूं सर अलगाव सर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कारक संज्ञा अर्थ अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध जैसे हमारा और आपका कोई संबंध है सीरियस हमारा आपका कोई संबंध है वो हमारे और आपके बीच में कोई ऐसा रिलेशन है तो प्यारे क्या होगा वो सर हो जाएगा हमारा एक संबंध कारक का एक रिलेशन हो जाएगा बोले सर कैसे राहुल की किताब मेज पर है तो जहां का की के आ जाए सुनीता का घर मैंने कहा मेरा घर हमने का की के नहीं लगाया मेरा घर यह है तो मेरे घर का रिलेशन मेरी पत्नी यह है मेरा बच्चा यह है मेरे छात्र यह है मेरी कार यह है राम की कार राम का घर राम का घोड़ा राम का मोबाइल जहां पर का आ जाए की आ जाए को आ जाए ठीक है नहीं आ जाए तो उसमें रिलेशन देख लो कि अगर कोई व्यक्ति के साथ रिलेशन है या कोई निर्जीव वस्तु के साथ रिलेशन है तो देख लो राइट right? बहुत बढ़िया अधिकरण कारक लास्ट पे ही होंगे अपन लास्ट एक और होगा हाँ ठीक है बहुत बढ़िया चलो अच्छा ठीक है अधिकरण कारक अधिकरण कारक में क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ध्यान देना यह प्रश्न उससे आ चुका है किससे आया है मतलब उसी से आ चुका है से आ चुका है कहता है कि ऐसा कारक बताओ जिस कारक में आधार का बोध होता है आधार का बोध तो इसमें आंसर में ही देखिए छुपा हुआ है आधार का आधार आधार अधिकरण आधार से लगता है मिलता जुलता हो अधिकरण और अधिकरण का जो विभक्ति होता है वो होता है में और पर ध्यान देना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मे पर से तो बहुत बार आता है देखो कोई भी चीज अगर अंदर हो कोई भी चीज बाहर हो कोई चीज ऊपर हो कोई चीज नीचे हो समझो मैं छत पर हूं पर आ गया कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं तोता डाली पर बैठा है मैं कमरे में हूं मैं नदी में हूं मैं पुल पर हूं बात समझो पक्षी डाल पर बैठे घर पर मां है पर आया घोंसले में चिड़िया है सड़क पर गाड़ी खड़ी है पर आया तो मे और पर आ जाए अधिकरण कारक जहां आधार जहां सरफेस का बोध होता है प्यारे वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है संबोधन कारक की बात करेंगे देखिए संबोधन कारक की अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध होता है जैसे खबरदार उल्टा आई लगा दिया रीना को मत मारो यहां पर भी उल्टा आई होना चाहिए ठीक है ना रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है सचेत करने की बात सावधान करने की बात पुकारने की बात तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं तो यह हमारा कारक खत्म हुआ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया एक एक दो हो जाता तीन हो जाता है चार हो जाता है पांच हो जाता है ठीक है अभी देखिए ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें सबसे बच्चा परेशान होता है सबसे ज्यादा परेशान होता है कि शब्द के भेद-विभेद भेदपत्ति के आधार पर कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं उसके पहले एक चीज और बता देता हूं एक आता है कि ये अब क्या होता है बच्चा कंफ्यूज रहता है अब क्या होता है तो अब दोस्तों होता है जो व्यय ना हो अव्य को अविकारी कहते हैं जिनका लिंग और बचन के साथ देखिए लिंग हो वचन हो या क्रिया हो इनका परिवर्तन ना हो इनका परिवर्तन ना हो आगे बताऊंगा मैं परिवर्तन ना हो वही अव्यय होते हैं अव्यय मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं लेकिन इनको पांच प्रकार का लिखा जाता है ठीक है ना हमारी परीक्षा में वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जो बच्चा भी नीचे कमेंट कर रहे थे चलिए फिलहाल शब्द के भेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो समझिए हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर होता है बच्चा कंफ्यूज होता है आपसे मैं यह पूछ दूं कि उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं एक बार कंफ्यूज हो जाओगे या हो जाएंगे अगर मैं कह स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मैं कह प्रयोग के आधार पर मैं कह दू अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ठीक है प्यारे मैंने कहा ठीक है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं समझिएगा अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं दो एक होता है सार्थक एक होता है निरर्थक प्यारे बहुत ध्यान से सार्थक शब्द होता है ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले जैसे मैंने कह दिया मैंने कह दिया सर, बहुत मैं अपनी भाषा को बहुत क्या करता हूं सम्मान देता हूं और मुझे लगता है कि अपनी भाषा से आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा देखिए सार्थक वो होता है देखिए सा माने क्या होता है सा माने सहित जहां क्या सहित हो अर्थ हमारा अर्थ सहित हो वही हमारा क्या है सार्थक है जहां पर अर्थ हमारा क्या हो जहां पर अर्थ हमारा साथ हो वही सार्थक है जैसे किताब तो आपका दिमाग एकदम से किताब पर गया होगा कि हां यह किताब है निरर्थक ना यानी ना तो और जहां पर ना भैया ना अर्थ हो वो निरर्थक बोले सर जैसे किताब था तो किताब के अगर हम आगे लगा देते किताब विताब है तुम्हारे पास किताब विताब है तो ये विताब क्या है तो ये विताब जो शब्द है ना अब आप कहोगे अरे सर बोले क्या बोले सर बिस्तर स्तर है बिस्तर इत्तर ये इत्तर क्या है बोले कापी बापी है ये कापी बापी कापी शब्द निकल आया अर्थ सार्थक और बापी बोले सर मिठाई मिठाई बिठाई यहां बिठाई लिख दिया बोले क्या मिठाई बिठाई लाए हो या नहीं लाए हो है मंजन अंजन करने के लिए है अंजन अंजन कैसा शब्द मंजन तो सार्थक हो गया अंजन कोई चादर बादर है उड़ने के लिए मैं आया यहां चादर बादर चादर तो यहां हो गया बादर यहां हो गया निर्थक पेन बेन है लिखने के लिए मैं लिखू तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट खराब हो गया दवा लिख दू पेन बेन मैंने पेन यहां लिख दिया सार्थक बेन है ना पैंट वैंट है पहन लू मैं पैंट यहां लिख दिया पैंट यहां लिख दिया आप कहोगे सर पूरी रात यही निकाल दोगे क्या मेरी बात को समझो समझाने के लिए तरीका था अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के ये हो गया सर ठीक है सार्थक शब्द वो है मैंने आपको फिर से बताया वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है जैसे नीम तुरंत नीम के पेड़ की तरफ गया होगा व्यक्ति रेल है ना तुम्हारे देश में रेल वेल चलती है बेल तो बेल क्या हो गया हाँ निर्थक वो है जैसे वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो जैसे देना के साथ बेना मुक्का के साथ मुक्का बुक्का मार देंगे अभी मर जाओगे खाना बाना खाना बाना है तो खा लू हो गया चलो ठीक है अगला रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं सर रचना के आधार पर शब्द होते हैं तीन रचना के आधार पर शब्द तीन होते हैं अर्थ के आधार पर दो होते हैं अर्थ के आधार पर पढ़ के आया हूं सार्थक और निरर्थक रचना के आधार पर तीन होते हैं पहला रूढ़ दूसरा यौगिक तीसरा योग रूढ़ हंड्रेड परसेंट आता है कोई रोक नहीं सकता यह प्रश्न हंड्रेड परसेंट यहां से बनता है बोले सर कैसे ठीक है रूढ़ की ट्रिक क्या है, टिप्स टिक्स में की ट्रिक ये है कि जो जितना छोटा होगा देखो इन सभी में छोटा कौन सा लग रहा है रूढ़ दो ट्रिक बताऊंगा जितना छोटा होगा वही आंसर होगा दूसरा दूसरा ट्रिक यह है कि जिसका संधि जिसका संधि विग्रह ना हो जिसका संधि विग्रह ना हो अगर हो जाए तो वो निरर्थक शब्द दे यौगिक शब्द क्या है यौगिक रूढ़ का उल्टा होता है संधि विग्रह हो जाए और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो एक विशेष अर्थ दें विशेष अर्थ का मतलब जो बहुब्री समास होंगे बहुब्री समास होंगे वही दोस्तों हमारे योग रूढ़ हो जाएंगे बोले सर कैसे आ जाओ शब्द को समझ लो पहले यानी रूढ़ हमने कहा संधि विग्रह ना हो और हो जाए तो एक विशेष अर्थ ना दो दें तो रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं जैसे जल हाँ एकदम से दिमाग गया होगा पानी पीने वाली चीज है कपड़े धुलने वाली चीज है दिमाग गया कि हां एक विशेष अर्थ तो है लेकिन अगर इसको तोड़ देंगे इसका निरर्थक हो जाएगा मतलब इसका टुकड़ा होगा ही नहीं निरर्थक है कल तो ये का निरर्थक है नहीं होगा जब जितने छोटे हैं कान नाक ये सब रूण है। याद हो गया योगिक इसका उल्टा होता है किसका मैंने कहा यौगिक शब्द वो है जिसके टुकड़े हो जाए संधि विग्रह हो जाए और अर्थ भी निकले संधि विग्रह ना हो अगर जबरदस्ती कर दिया तो निरर्थक हो जाएगा बात कंफर्म कन हुई ठीक है तो हमने कहा यौगिक जो रूढ़ के उल्टे हैं ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे शब्द यौगिक कहलाते हैं इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं जैसे स्वदेश स्वधन देश स्व माने अपना देश माने देश देवालय देव माने हमारा ईश्वर परमात्मा और आलय माने घर देखो अर्थ भी निकल रहा कुपुत्र माने गंदा पुत्र माने पुत्र है ना सुपुत्र सु माने अच्छा पुत्र माने पुत्र रसोई घर रसोई धन घर विद्यालय विद्याधन आलय जितने भी टुकड़े हो जाएं वो सर हो जाते हैं हमारे क्या योगिक अब योग रूढ़ क्या है योग रूढ़ क्या है योग रूढ़ को यही समझ लेते हैं योग रूढ़ दोस्तों यही समझ लेते हैं या यहां पर समझ लेते हैं योग रूढ़ जो है यहां पर आप समझिए ऐसा अर्थ जो है ऐसा शब्द जो एक विशेष अर्थ देता हो विशेष अर्थ देता हो बोले सर कैसे मैंने कहा विशेष अर्थ देता हो दसानन तो दस आनन का मतलब है दस धन आनन तो ये हमारा आप कहोगे कि सर ये तो यौगिक भी हो सकता है नहीं ये विशेष अर्थ देता है क्योंकि ये रावण है और दुनिया का हर बहुबरी समाज अगर दस आनन में पूछ दिया जाए कौन सा समाज होगा बहुबरी और जो बहुब्री होगा वही योग होगा ठीक है बात कंफर्म हो गई आ जाओ आगे हम बात करेंगे अगर मैं ये कह दूं देखो मैंने ये कहा अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं बताइए अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं एक सार्थक एक निरर्थक एक सार्थक और एक निरर्थक बात कंफर्म हो गई और मैंने यहां पर आपको बताया अभी कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं तो हमने आपसे पूछा कि भैया यहां पर अगर हम लिख दें रचना तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ ये तो भैया दो यहां कॉन्सेप्ट हो गए एक रचना के आधार पर एक अर्थ के अब आते हैं प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो एक विकारी और एक अविकारी यह विकारी और अविकारी क्या होता है समझिए विकारी शब्द क्या होता है अविकारी शब्द क्या होता है बिकारी शब्द क्या होता है समझिए यहां बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है समझिए बिकारी शब्द वो होता है कि शब्द जिनके रूप में लिंग बचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी होते मतलब आपको यहां समझना यह है कि देखिए बिकारी वो है क्या है विकारी विकारी वो है जो जो दोस्तों वक्त के साथ बदल जाए है ना तुम्हारे साथ कोई बदला है क्या नहीं वक्त के साथ बदल जाए बताओ विकारी वो है जो बदल जाए अविकारी वो है जो ना बदले बोले सर ऐसा क्या आ जाओ विकारी शब्द होते हैं अगर लिंग बचन कारक अगर बदलोगे तो ये शब्द भी बदल जाएंगे विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं चार एक संज्ञा एक सर्वनाम एक विशेषण एक क्रिया प्रश्न कैसे आता है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है और निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा नहीं है यही प्रश्न प्रश्न आता है तो अगर प्रश्न में यह आ जाए कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा नहीं है तो तीन इनमें दिया होगा और चौथा अभ्य दे दिया तो यही आंसर हो जाएगा या कह देगा कि निम्नलिखित में कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा नहीं है तो उनके एग्जाम्पल भी मैं देता हूं जैसे लिंग वचन बदल दें जैसे अगर मैं कह दूं कि कोई छात्र है तो छात्र बता दो अविकारी है वे अविकारी तो मैंने कहा कि अगर लिंग बचन बदल दो और जो ना बदले तो वो अविकारी होता है और लिंग बचन अगर बदल दिया और जो बदल जाए वो विकारी तो याद रख लो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हमेशा बदलता है और जो बदलेगा वो विकारी होगा जैसे छात्र है इसका लिंग बदल दिया तो हमने कह दिया कि छात्रा मतलब बदल गया ये और ये हमारा शब्द कैसा हो गया विकारी जैसे मैंने कह दिया सर्वनाम जैसे मैंने कह दिया विशेषण जैसे मैंने कह दिया क्रिया या मैं एक, एक ले लेता हूं जैसे मैंने कह दिया काला ये काला शब्द मैंने इसका लिंग बदल दिया मैंने कह दिया काली, ये हो गया, है ना? मैंने कह दिया लड़का इसका लिंग बदल दो या बचन बदल दो लड़कों लिंग बदल दिया लड़की ये सब दोस्तों बदल गए अगर ये बदल जाते हैं लिंग और बचन और कारक के अनुसार तो ये बिकारी हो जाते हैं तो बिकारी में इतनी चीज ना भूलना कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है और क्रिया होती है ये चार होते ही होते हैं ये चार प्यारे होते हैं ये सौगंध है तुम्हें भूलना मत नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अविकारी भी चार होते हैं समझो अविकारी दोस्तों ऐसे शब्द जिन पर लिंग बचन एवं कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है मतलब मस्त है कुछ भी हो जाए बदलूंगा नहीं कुछ भी हो जाए बदलूंगा नहीं दोस्तों कुछ भी हो जाए नहीं बदलूंगा अपरिवर्तित रहते हैं कितना भी लिंग बदल दो कितना भी वचन बदल दो कितना भी आपका कारक बदल दो जैसे जैसे अगर मैं कह दूं कि जैसे अगर मैं कह दूं कि अथवा अथवा कैसा शब्द है अथवा को बदल दो क्या अथवी हो जाएगा नहीं अगर मैं कह दूं किंतु नहीं बदलेगा अगर मैं कह दूं परंतु यह सब कैसे है अविकारी अव्यय जो अविकारी है वो अव्यय होगा जैसे मैंने कह दिया लेकिन ना? तथा यहां है ना तथा ये सब ऐसे शब्द हैं जो बदल नहीं सकते किंतु परंतु लेकिन इसलिए ये शब्द ऐसे हैं जो बदल नहीं सकते तो वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण एक होता है एक होता है संबंध बोधक एक होता है समुच्चय बोधक एक होता है विस्मयादि बोधक इतना आपको याद रखना है ठीक है अब आते हैं हम हमने कहा कि चलो भैया ये हो गया लेकिन उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं रचना के आधार पर जान लिया कि भैया रूढ़ यौगिक योग रूढ़ होते हैं तीन हो, होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं आपके दो सार्थक निरर्थक प्रयोग के आधार पर दो होते हैं विकारी अविकारी उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर पूछा भी गया है और कैसे पूछा गया था कि उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द है कौन सा नहीं है देखो संकर शब्द इसको थोड़ा सा अलग रखना तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं पांच होते हैं लेकिन चार ही माने जाते हैं इसको नोट कर लेना नहीं तो कहो, कहो आपकी सर ने गलत बता दिया उत्पत्ति के आधार पर सर होते कितने हैं चार ही होते हैं पांचवा जोड़ लिया जाता है संकर शब्द जो परीक्षा में केवल आंसर चार ही माना जाता है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज विदेशी को विदेशज या आगत भी कहा जाता है समझिए इनको सही से पढ़ लीजिएगा एक एक मिनट का है शंकर शब्द और देश शब्द और विदेश शब्द तीन बहुत आते हैं बच्चों, बच्चों का एक डिमांड भी था कि सर पुर्तगाली जितने शब्द हैं वो बता दीजिए जापानी हैं कौन कौन से आते हैं मैंने चार पांच छह छह ले लिए हैं आप कहोगे कि सर क्या मैंने कहा इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर देखिए पहले तत्सम की बात कर लेते हैं बहुत आसान है तत्व माने उसके सम माने समान यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत ऐसी चीज जो संस्कृत के समान हो ऐसी चीज जो संस्कृत से उत्पत्ति हुई हुई हो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो वही हमारे है धन सम उसके जैसा किसके संस्कृत के जैसा हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में अगर संस्कृत के अब देखिए अगर एक प्रश्न आता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के फलस्वरूप पैदा हुए हैं और ज्यों का त्यों ज्यो का त्यों यूज हो जाए ज्यो का त्यों प्रयोग हो जाए ज्यो का त्यों प्रयोग अगर हो जाए वो दोस्तों तत्सम कहलाते हैं जैसे अग्नि जैसे गोधूम गेहूं हो होता है जैसे गो में गोबर होता है जैसे पुष्प होता है जैसे पुस्तक होता है जैसे पृथ्वी होता है ये तत्सम है बोले सर अगर तत्सम पढ़ ही रहे हो तो एक बार तद्भव बता दो तद्भव उद्भव जो उसके साथ थोड़ा सा मिला जुला रूप है उससे उत्पन्न हुआ है जैसे मैंने यह कहा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए, हुए, हुए मट्ठा बना दिया हमने घी बना दिया हमने हमने क्या हमने मलाई बना दिया है ना उसके प्रोडक्ट बना डाले तो तत्सम संस्कृत का का त्यों है तद्भव उससे बना हुआ है जैसे संस्कृत का शब्द था दुग्ध और इससे बना दिया दूध ठीक है ना जैसे अग्नि शब्द था संस्कृत का इससे इसको हमने बोलचाल में आग कह दिया तो यह तद्भव हो गया कार्य को काम कह दिया कर्पूर को कपूर कह दिया और हस्त को हाथ कह दिया बोले सर थोड़ा और बता दो मैंने कहा आ जाओ जैसे जैसे अग्नि को हमने कह दिया आग जैसे चंद्र को हमने चांद कह दिया और चंदा मामा कह दिया उल्लू एक संस्कृत है जिसको उल्लू कह दिया काक संस्कृत शब्द है हम लोग काक कहते नहीं कौवा बोलते हैं बानर बंदर बोलते हैं सर्प सांप बोलते हैं कुकुर है ना जिसको हम कुत्ता बोलते हैं है ना इसी तरह इसी तरह गोमय गोमय क्या है गोबर है इसी तरह गोधूम एक संस्कृत शब्द है गेहूं है जिसको हम तद्भव बोलते हैं इसी तरह कंठफल कंठफल क्या है कंठफल कटहेल है कटहल क्या है कटहल इसी तरह जो है विवाह होके जाता है ससुर तो ससुर आए गए ससुर है ना बताओ क्या बोलते हैं ये जैसे हमने कह दिया अग्निष्ठिका ये मैं वो बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो मैं फालतू का नहीं बता रहा हूं आपको अंगीठी ये क्या है जैसे मैंने कह दिया तो कह दिया मूझ, मूझ का मूझ को तत्सम में कहते हैं ये दोस्तों है पॉइंट ठीक है ये बात आपको याद रखनी है जैसे एक और आता है बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन आता है अट्टालिका तो जिसको हमने कह दिया अटारी क्या कह दिया अटारी कह दिया तो भैया ये तो हो गया अब देशज क्या है जरा समझिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है वादा किया है तुमसे तो गलत वादा मैं करता नहीं हूं मैंने आपको वादा किया है कि बाहर नहीं होगा तो नहीं होगा सर बस बात खत्म नहीं होगा कौन है भाई दिक्कत क्या है भाई कोई समस्या कर रहे हैं अगर कोई दिक्कत बेटा कर रहे हो ना तो समस्या क्या है मैं एकदम से तुम्हें परलोक सिधार दूं मतलब कंबल के अंदर कौन है भाई कौन है ठीक है चलो चलो मस्त रहो कोई दिक्कत नहीं अरे बेटा वो गलत नहीं बोला था उसका समझ रहे हो वो कोई लड़का होगा देखो वो तुम्हें गलत नहीं बोलेगा समझो वो कोई लड़का होगा हो सकता है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करने आया हो तुम तो लोग यार इतना आसान काम है ना छोटी छोटी चीजों पर यार बोले लेते हो नाम रोशन करने आया तुम लोग नाम रोशन नहीं करने देते हो मतलब तो हद मचा के रखी है आ जाओ देशज विदेश क्या होता है देखिएगा ऐसे शब्द तो जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से एक है एक प्रश्न आता है यहां से एक प्रश्न आता है क्या प्रश्न आता है नाम रोशन करने आया हो तो उसको नाम रोशन करने दिया करो भाई उसपे कोई ना कोई कोई मत कुछ मत कहा करो वो अपने माता पिता का ऐसा नाम रोशन करेगा ना उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी है ना उसके भी बच्चे तो होंगे ना चिंता किस बात की है भाई क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे शब्द वो भी कहते होंगे काश पिता इसके कहते होंगे काश उस रात में सो गया होता है ना क्या करें दुख होता है कहना पड़ता है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता जिनकी उत्पत्ति का बेटा हमें पता नहीं चलता उन्हें हम कहते हैं देशज जिनकी उत्पत्ति का हमें सर पता नहीं चलता है प्यारे थोड़ा सा रिलैक्स होकर ध्यान से समझो सीरियस जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता जैसे हमने कोई भी नाम ले लिया सर ध्यान दो जैसे हमने कोई भी ऐस, ऐसा ऐसा साउंड सुन लिया बोले सीसा, ताड़ से हुआ है ना सीसा चटक गया यह चीज गिरी धड़ाम से यह धड़ाम कैसा है यह धड़ाम से ताड़ ये क्या है बादल कैसे है? सर गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट कैसी है जैसा साउंड दे दिया कंफर्म नहीं है सर कहां से आए हैं ये सर कंफर्म ही नहीं है ये कहां से आए हैं लेकिन कंफर्म ये तो समझो कि जैसे पेट डिविया लोटा पगड़ी थैला चमचम समोसा डोसा इटली, गुलाब जामुन ये कहां के हैं लड्डू खटखटाना खिचड़ी खिड़की तेंदुआ ये सब कैसे हैं? ये सब देशज है जैसे और समझो पानी का बरसना सड़क कैसी हो गई छप छप सड़क में बड़ी छप छप हो रही छमछम है ना चपचप किचकिच ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द वो है जो उत्पत्ति नहीं पता हुई जैसा हमने बोला सर वैसा हो गया राइट दूसरा कोई दीवार गिरी और बोला भर भरा गिर गई ये भर भराना क्या है कपड़ा कोई उड़ रहा है फरफर फर, ये फरफर फर, है ना बारिश हो रही झरझर बिजली कर गई तड़तड़ झरझर फरफर ये क्या है सर ये सर वो है जो हमें पता ही नहीं है कहां से आ गए हम उनको यूज कर रहे हैं हमारी आम बोलचाल में विदेश क्या है ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए वे शब्द हिंदी में क्या है विदेशी कहलाते हैं और जो प्यारे ध्यान देना यहीं से प्रश्न बनता है जो विदेशज हैं उनको आगत कहा जाता है उनको आगत कहा जाता है क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं जैसे आप समझ लीजिएगा कोई बच्चा हिलेगा नहीं कोई भी बच्चा जाने के लिए तो नहीं पकड़ सकता हूं समझिए पुर्तगाली शब्द कितने होते सर पुर्तगाली शब्द आपको कुछ याद कर लेने हैं जो जो परीक्षा के लिए जैसे जो आपके ज़... रोज आप या एक चीज हमेशा यूज करते हो तौलिया है ना कहोगे मैं तो भैया गमछा यूज करता हूं भाई मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मेरे शब्द नहीं है ठीक है ना तो देखो चाबी ये चाबी शब्द हुआ अचार हुआ आलपिन हुआ कारतूस हुआ गमला हुआ चाबी हुआ तिजोरी हुआ तौलिया हुआ फीता हुआ साबुन हुआ तंबाकू हुआ काफी हुआ और कमीज हुआ ये सब हमारे क्या है पुर्तगाली सब इनसे बाहर पुर्तगाली आ नहीं सकता ये वादा है इनसे बाहर नहीं आएगा और तुम्हारे काम की ही चीजें हैं तंबाकू तुम्हारे काम की विशेष चीज है तंबाकू तुम्हारे काम की विशेष चीज है ठीक है ना चलिए चलो भाई ये कोई आई लव यू वाला था इसको रात में बड़ी चैन नहीं थी है ना इसको गया खत्म साहीन को है ना कह रहा था चलो खत्म टाटा बाय बाय है ना साबुन लगा के तुमको उड़ा दिया तो देखिए बेटा कहता था अचार आलपिन कारतूस अचार तुम्हारा पसंदीदा है आलपिन तुम्हारा पसंदीदा है कारतूस तुम्हारा है ना है ना गमला तुम्हारा है चाबी तुम्हारी है तिजोरी तुम्हारी है तौलिया है फीता है साबुन है तंबाकू तुम्हारी है बहुत मोस्ट चीज है काफी और कमीज है ये दोस्तों क्या है ये दोस्तों पुर्तगाली शब्द है दूसरा तुर्की शब्द क्या है अब ये तुर्की शब्द क्या है ये तुर्की कैंची चाकू कैंची शब्द बहुत बार आया परीक्षा में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कैंची और बारूद दो बहुत पूछे गए हैं और दरोगा तो बहुत महत्वपूर्ण है दरोगा बहुत महत्वपूर्ण है दरोगा बहुत महत्वपूर्ण है कैंची चाकू तो बारूद लाश दरोगा बहादुर ये सब है आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं किसके हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं फारसी शब्द क्या है फारसी एक अनार सो बीमार वाला अनार चश्मा दोनों महत्वपूर्ण है जमीदार देखो यहां पर क्या है यहां पर आपको याद रखना है ये लाश वगैरह है ना लाश लाश प्रेमी हो तुम दुकान दरबार नमक नमूना बीमार बर्फ और रूमाल है ना ये रूमाल रूमाल बहुत महत्वपूर्ण है रूमाल और आदमी बहुत जरूरी है चुगलखोर बहुत जरूरी है चश्मा बहुत जरूरी है जिस पर हम वो लगा दें ठीक है ना और बर्फ खाई ना बचपन में यह जरूरी है और नमक रोज खाते हो इसके बिना जीवन अधूरा यह जरूरी है यह आपको याद रखना है यह फारसी है अंग्रेजी और जापानी चीनी है और एक है जापानी बस अंग्रेजी में कॉलेज पेंसिल रेडियो टेलीविजन डॉक्टर लेटर वाक्स पेन टिकट मशीन सिगरेट साइकिल आदि देखो तंबाकू हमारा पुर्तगाली है लेकिन सिगरेट हमारा अंग्रेजी है ठीक है बारूद हमारा किसका है बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए बारूद इतनी जल्दी भूल जाओगे बारूद अभी मैंने बताया था किसका बताया था तुर्की का बताया था क्या देखिए तुर्की का बताया था ठीक है चलो मंदारिन देखिए चीनी को मंदारिन कहते हैं जिसको मैंडरिन कहा जाता है चीनी शब्द जो होते हैं चाइना के कुछ शब्द हैं जैसे चाय बहुत पीते हो चीनी है तूफान लीची और पटाखा ये सब चाइना के शब्द हैं ठीक है थीके? किसके शब्द हैं चाइना के शब्द हैं ये बात आपको याद रखनी है जापानी शब्द एक शब्द आपको याद रखना है रिक्शा रिक्शा कैसा शब्द है जापानी है रिक्शा कैसा शब्द है जापानी है यह बात आपको याद रखना है अब आ जाओ शंकर शब्द जो बहुत बार परीक्षा में आता है एक नंबर यहां से पक्का बनता है एक नंबर यहां से पक्का बनता है एक नंबर पक्का बनता है ध्यान रखो इन चीजों को पढ़िए क्या है बोलो ठीक है गुड ठीक है बहुत सुंदर चलो ठीक <laughs> तूफान गुड चलो देखो संकर शब्द की बात करें वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं जैसे मैंने कहा कि अगर हम दो भाषाओं की बात करें जैसे टिकट हमने मिला लिया और घर टिकट घर को हमने कह दिया टिकट घर क्या कह दिया टिकट घर को हमने कह दिया टिकट घर तो हमने कह दिया टिकट घर कह दिया दोस्तों क्या कह दिया टिकट घर कह दिया तो ये टिकट कैसा है ये टिकट हमारा है अंग्रेजी तो एक हमने अगर अंग्रेजी मिला दिया था और एक हमने हिंदी मिला दिया था तो इस अंग्रेजी हिंदी से बना गया एक शब्द जिसको हमने कह दिया संकर शब्द बात कंफर्म हुई इसी तरह क्या है इसी तरह अगर हम ये कह दें क्या कह दें अगर हम इसी तरह ये कह दें ध्यान से समझो मैं कह दूं रेलवे स्टेशन या टिकट घर कह दिया रेलगाड़ी लिख दू है ना रेलगाड़ी रेलगाड़ी एक शब्द है जिसको किससे बनाया गया जिसको इंग्लिश से बनाया गया और जिसको हिंदी से बनाया गया हाँ यह भी क्या है यह भी दो भाषाओं से बना हुआ है इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल लें जैसे हिंदी और फारसी के कुछ शब्द होते हैं जैसे मच्छरदानी यूज करते हो कुछ लोग चालबाजी आपके साथ करते होंगे तो मच्छर एक शब्द है और दान एक शब्द है चाल एक शब्द है बाज एक शब्द है हिंदी और फारसी हिंदी और फारसी ठीक है ना हिंदी और फारसी से बना हुआ मच्छरदानी हिंदी और फारसी से बना हुआ चालबाज हिंदी और फारसी से बना हुआ त्राजमहल ये है संकर शब्द दो भाषाओं का मेल ही संकर शब्द होता है ये बात दिमाग में बैठा लेना संकर शब्द की बात अगर करें आगे तो आप देखिए जैसे जेल यात्रा तो जेल यात्रा हो गई हिंदी और अंग्रेजी लाठी हिंदी है चार्ज इंग्लिश है लाठी चार्ज, टिकेट हिंदी है, वो टिकेट है वो इंग्लिश और घर हिंदी है तो टिकट घर ये क्या हो गया ये हमारे हो गए दोस्तों बहुत बढ़िया क्या बात है शंकर शब्द हो गए अच्छा ये बताओ उपसर्ग प्रत्यय वाला चैप्टर सबको आता है लेकिन हम आपसे ये पूछें कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है हिंदी में उपसर्ग की संख्या हिंदी में बता दो उपसर्ग की संख्या अंग्रेजी में उर्दू में बता दो और उपसर्ग की संख्या उर्दू में बता दो उर्दू में नहीं उपसर्ग की संख्या हिंदी उर्दू और संस्कृत में तीन में बता दो कंफर्म करके बताओ देखो प्यारे समझने की कोशिश करो अगर आपसे उपसर्ग प्रत्यय आता है तो इसको पहले समझ लो उपसर्ग क्या कहता है दो क्वेश्चन लेकर आता है परीक्षा में दो क्वेश्चन अगर लेकर आता है अभी अलंकार वलंकार अभी क्या है कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ हाथ हाथ उठाएंगे कि हमारे साथ बने रहेंगे देखो हमने डिनर नहीं किया है सर हमें भी भूख लगती है हमारे अंदर कोई जनरेटर फिट नहीं है कि तुम सोलो कि हम बने रहें खड़े हो जाएं। रोबोट थोड़ी ना सर हमारे साथ जो है वो एक बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और मेरे साथ हस्ती के हंसते हुए पढ़ते रहो लेकिन हाथ उठा के बता दो कि हाँ सर मैं यहां बैठा हूं है ना मैं बैठा हूं ठीक है चलो देखो उपसर्ग किसे कहते हैं तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं जैसे अति सुंदर अनुगामी इनमें अगर देखा जाए तो सुंदर के आगे लगा हुआ है अति और गामी के आगे लगा हुआ है अनु बात क्लियर है तो ये क्या है ये उपसर्ग है जैसे जैसे मैंने कह दिया प्रति प्रति से बना हुआ और प्रतिदिन है ना दिन के आगे अगर हमने देखा तो प्रति तो उपसर्ग मोटी मोटी बात यह देखा जाए कहां पर लगते हैं शब्द के अग्रभाग में शब्द के अग्रभाग में लगते हैं जिसको कहा जाता है प्रिफिक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रिफिक्स कहा जाता है प्रिफिक्स कहा जाता है प्री माने पहले फिक्स माने फिक्स होते हैं जो शब्द के पहले फिक्स होते हैं उसे हम प्रिफिक्स कहते हैं शब्द हमारा दिन था इसके आगे लग गया प्रति एक ऐसा ही शब्द होता है यथासंभव और संभव के आगे अगर हमने देखा तो यथा लग गया तो हमने कह दिया यथा संभव बात कंफर्म हो गई सर बहुत बढ़िया यह प्यार हमें चाहिए चाहिए कि सर सर हाँ, खड़े कर रहे हैं हाँ। यही सर हमें चाहिए। ठीक है उपसर्ग की बात करें जैसे कोई शब्द है असत्य तो सत्य के आगे आ लगा है तो आ धन सत्य तो शब्द हमेशा देखिए प्री इसका इंग्लिश ही होता है प्रीफिक्स प्री माने पूर्व जो शब्द के पूर्व जुड़ जाए सत्य के पूर्व में आ जुड़ा तो असत्य हो गया शब्द के पूर्व में सा जुड़ा तो यहां पर सफल हो गया शब्द के पूर्व में यहां पर क्या है प्रीफिक्स प्रीम अमर हो गया सर कुपुत्र में सर कुपुत्र हो गया। अब बात आती है कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं कमेंट करिए संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या होती है प्यारे दस ऐसे ही आपको याद रखना है संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है बाईस ऐसे ही आपको याद रखना है कि उर्दू में उपसर्ग की संख्या होती है उन्नीस ये बात आपको

प्रत्ये कहते हैं कि जो शब्दांश देखिए उपसर्ग की हमने बात करी तो उपसर्ग हमेशा क्या है उपसर्ग हमेशा अग्र भाग में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा प्रत्यय हमेशा पश्च भाग में जुड़ते हैं पीछे जुड़ते हैं पीछे जुड़ते हैं याद रखिए ये पीछे जुड़ते हैं बाद में जुड़ते हैं ये अग्र भाग में जुड़ते हैं ये पश्च भाग में जुड़ते हैं उपसर्ग हमेशा अग्र भाग में जुड़ते हैं और अग्र को कहा जाता है आदि समझ गए तो प्रत्यय में होते जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है और याद रखिए उपसर्ग भी अगर कोई जुड़ेगा तो शब्द परिवर्तन कर देगा शब्द परिवर्तित हो जाएगा शब्द परिवर्तित हो जाएगा और यह भी जुड़ेगा यह भी शब्द परिवर्तित कर देगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने देखा होगा कि सत्य के आगे आ जोड़ दिया असत्य कर दिया कितना बड़ा फर्क कर दिया मर के आगे अमर कर दिया जो मर रहा था उसे अमर कर दिया पुत्र के आगे कुपुत्र कर दिया ये बात आपको याद रखनी है जैसे जो शब्दांश में थोड़ा सा कम दिखेगा आपको लिखा है जो शब्दांश अंत में जोड़ता है वो आपका प्रत्यय है जैसे समाज में इत जोड़ दिया तो सामाजिक हो गया सुगंध में इत जोड़ दिया सुगंधित हो गया मीठा में आस जोड़ दिया मिठास हो गया लोहा में आर जोड़ दिया तो लुहार हो गया लोहा में आर हां देखिए कितना बेहतरीन ये प्रश्न अगर बने तो लोहा में आर प्रत्यय है लोहार में लोहार को हमने क्या लोहार लिख दिया आपको सही जानने के लिए जिसको हम लिख सकते हैं लुहार तो लुहार को हम कैसे लिखेंगे लोहा धन आर जिसका संबंध लोहा से हो नाटककार नाटककार बड़ा आई बड़ाई और होनार एक और प्रश्न बहुत आता है कि लेखक लेखक में कौन सा प्रत्यय है तो अक प्रत्यय है अगर पूछ लिया जाए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है घबराहट में आहट प्रत्यय है अगर पूछ जा जा दिया जाए कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है लिखावट में आवट प्रत्यय विए है अगर पूछ दिया जाए चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है चिकनाहट आहट प्रत्यय है समझ गया ना ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए ठीक है चलिए प्रत्यय किसे कहते हैं मैंने बता दिया लेकिन प्रत्यय के कितने भाग होते हैं तो ये जान लो प्रत्यय के दो भाग होते हैं प्रत्यय कितने भाग होते हैं दो भाग होते हैं दो भाग होते हैं एक कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है कृदंत प्रत्यय कहा जाता है ठीक है ना और कृदंत प्रत्यय जो होता है ये क्रिया के साथ जुड़ता है किसके साथ ये हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय जो होता है ये आपका संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ता है और विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ कृत प्रत्यय जुड़ता है या तद्दित तो तद्दित जुड़ता है याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों के साथ बताया ठीक है, है? चलिए आ जाओ आपका सबसे पसंदीदा चैप्टर अलंकार अलंकार सबसे पसंदीदा चैप्टर है बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे और आपका पसंदीदा चैप्टर आपके लिए है आप चाहेंगे तो अलंकार को दो मिनट के अंदर अपने माइंड में सेट कर लेंगे क्या तैयार हैं? हां सर तैयार हैं। चलिए देखिए अलंकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो अलंकार का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखिए अगर आपसे यह कहा जाए कि देखिए अगर काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है और काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है काव्य की आत्मा कहा जाता है दोस्तों छंद को कहा जाता है और काव्य का जो आभूषण होता है वो अलंकार को कहा जाता है फर्क समझ गए काव्य की आत्मा है छंद काव्य का आभूषण है अलंकार काव्य की आत्मा है छंद काव्य का आभूषण है अलंकार फिर से समझिए जिस तरह आप एक स्त्री की बात करते हो मैंने कई बार बताया आपको कि स्त्री एक अपने गले में या अपने शरीर पर विशेष आभूषणों से सुसज्जित होती है बड़ा शोभायमान लगती है इसी तरह काव्य के अलंकरण में काव्य का आभूषण जो होता है वो अलंकार होता है अलम धनकार से बना हुआ अलंकार जिसमें एक संधि भी पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी होती है तो अलम जैसे ही आता है तो इसमें संधि हो जाती है इस अलंकार शब्द में व्यंजन संधि हो जाती है ठीक है मैंने बता दिया जिससे आपको परेशानी ना हो अलंध अंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं और काव्य की आत्मा है छंद और काव्य का आभूषण है अलंकार बात कन्फर्म हुई ठीक है अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है तुरंत इसका आंसर क्या हो जाएगा वस्त्र है वर्ण है आभूषण है तो तुरंत हमारा आंसर हो जाएगा आभूषण मैंने कहा ठीक है चलिए अलंकार के भेद कितने होते हैं तो सर अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो अलंकार होते हैं दो लेकिन अगर आप देखते हो तो अर्थालंकार में एक आपका अर्थालंकार जो किसके द्वारा होता है जो अर्थ के आधार पर जो अर्थ के आधार पर डिवाइड हो वो अर्थालंकार है और जो शब्द के आधार पर डिवाइड हो जो शब्द के आधार पर डिवाइड हो वो शब्द अलंकार होता है जो अर्थ के आधार पर हो वो अर्थालंकार जो शब्द के आधार पर हो वो शब्द अलंकार होता है प्यारे ठीक है ना ये बात दिमाग में रख लेना चलिए हां एक और चीज मैं बता देता हूं कि अलंकार में अगर आप इन दोनों का मिला जुला रूप ले लोगे तो एक उभय अलंकार हो जाता है हमें यहां पर दिख रहे हैं कुछ शब्द अलंकार और कुछ अर्थालंकार शब्दालंकार में शब्द होता है तो इसका मतलब है वर्ण भी हो शब्द भी हो वही वाला जैसे अनुप्रास की बात कर लो वर्ण की आवृत्ति शब्द की बात कर लो शब्द की आप, यमक की बात कर लो शब्द की आवृत्ति तो बना तो अनुप्रास वर्ण और वर्ण से बनता है शब्द तो ये सब शब्द में आ जाएंगे देखिए अनुप्रास में वर्णों का खेल है इसमें शब्दों का खेल है तो ये शब्दालंकार श्लेष में भी रहीमन पानी है, बिन पानी बिन सब शब्द शब्दालंकार पुनरुक्ति और विपसा और वक्रोक्ति ये आपको तीन याद रखने तीन बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रास यमक श्लेष शब्दालंकार है अर्थालंकार में आपको ऊपर के आपको चार याद रखने हैं चार याद रखने हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीय और चार क्या? सारे याद कर लो जितने भी आते हो आता है आपका ठीक है ये वाला इंपॉर्टेंट है विरोधाभास है 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 और है संदेह भ्रांतिमान और खैर अभी हम एक एक पढ़ते हैं देखिए अर्थालंकार में सबसे पहले अगर आपको ट्रिक की बात करें सबसे पहले अर्थालंकार में हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं ये वाला मैं कहता हूं एक लाइन में आपको दिमाग लगा लेना है एक लाइन में दिमाग लगा लेना है जैसे बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे पहचाने मैंने कहा अर्थ नहीं निकालना अलंकार का कोई प्रश्न तो सा जिसका मन बताइए कौन सा आंसर होगा मान लो ये वाला ना आया एग्जाम में तब भी कोई दिक्कत नहीं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको एक ट्रिक याद रखनी है कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि जब भी कोई भी अलंकार में योजक चिन्ह आए योजक चिन्ह आए और उसके बाद तुरंत आ जाए सा सी और सम आ जाए और सरिस आ जाए। सा और सम सरिस अगर आ जाए तो वो हमारा उपमा हो जाएगा चिन्ह के तुरंत बाद तो आप देखिए इसमें जैसे जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो इसके बाद सा आ गया गिरी सा ऊंचा हो इसके बाद तुरंत मतलब अगर डैश के बाद अगर योजक के बाद अगर ऐसा आ जाता है तो उपमा अलंकार हो जाएगा और उपमा अलंकार का आप देखो कॉन्सेप्ट समझ लो ये तो ट्रिक हो गई कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने सम, समझो कि जैसे किसी भी अलंकार में तुलना होती है और तुलना में आपको डैश लगाना ही होता है और डैश के बाद तुलना में आपको डैश ना लगाना आप कहते हो कि मैं उसके जैसा हूं तुलना हो गई जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं चंद्र सामुख चंद्र सामुख तो तुलना किससे हुई चंद्रमा से चंद्र सामुख, सागर सा, सागर से तुलना सा पर्वत सा तो जहां पर भी तुलना होगी वहां सा सी सम आएगा। बात खत्म आंसर क्या जाएगा तुरंत उपमा लग जाएगा बात खत्म हो गई। चलिए उपमा अलंकार में अगर आप देखिए फिर से समझिए मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है किससे चंद्रमा सा सुंदर एग्जाम्पल दूसरा कर कमल सा कोमल कमल, कमल कमल से कर दी हमने क्या तुलना कर दी तो जहां पर तुलना होगी वहां पर हमें विशेषता का वर्णन तुलना के लिए हमें सासी सम मिल जाएगा सरिस मिल जाएगा जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा तो बताओ इसमें क्या है गगन सा अब ये क्या है डैश के बाद तुरंत सा आ गया तुरंत आंसर क्या हो जाएगा उपमा हो जाएगा बताइए फटाफट क्वेश्चन लेता जाऊंगा बीच में अब आ जाते हैं रूपक रूपक में समस्या बहुत बच्चों को होती है समझिए लेकिन 90 परसेंट जो मैं बताने वाला हूं वो तुरंत फंस जाएगा देखिए दस परसेंट में इधर उधर रहता है रूपक में समझिएगा क्या है कि योजक चिन्ह जैसा आ रहा था उपमा में वो बिल्कुल वैसा ही आपको याद रखना है लेकिन फर्क यह था कि योजक चिन्ह के बाद सम अगर आ जा रहा था सरीस आ जा रहा था तो उपमा मार देना लेकिन योजक के बाद अब की बार क्या है अगर कोई शब्द इधर है तो शब्द ही आए योजक के बाद सासी सम अगर ना आए तो उसके चांसेस ये बन जाते हैं कि वो रूपक हो जाएगा जैसे बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट अब डैश के बाद सासी समाता तो उपमा मार देते लेकिन अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊसा नागरी रूपक हो गया बात खत्म रूपक हो गया डैश के बाद शब्द अगर आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो ये तो ट्रिक हो गई कॉन्सेप्ट ये है कि उपमा में क्या होता था तुलना ठीक है ना रूपक में क्या होता है कि उसी वस्तु को उसी चीज को बना देना मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो चंद्र सा खिलौना ली हो तो रूपक वो उपमा चंद्र सा खिलौना चंद्रमा के जैसा लेकिन मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं तो बिल्कुल चंद्रमा ही मुझे चाहिए अब मैं तुम्हारे जैसा लगता हूं तो मैंने कह दिया उपमा लेकिन मैं तुम ही हूं तो बोला रूपक समझ गए तो मुख चंद्रमा सुंदर है देखो समझिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है तो उपमा मुख चंद्र ही है तो रूपक समझ गया ना इसलिए आपको याद रखना नेक्स्ट रूपक में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं चरण कमल बंदो हरिराय देखो डैश आया शब्द आए डैश आया शब्द आए अगर डैश के बाद सासी समा जाता उपमा नहीं आया रूपक मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया ट्रिक भी बता दी कॉन्सेप्ट में चंद्र सा खिलौना ली हो, हो जाता चंद्र खिलौना ली हो मुझे चंद्रमा ही चाहिए मैं अपने से बता देता हूं मैया भैया देखो चंद्रमा चंद्रमा वाला हो गया मैं अपने से अगर बता दूं कि भाई देखो मैं तुम्हारे जैसा मैंने अभी बताया था मैं तुम्हारे जैसा लगता हूं तो हमने कहा कह उपमा हो जाएगा लेकिन मैं कह दू मैं तुम ही हूं है ना लगता है यार बिल्कुल वैसे ही अमरीशपुरी लग रहा है तो अमरीशपुरी ही है अरे ये तो अमरीशपुरी ही है लेकिन एक्चुअल में नहीं है ठीक है ना समझ में आया बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया गुड 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 अब जैसे एक आ जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है क्वेश्चन करिए फटाफट क्वेश्चन करिए आपके लिए रख दिया क्वेश्चन करिए फटाफट करिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है उपमा है रूपक है उत्प्रेक्षा है अनुप्रास है देखिए दोस्तों अगर मैं ये कहता हूं पायो जी मैंने राम रतन धन, धन पायो तो पंक्ति में कौन सा होगा तो ये हो जाएगा आपका रूपक कहा गया हाँ सर रूपक हो जाएगा क्योंकि आप कहते हो ना सर डैश के बाद बिल्कुल वो लगा है और राम रतन कॉन्सेप्ट की बात करो राम रतन धन पायो बिल्कुल वही चाहिए चलिए उत्प्रेक्षा और कॉन्सेप्ट दोनों समझो उत्प्रेक्षा में दोस्तों अगर शब्दों की बात करें तो जैसे कोई भी मैं कहता हूं कुछ जानो प्रश्न आए भाड़ में जाए नहीं आपको एक नैनो कि, कि किसी भी पंक्ति को पूछा जाए और कौन सा अलंकार उसमें यह देखो जनु जानो मनु मानो जनऊ मनु आए तो उत्प्रेक्षा सासी सम आए तो उपमा मार दो तो जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई जनु आया है नेत्र मानो कमल है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि पर जनु मानो मनहु जनु मानो मनहू आए सारे तो मैंने कहा उत्प्रेक्षा हो जाएगा बात कंफर्म हो गई सर हो गई अगला जैसे क्वेश्चन है फूले कास सकल मही जनु ऋतु प्रकट बुढ़ाई फूले कास सकल मही तर अगर ये देखा जाए तो आप देखिए जनु वर्षा और जनु की बात अगर हम करें तो यह आ जाता है उत्प्रेक्षा में आ जाता है उत्प्रेक्षा में आ जाता है अगला अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है जहां पर तिल का ताड़ बना दिया जाए अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए दोस्तों छोटी चीज को बहुत तगड़ा बना दिया जाए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग है ना जैसे मैंने एक मैं वीडियो पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने एग्जाम्पल लिए थे कि तुम्हारी यह मधुर मुस्कान वृत में फूक देगी जान क्या बात है भाई ये लड़कियों के लिए देख लो भाई कितना घोर अपराध है इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले ताल तलैया सब भर डाले है ना मतलब ये यार ऐसा पॉसिबल है कि अगर कितना भी रो यार मतलब रूमाल भी ना भीगेगा हाँ हो सकता है तुम लोगों का भीग जाए तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी मतलब मुर्दा भी खड़ा होकर कहेगा और भैया कैसे हो एक बीड़ी पी के जाओ है ना मतलब गड़ा हुआ मुर्दा ये कहने लगे कि तुम्हारी ये मुस्कान मतलब कोई वहां से गुजर जाए महबूबा आओ एक बीड़ी पीते हैं है ना मतलब वो खड़ा होके कहने लगे और यहां पर दूसरा कहता है दूसरा तो बहुत मजेदार है इतना रोया था कि मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले कहता है ये कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है जहां पर चीजों को एक्सिगरेट करा जाए बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तिल का ताड़ बना दिया जाए सर, तिल का ताड़ बना दिया जाए है ना हाँ जी बहुत बढ़िया सुंदर तो ये हो गया अब जैसे एक और लेता हूं आगे नदियां अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेता, चेतक था उस पार। बस तब तक चेतक चेतक का नाम मतलब समझ रहे हो चेतक उनके घोड़े का नाम था राणा के मतलब राणा जी आगे भाई बहुत बलिशाली थे मैं मानता हूं आगे नदियां पड़ी अपार नदियां इतनी ज्यादा उफान पर हैं और घोड़ा कैसे उतरे पार राणा सोच ही रहे थे तब तक चेतक मतलब चेतक तो राणा से भी रागे तिलका बना दिया, छोटी चीज को बड़ी बना दिया बढ़ा चढ़ा किसी गुड़ या स्थिति का वर्णन कर दिया जाए चेतक जाएगा ना तो मनमना के बह के चला जाएगा कहां गिरेगा जाके जो है पता ही नहीं चला जाए चलेगा ठीक है भाई इतना नहीं हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई लंका सारी जला दी रावण की लेकिन पूछ में एक बाल भी नहीं जला अरे सर, ऐसा कैसे हो सकता है ठीक तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे एक क्वेश्चन हनुमान की पूछ में लगन नपाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग में अलंकार कौन सा होगा तो अतिशयोक्ति होगा जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ा पेश किया जाए वहां पर अतिश्योक्ति अलंकार हो जाता है राइट बहुत बढ़िया चलिए मानवीकरण अलंकार की बात करेंगे मानवीकरण अलंकार क्या है समझिए मानवीकरण अलंकार दोस्तों क्या है जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो है ना सागर के ऊपर नाच नाच करती लहरे लहरें मधुरगान फूल हंसे कलिया मुस्काई सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुरगान सागर के तट पर क्या वाकई में मधुर मधुर गान करती हैं क्या? मदुर... करती है? क्या गाना गाती हैं नाचती हैं लहरें नहीं सर नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं फूलें हंस फूल हंसे कलिया मुस्कें फूल हंस रहे हैं कलिया रही है। क्या फूल ऐसा कर सकते हैं नहीं कवि ने वर्णन किया है कवि ऐसा अगर वर्णन करता है तो वहां पर मानवीकरण होगा जहां पर मानवता का एक क्या मिलता है उदाहरण मिलता है मानवीकरण निर्जीव वस्तुओं में अगर देखा जाए निर्जीव हो चाहे प्राकृतिक चीजों में अगर क्या हो मानवता जैसी चीजों का आविर्भाव होता है प्रभाव होता है प्रादुर्भाव होता है वहां पर हमें मानवीकरण अलंकार लगा लेना होता है राइट यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है बहुत बढ़िया जैसे क्वेश्चन है ऊषा जय लक्ष्मी सी उदित हुई बताइए जवाब दीजिए ठीक है ऊषा सुनहले तीर जय लक्ष्मी सी उदित हुई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताओ कौन सा अलंकार होगा तो मानवीकरण अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार होगा ऊसा सुनहरे बरसती अरे यार ऊसा ऐसा कर सकती है तो मान। प्राकृतिक चीज अगर प्राकृतिक प्रदत्त चीज अगर मनुष्य की तरह काम कर रहा है कोई तो मानवीकरण होगा अब देखो शब्दालंकार अलंकार में तीन चीजें आती हैं जो हम सबसे बाद में ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे सरल होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दालंकार तीन प्रकार होते हैं ध्यान दो शब्दालंकार अर्थ के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के एक होता है अनुप्रास अलंकार एक होता है यमक अलंकार और एक होता है श्लेष अलंकार समझिए एक श्लेष होता है यमक होता है और क्या क्या होता है अनुप्रास होता है कॉन्सेप्ट यह है अनुप्रास का कॉन्सेप्ट यह है कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो वर्ण की आवृत्ति अगर है तो वहां पर अनुप्रास हो जाएगा और जहां पर दोस्तों जहां पर यमक है वहां पर शब्द की आवृत्ति हो एक ही शब्द बार बार अगर आ रहा है एक शब्द जो है शब्द जो है बार बार आ रहा है और उसका अर्थ अलग हो इसको मैंने दो बार लिखा है क्यों लिखा है बताता हूं और एक श्लेष अलंकार है श्लेष अलंकार शब्द यमक अलंकार से कैसे अलग है श्लेष अलंकार यमक अलंकार शब्द रिपीट होता है अर्थ अलग होता है श्लेष अलंकार में शब्द हो सकता है एक बार आए लेकिन एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं हो सकता है एक ही शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके चार अर्थ निकल आए ये बात भी दिमाग में रखना है जैसे वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला मां की आवृति यहां चावर्ण यहां माँ वर्ण रघुपति राघव राजा राम रावण रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम पावण मैं एक एग्जाम्पल हमेशा इसमें लेता हूं आप सबको हंसाने के लिए कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई के दिखाओ बताओ तो चावर जो है आवृत्ति हो रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं से समझो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ यहां पर क्या होगा यहां सारे वर्ण की आवृत्ति हुई है तो वो सारी चीजें जैसे एक क्वेश्चन मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए बताइए कौन सा रंग तो अगर हम वर्ण की आवृत्ति की बात करेंगे तो वर्ण जो है मां आ रहा है और वर्ण अगर मां आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा ठीक है ना बहुत बढ़िया नेक्स्ट यमक अलंकार क्या होता है यमक अलंकार क्या होता है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो ध्यान दो अधिक बार आ सकता है शब्द अर्थ उसके अनक होंगे हमने एग्जाम्पल हमेशा पढ़ा है टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास में कि कनक कनक ते गुनी मादकता अधिकाय कनक धतूरा कनक सोना जो पा जाए भैया वो बौरा जाए दोनों या खा जाए जाएतूरे को खा लो तो बौरा जाए सोने को पालो तो बोरा जाए माला फेरत तो जुग गया फिर ना मन का फेर कर का मन का डार दे है ना मन का मन का मन का मन का फेर अलग अलग काली घटा का घमंड घटा काली घटा का घमंड घटा ठीक है ना एक प्रश्न और आता है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है ये बात दिमाग में है ना तो ये चीजें आपको याद रखनी है चलो बहुत बढ़िया ठीक है चलो नेक्स्ट कॉपी पेस्ट बेटा मत करो सीरियस क्लास चल रही है तीन बेर खाती है सो तो वो तीन बेर खाती है बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा तो दोस्तों याद रखिएगा तीन बेर खाती है सो तो वो तीन बेर खाती है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा तो वो हो जाएगा यमक अलंकार क्योंकि तीन बेर तीन बेर की बात अगर कर लें तो एक ये बेर है तो एक बेर यहां पर यह है एक बेर यहां पर वैसे अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है जहां पर आपने देखा कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है एक बेर का मतलब समय हो गया एक बेर का मतलब फल हो गया हमने कहा कितनी बेर खाओगी है ना कितनी बेर खाओगे तो एक समय हो गया टाइम होता है ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है और एक हो जाता है फल बेर वाला जो फल होता है ना बहुत बढ़िया चलो लास्ट बचता है, लास्ट क्या बचता है फिर तो उसके बाद एक नया चैप्टर है चलो भाई श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जैसे रावण सर सरोज मनचारी चली रघुवीर सिली मुख धारी सिली मुख धारी ठीक है ऊपर दिए गए उदाहरण में सिली मुख जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है सिली मुख के कितने अर्थ निकल रहे दो इस शब्द का पहला अर्थ बाण है और दूसरा अर्थ भ्रमर है सिली मुख के दो अर्थ है देखिए मैंने कहा था शब्द अगर बार बार है तो वो यमक लेकिन शब्द अगर एक बार है उसके अर्थ अनेक हैं तो उसने रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन जैसे ठीक है ना मैंने आपको बता दिया अब आते हैं एक नए चैप्टर पर वचन वचन की बात कर लेते हैं दिमाग लगाइए सोने की बहुत इच्छा है तुम्हारी अभिलाषा है और कुछ नहीं कर करोगे क्या मतलब सोने के बाद कहोगे कि सर बाद में देख लेंगे भैया तुम्हारी बात भी सही है लेकिन पढ़ लो थोड़ी देर की क्लास बची है थोड़ी देर मेरे साथ बने रहो और मुझे भी आनंद आएगा और तुम्हें भी आनंद आएगा नींद भी अच्छी आएगी चिंता मत करो नींद भी अच्छी आएगी प्यारे ठीक है बचन किसे कहते हैं तो बिकारी शब्द के जिस रूप से देखिए बचन और लिंग की दोनों परिभाषाएं सेम टू सेम होती है एक अक्षर का फर्क होता है शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है अगर संख्या का बोध हो जाए वही बचन है ध्यान देना, संख्या का बोध हो जाए वही वचन है लेकिन अगर लिंग की परिभाषा भी मिल जाए साथ में आपको हम बता दें तो मजेदार है हां देखो बचन की बात हमने आपको करी तो हमने कहा संख्या का बोध हो जाए जिस रूप से संख्या का बोध हो जाए वो बचन है ठीक है अब किसी या वस्तु के स्त्री पुरुष जाति यानी अगर कोई भी बिकारी शब्द ऐसा है जिसकी जाति का बोध हो जाए देखो संख्या का बोध अगर हो जाए तो वो है हमारा लिंग वो हमारा लिंग है वो सॉरी वो हमारा वचन है तभी तो कहते हैं एक वचन बहुवचन और अगर जाति का बोध हो जाए तो हमारा वो लिंग है समझ गया ना तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं देखो अगर आपसे कह दे कि ऐसे विकारी शब्द जिनसे संख्या का बोध हो जाए वो वचन है और अगर ऐसे विकारी शब्द जिनकी जाति का बोध हो जाए जिनसे जाति का बोध हो जाए वो लिंग है बस इतना आपको याद रखना है ठीक है वचन के प्रकार अगर आपसे कह दे कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन और संस्कृत में बचन हिंदी में वचन और संस्कृत में वचन तो हिंदी में वचन होते हैं दो प्रकार के एक बचन और बहुवचन और संस्कृत में वचन होते हैं तीन प्रकार के उसमें एक दुई वचन बढ़ जाता है ठीक है इतना याद रखिए जैसे हम बात कर ले एग्जाम में हमेशा कौन से प्रश्न आते हैं प्रश्न यहां से आते हैं प्रश्न यहां से आता है कि जनता कौन सा वचन है मैंने क्या बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं फालतू का नहीं पढ़ाता हूं मैं कॉन्सेप्ट में, में हो सकता है जैसे अगर आंसू आ जाए तो बताइए आंसू कैसा है तो ये दो दो लाइनें होती हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनता है बच्चा तुक्का मार के चला आता है तुक्का कभी सही नहीं निकलता मुझे पता है कि तुम्हारा तुक्का कितना अच्छा लगता है बेटर मुझसे ज्यादा नहीं जानता होगा कोई तुमसे बेटर नहीं जानता होगा मुझसे छोड़ो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें ये देखो बहुत सिंपल सी चीज है उसके बाद चलते हैं जैसे तिथि का तिथियां कर दिया जाता है तो हिंदी में दो वचन होते हैं एक बचन बहुवचन संस्कृत में तीन वचन होते हैं बढ़ जाता है नीति का नीतियां नारी का नारियां और रीति का रीतियां क्या ये आएगा नहीं आएगा जरूरी नहीं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आएगा क्या पाठक का पाठकगढ़ यहां से आएगा पाठक का पाठकगढ़ होता है बहुवचन अधिकारी का अधिकारी वर्ग होता है कह देता है अधिकारी का अधिकारी गढ़ होगा वर्ग होगा बच्चा कंफ्यूज होगा वर्ग लगा होगा गढ़ भी लगा होगा स्त्री का होता होता है है आपका आप लोग होता है, नारी बहुत बार पूछा गया है ये अधिकारी पाठक ये जिस पर मैंने लगाया है वो क्या है है हाँ, स्त्री जिस पर मैंने लगाया है, वो सब पूछे गए हैं ज्यादा और यह भी एक दो बार पूछा गया है तो पाठक का पाठक गण अधिकारी का अधिकारी वर्ग स्त्री का स्त्री जन बहुवचन होगा आपका बहुवचन आप लोग होगा नारी का बहुवचन नारी ब्रंद होगा ठीक है ना यह बात याद रखिए अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सदा एक बचन रहती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सदा बहुवचन रहती हैं समझिए सदा एक बचन जो रहती हैं तो समझिए हमसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता रहा है कि ये बताओ आंसू कैसा है आंसू कैसा है हस्ताक्षर कैसा है हस्ताक्षर प्राण कैसा है तो आंसू हस्ताक्षर प्राण दोस्तों हमेशा दोस्तों आपके क्या रहते हैं हमेशा बहुवचन रहते हैं क्या बहुवचन रहते हैं? चलो मैं ये कहता हूं सबसे पहले समझिए अगर आपसे ये कह दिया जाए सदा एक बचन रहने वाले शब्द क्या है तो आपको यह थोड़ी नहीं याद रखना आपको यह देखना है कि एक बचन हमेशा एक बचन ही रहेगा इसका बहुवचन हो सकता सर नहीं हो सकता सर हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में बोले सर कैसे पीतल सोना चांदी जनता देखिए जनता बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को लगता है कि जनता हमेशा बहुवचन होता है नहीं सर जनता को यहां पर मार दे जनता के साथ जितनी भी मेटल है जितना लिक्विड में खी पेट्रोल तेल आता है और बरसा आता है ठीक है ना ये आकाश एक बचन है सत्य हो या झूठ हो या मिथ्या हो या सच हो बालू एक बचन है सौंदर्य एक बचन है दल ऐसा लगता है ये सब बहुवचन है टोली नहीं ये सब हमने जो तीन हमने चार मारी हैं ऐसी चीजें ये सब आपको एक बचन में मारनी है सदा एक बचन गलती नहीं करना गलती नहीं करना ठीक है चलिए कौन है बेटा कौन गलत बोल रहा है किसको हटाऊ किसको हटाऊ बताओ समझ गए चलो थैंक यू प्रशांत चलो पढ़ाई पर ध्यान दो हटा दूंगा हटा दूंगा चिंता मत करो परेशान मत हो सदा बहुवचन की बात करें सदा बहुवचन में क्या होता है जैसे ये बहुत बार आए आंसू हस्ताक्षर प्राण और दर्शन ये हमेशा ही पूछे गए आंसू पूछा गया हमेशा हस्ताक्षर पूछा गया प्राण पूछा गया दर्शन पूछा गया ये हमेशा बहुवचन होते हैं और बाल और लोग भी आपको याद रखना समाचार भी कैसा होता है बहुवचन होता है बात कंफर्म हो गई ये बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट लिंग की बात करें तो मैंने आपको बोला कि ऐसे विकारी शब्द जो संख्या संख्या का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं ऐसे विकारी शब्द जो जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं समझिए लिंग क्या है हिंदी में अगर पूछा जाए हिंदी में अगर पूछा जाए कि भैया ये बताइए लिंग कितने प्रकार के तो दो प्रकार के संस्कृत में अगर पूछा जाए तो बचन की भांति यहां पर भी दोस्तों संस्कृत में तीन ही लिंग होते हैं बचन तीन संस्कृत में और लिंग भी तीन संस्कृत में हिंदी में दो लिंग और हिंदी संस्कृत में भी ओ, उसमें बचन भी हिंदी में दो संस्कृत की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कि जो दोनों चीजों का एक मिला रूप है राइट अब मैं बात करता हूं यहां पर जैसे सब बताऊंगा जैसे कवि का हमने कह दिया कि लिंग बदल दिया कवित्री सम्राट का साम्राज्ञी बहुत बार पूछा गया बहुत बार और क्या कवित्री ऐसा ही लिखा जाएगा मैंने लिख दिया लेकिन गलत है जो हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए क्या है जो क्या है जो एक गलत है टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है कवित्री ऐसा नहीं लिखा जाता है टाइपिंग है तुरंत इसको कर लिया सही कव इत्री होता है कव इत्री होता है सम्राट का सामग्री जिसको सम्राजी कहा जाता है लेखक का लेखिका और लड़का का लड़की कहा जाता है पंडित का पंडिताइन कहा जाता है नॉर्मल तौर पर है एक दो चीजें पूछी गई हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तुम्हारा जो प्रिय शब्द है बाबू है ना बाबू का बबुआइन है ना प्रिय शब्द है बनिया का बनियाइन हाँ हो सकता है ठाकुर का ठकुराइन पंडित का पंडिताइन लाला का ललाइन हलवाई का हलवाइन तुम कौन हो जरा बताओ बबुआइन हो या बाबू हो जल्दी से कमेंट करो बहुत बढ़िया चलो भाई ठीक है गुड चलो भाई बहुत बढ़िया गुड 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 चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट आ जाओ भाई समास और संधि की बात कर लेंगे फटाफट दो मिनट का चैप्टर है ये दो मिनट का चैप्टर है और फिर उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं छंद देखने वाले हैं ठीक है दो मिनट के चैप्टर में हम समास और छंद को देखेंगे चलिए आ जाओ समास में क्या है बहुत ध्यान से पढ़ना है समास कुछ मिनट की वीडियो और बची हुई है कुछ मिनट का शोर है आ जाओ देखो समास क्या होता है तो समाज को समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है देखो समास की अगर हम बात कर ले तो समझिए समास को समास को समझिए समाज की अगर हम बात करें तो समाज जो होता है समाज का जो अर्थ होता है क्या होता है समाज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए समाज का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप जिसको संक्षिप्तीकरण कहा जाता है यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं समाज समाज किससे बनता है या क्या कहा जाता है शब्दों का योग ही क्या होता है प्यारे समास होता है यहीं पर अगर हम और बात कर लेते हैं समास की समास हिंदी में कितने होते हैं तो हिंदी में जो समास होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं और समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है व्यास होता है तो ये हमने मोटी मोटी चीज जान ली समाज के बारे में अगर हमने मोटी मोटी चीज ये जान ली समाज के बारे में तो समझिए समाज का तात्पर्य होता होता है है यानी संक्षेप में जो चीजें कही जाती हैं शाब्दिक अर्थ छोटा रूप अर्थात जब या जब दो जब दो दो या से अधिक शब्दों से मिलकर मैंने वही बताया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है और संक्षेप में होता है वही समास समाज छह प्रकार के होते हैं मैंने वही बताया कि समास कहते हैं शब्दों के मेल को और याद रखिए ध्यान दो शब्दों का जो योग होता है शब्दों का जो योग होता है वो समास होता है प्यारे लेकिन वर्णों का जो योग होता है ये परिभाषा को बड़ा ध्यान रखना वहां पर आपको संधि मारना है तो वर्णों के योग से संधि और शब्दों के योग से समास बनता है वर्णों के योग से संधि और शब्दों के योग से समास समास के प्रकार होते हैं छः पहला अब भाव जिसका पहला पद प्रधान दूसरा तत्पुरुष जिसका उत्तर पद प्रधान जिस कर्मधारे विशेषण पद प्रधान तीसरा है दिगु चौथा है दिगु संख्यावाद यानी संख्या, संख्या पद प्रधान पांचवा है द्वंद दोनों पद प्रधान और बहुबरी छठा है जिसका कोई पद प्रधान नहीं अबे अब भाव को कहते हैं एडवर्बियल कंपाउंड पूर्व पद प्रधान होता है पूर्व पद इसमें क्या होता है प्रधान होता है समास की बात कर लें तो उत्तर पद प्रधान होता है ठीक है ना उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारे में अगर देखा जाए तो विशेषण पद प्रधान होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर दिगु समाज में तो संख्या बाची पद प्रधान होता है संख्या बाची होता है द्वंद में देखा जाए उभय पद प्रधान होता है उभय उभय का मतलब क्या होता है दोनों और यहां पर होता है कोई अन्य पद प्रधान कोई अन्य या दोनों में से कोई नहीं ठीक है यह बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है कुल मिला के मैंने कहा अच्छा आ जाइए देख लेता हूं समाज की बात हम कर लें, तो अगर हमने कहा समाज में हमने यह देखा समाज की बात अगर हम कर लें, तो पहला आता है अब भाव इसका ट्रिक भी जानिए ट्रिक क्या है कैसे पहचानेंगे समाज को एक नैनो सेकेंड में एग्जाम में अगर आप इसको पहचानना चाहते हो तो समझिए अब्यय भाव समास वो होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है पूर्व पद प्रधान होता है ठीक है ना ट्रिक ये है क्या ट्रिक है ट्रिक समझिए अगर आप ट्रिक की बात कर रहे हो तो ट्रिक ये है कि कोई भी दुनिया का कोई उपसर्ग वाला समास है उपसर्ग अगर किसी शब्द में लगा हुआ है वो हमारा अव्ययी भाव होगा पहला दूसरा अगर कोई सेम वर्ड रिपीट हो जाएगा सेम वर्ड रिपीट हो जाएगा तो वो भी होगा कहां पर बचना है द्वंद में में वो भी बताते जैसे ट्रिक नंबर ये जो सब लग जाएगी स्थान के आगे यथा लगा है तो स्थान के अनुसार अब व्यय भाव लगा दीजिए स्थान के आगे उपसर्ग जीवन के आगे आ लगा है उपसर्ग लगा है दिन के आगे प्रति लगा है उपसर्ग लगा है समय के आगे यथा लगा है उपसर्ग दुनिया का जितना भी उपसर्ग वाला जैसे इत्यादि में कौन सा समास होगा तो इति धन आदि इति आ जाएगा ऐसे ही प्रत्येक में प्रतिधन एक है ना उपसर्ग वाला जितना भी होगा वो अब हो जाएगा ये सेम वर्ड क्या है अगर मैं ये कह दूं मैंने रात रात भर पढ़ाई की तो दोस्तों यहां पर द्वंद ना लगा देना नहीं तो बच्चा गलती करता यही मैं यही पढ़ाने के लिए आया यही गलतियां आपको नहीं करनी है यहां द्वंद लगा ना लगा देना क्योंकि अगर आपको सेम वर्ड रिपीट हो जाए सेम अगर ना हो रात दिन अगर आ जाए तो वहां पर आप लगा दीजिए सेम वर्ड विलोम हो आपस में योजक लगा हो द्वंद मार दीजिए लेकिन अगर सेम ना हो और अगर सेम रिपीट हो जाए बिल्कुल सेम हो जाए सेम ना हो तो सेम रिपीट हो जाए तो अब भाव लगेगा तब क्या मारोगे अब व्यय भाव लगेगा ठीक है ना जैसे लात लात रात रात दिन दिन बहुब्री जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है या अगर प्रश्न में यह आ जाए एक प्रश्न ऐसे भी आया था क्वेश्चन यहां लिख देता हूं ऐसा समाज बताइए जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं आ माने नहीं प्रधान माने प्रधान वहां पर क्या होता है बहुब्री ही होता है वहां पर बहुब्री होता है इतना याद रखिएगा ठीक है समझ में आ रहा चलो भाई ठीक है चलो चलो बहुत बढ़िया सर आप नहीं दिख रहे हो लो मैं दिख जाता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखो कमेंट्स में बस इतना याद रखना किसी की भावनाएं आहत मत करना तुम क्या हो तुम क्या नहीं हो तुम कुछ नहीं हो ठीक है ना तुम्हें कुछ बनना है ठीक है तो इसलिए कमेंट में अपनी भावनाओं की जितनी कदर आपको है उतनी भावनाएं दूसरे की भावनाओं पर विशेष ध्यान देना अठारह साल का कोई बच्चा आ जाता है उसको भावनाओं का फर्क नहीं पड़ता है उसको भावनाओं का फर्क नहीं सर पड़ता है उसको पड़ता है कि वो दूसरे को कैसे टारगेट करे किसी बच्चे को टारगेट करे मुझे तो कोई नहीं कर पाएगा मुझे क्या ही करोगे <laughs> है ना मैं तो इधर से सुनता हूं दस निकाल देता हूं लेकिन दूसरा बच्चा है ना वो आहत हो सकता है हो सकता है वो आपसे सीनियर हो ठीक है ना हो सकता है आपसे सीनियर हो तो ऐसा मत करना जिससे अपनी पैदाइश पर थोड़ी सी शर्मिंदगी हो तुम्हें ठीक है तो नीलकंठ नीला है कंठ जिस जिसका अर्थात भगवान महाकाल लंबोदर लंबा है उधर जिसका लंबोदर है उधर जिसका अर्थात भगवान गणेश जी गिरधर गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जहां पर किसी तीसरे अर्थ की तरफ हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं वो बहुबरी है कर्मधारे कर्मधारे बहुत आसान ट्रिक है दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आ जाए उसमें अगर उस शब्द को तोड़ने पर उसकी विशेषता मिल जाए या विशेषण मिल जाए विशेषण होगा तो उसकी विशेषता भी बताई जाएगी विशेषण होगा तो उसकी विशेषता भी बताई जाएगी सिंपल सी बात समझिए मैं ये कहता हूं ठीक है ना मैं ये कहता हूं कि जैसे जिस समास में पूर्व पद विशेषण कोई भी दिमाग नहीं अगर कोई विशेष से है विशेषण है उसमें अगर पूछा जाए अगर परिभाषा भी पूछ ले कि कौन सा समास होगा तो कर्मधार है जैसे काली मिर्च मिर्च कैसी है काली विशेषता है काली है जो मिर्च जैसे कह दिया लाल टोपी कैसी टोपी है लाल टोपी है लाल टोपी कमल कैसा है नीला है नीला अंबर अंबर कैसा है नीला है अंधकूप कुआ कैसा है अंधा है तो वहां पर दोस्तों आपको कर्मधार समास मार लेना है कर्मधारय समास मार लेना है ठीक है नेक्स्ट दिगु समास की बहुत नॉर्मल ट्रिक है कि दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आ जाए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि जहां पर संख्या आ जाए संख्या संख्या एक दो तीन चार पांच एंड सो ऑन है ना कोई संख्या आ जाए मैंने कहा कि सर क्या मैंने कहा कि सर चौराहा कौन सा समास है बता दीजिए कोई भी अगर आप कहो कि सर चौराहा की बात कर लो तो बोला कि सर चार आ रहा है दिगु मार दीजिए सर मैंने कहा कि चवन्नी मैंने कहा अठन्नी मैंने कहा अठन्नी एक प्रश्न आया था इकलौता में कौन सा समाज था इकलौता एक, एक प्रश्न ये भी आ चुका है दुअन्नी ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द सारे संख्या को बताते हैं अष्टाध्यायी नवरत्न सप्तदीप, त्रिभुवन तिराहा चौराहा ये शब्द ऐसे हैं जहां पर क्या हो सकता है जहां दिगु समास होगा संख्या का बोध द्वंद्व समास की बात करेंगे द्वंद्व समास वो होता है जहां पर उभय पद प्रधान हो उभय पद उभय पद क्या हो प्रधान हो प्यारे उभय पद प्रधान हो देखिए जहां पर दोनों पद दोनों पद अगर प्रधान होंगे तब आंसर क्या मारोगे और जहां पर दोनों पद अप्रधान होंगे तब आंसर क्या मारोगे अप्रधान का मतलब होता है नहीं दोनों पद अप्रधान है तो वहां पर मारोगे बहुब्री है और तो जहां पर दोनों पद प्रधान है वहां पर मारोगे द्वंद बहुब्री समाज का उदाहरण हो जाएगा दशानन, है ना द्वंद समास का उदाहरण हो जाएगा रात और दिन दोनों पद प्रधान है ठीक है इसीलिए माता पिता रात दिन रामकृष्ण भाई बहन ये योजक चिन्ह के साथ आपस में विपरीत भी है और द्वंद्व समास में लोप भी हो रहा है बात क्लियर हुई बोलो सारे बच्चे क्लियर हो गए बताइए ठीक है पूरी रात नहीं चलेगी चिंता मत लगो करो ठीक है, बताओ ठीक है गुड चलो बहुत बढ़िया गुड अब क्या है अब आ जाओ तत्पुरुष को देख लेते हैं और तत्पुरुष खत्म हो जाएगा इसके बाद तत्पुरुष के बाद यह समाज खत्म हो जाएगा पूरी रात नहीं चलेगी अभी मेन चैप्टर इसके बाद बचा हुआ है उसको जरूर देखेंगे तत्पुरुष समाज जिस समाज में पूर्व पद उत्तर पद देखिए पूर, पूर्व पद गौण यानी पूर्व पद जो है अव्यय भाव में प्रधान होता है तो पूर्व पद छोटा होता है उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है समास एक्चुअल में छह प्रकार के होते हैं उन्हीं में एक तत्पुरुष भी होता है तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है यह भी आता है तो तत्पुरुष समास भी छह प्रकार का होता है समास का बेटा ही तत्पुरुष है तो समास के नाती कितने हुए तत्पुरुष के अगर खाली जोड़े जाए तो छह हो गए तो तत्पुरुष के भी बात करें तो तत्पुरुष के होते हैं। मैंने कहा डिटेल तो डिटेल जैसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष कर्म में क्या होता है कर्म को, को का लोप होता जैसे मतदाता मत को देने वाला मतदाता ग्रह ग्रह को काटने वाला है ना तो ग्रह को आ रहा है यहां पर को तो कर्म को हो जाएगा कर्ता ने कर्म को दूसरा जैसे अगर हम बात करें करण तत्पुरुष जहां पर करण कारक हो जैसे जन्म जात जन्म से उत्पन्न मुंह मांगा मुंह से मांगा गुणहीन गुणों से हीन है ना तो ये क्या हो गया यहां पर करण नेक्स्ट अगर आप संप्रदान तत्पुरुष की बात करोगे संप्रदान में क्या आएगा संप्रदान में आएगा के लिए आएगा और संप्रदान में के लिए आएगा जैसे हथकड़ी में तो सब जानते तत्पुरुष होगा लेकिन कौन सा हाथ के लिए कड़ी सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है राह खर्च राह खर्च में क्या होता है रास्ते के लिए खर्च क्या है रास्ते के लिए खर्च हो जाएगा बात कंफर्म हो गई यह चीज आपको जाननी है साथ ही साथ अब आइए आगे अपादान तत्पुरुष में अगर देखा जाए अपादान तत्पुरुष में चिन्ह होता है से लेकिन अलगाव के लिए धनहीन धन से हीन भयभीत भय से भीत जन्मांग, जन्म से अंधा बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि ही टूट गई तो वहां पर हम क्या कहते हैं वहां पर दोस्तों हमें अपादान तत्पुरुष लगाना होता है यहीं पर संबंध तत्पुरुष की बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की बात अगर करी जाए तो संबंध तत्पुरुष में किसी के संबंध की बात की जाती है का है की है के है ऐसा हो सकता है प्रेम सागर की बात करेंगे तो प्रेम का सागर दिनचर्या की बात करेंगे तो दिन की चर्या देखिए है आ रहा है आ आ रहा रहा है 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 का का भारत भारत रत्न रत्न की बात करेंगे तो भारत का तो वहां पर क्या संबंध कारक की बात हो गई ठीक है तो ये हमने संबंध कारक की बात कर ली और एक अंतिम है उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति क्या होती है बिल्कुल कारक की तरह होता है मे और पर जैसे हमने कह दिया कि नीति निपुण तो तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा नीति में निपुण अधिकरण हो गया आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास अधिकरण हो गया घुड़सवार घोड़े पर सवार ऊपर नीचे है ना अंदर बाहर तो ये क्या होते हैं ये सर वो होते हैं जहां पर आप आधार की बोध आधार का बोध कराते हो तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाते हैं बात कंफर्म हो गई बहुत बढ़िया एक प्रश्न है जरा इस प्रश्न को करिए फिर एक नए चैप्टर पर चलते हैं चलिए भाई धन्यवाद कहते कि सर जब तक पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे चलिए ठीक है बढ़िया धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है सोने वालों की कोई बात नहीं सोने दीजिए कोई समस्या थोड़ी ना है हम हम आप हैं तो सर आपका चालान काटेंगे नेम नहीं लेते तो काट दे बेटा सर चौपाई भी करा दीजिए ज्योति राय प्लीज अबे चालान काट दोगे मतलब अबे मेरे नंबर कहीं लिखा है क्या हा? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को मैंने कहा संधि जो है हमेशा वर्णों से बनती है वर्णों का जो योग होता है देखो वर्णों का योग संधि है शब्दों का योग अव्यय अविकारी है जो बदले ना और छंद दोस्तों छंद क्या है काव्य की आत्मा है शब्दों की बात करी है तो आंसर बी हो जाएगा ठीक है प्यारे बहुत बढ़िया अब हम बात करते हैं छंद की कुछ बच्चों ने कहा कि सर चौपाई बता दीजिए दोहा बता बता दीजिए दोहा चौपाई नहीं पढ़ा सोरठा नहीं पढ़ा कुंडलिया नहीं पढ़ा रोला नहीं पढ़ा दो तीन मिनट का चैप्टर है इसको भी खत्म कर लेते हैं क्या दिक्कत है मस्त से नींद आएगी है ना चलिए आ जाइए छंद की बात अगर हम कर ले तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं देखिए ठीक है। छंद की बात कर लेते हैं चलो देखो आ जाओ छंद की बात करेंगे मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली की रचना को छंद कहते हैं छंद हमेशा क्या याद रखना है छंद में छंद में दो चीजें याद रखना है छंद में होता क्या महत्वपूर्ण है छंद में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एक तो छंद में चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक छंद में यति बहुत महत्वपूर्ण यति और चरण के बिना छंद हो नहीं सकता या ऐसे कहा जाए यति यति प्लस यती क्या होता है वो भी बताता हूं प्लस चरण बराबर छंद ठीक है ना ये बात आपको याद रखनी है आप समझिए अगर आप बात करते हो छंद तो छंद से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है क्या बनता है देखिए छंद से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनता है यहीं पर बता देता हूं जगह यहां नहीं है यहां पर बता देता हूं यहां पर बता देता हूं देखिए छंद से प्रश्न बनता है कि छंद का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है ऋग्वेद में मिलता है ये, ठीक है ना और ऋग्वेद सबसे क्या है प्राचीन वेद है ऋग्वेद क्या है एक प्राचीन वेद है तो आप देखिए कि छंद की उत्पत्ति हुई है छंद शब्द चद धातु से हुई है जो संस्कृत का एक चद धातु है उससे हुई है इसका मतलब होता है अहलादित करना यानी खुश करना तो छंद का मतलब होता है खुश करना ठीक है ना जो मात्रा और वर्णों के विचारों पर आधारित होता है लेकिन छंद जो होता है इसका अस्तित्व यति और चरण पर एक विस्तृत अध्ययन करता है जैसे वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि एहलाद पैदा हो खुशी पैदा हो मन एहलादित प्रफुल्लित हो जाए तो उसे छंद कहा जाता है छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार छंद शास्त्र होता है और आपको पता होना चाहिए कि छंद शास्त्र छंद ही है है ना यति क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो गया मैंने आप एक नाम ले लिया यति ये यति क्या है जिस तरह दोस्तों यति और चरण क्या है समझिए जिस तरह हम चलते चलते थक जाते हैं और विराम लेते हैं थकान को मिटाने के लिए आराम लेते हैं तो वो हमने कहा रुकावट इसी तरह लिखते लिखते अगर हम कहीं हमें रुकना पड़े तो हम विराम चिन्हों का सहारा लेते हैं लेकिन इसी तरह अगर हम पढ़ते समय कोई छंद का प्रयोग करते हैं तो उसमें रुकावट के लिए यति होती है तो यति का मतलब होता है विराम चिन्ह है ना और चरण का मतलब होता है वो छंद कितने चरणों में डिवाइड है जैसे चरण क्या है यति क्या है संख्या क्रम क्या है वर्ण क्या है गण क्या है गति क्या है तुक क्या है समझिए सब जानेंगे और उसमें चौपाई दोहा बरवे रोला सोरठा कुंडलिया गीतिका उल्लाला ये आ जाओ सबसे पहले छंद की बात कर लेते हैं छंद की बात अगर करें तो आपको याद रखना है छंद में सबसे पहले आता है वर्ण वर्ण आता है तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वर्ण क्या होता है वर्ण ऐसी चीज है जिसके हम दोस्तों क्या है जिसके हम टुकड़े ना कर पाए टुकड़े ना कर सके वही तो दोस्तों वर्ण है वर्ण क्या है वर्ण दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो भी कौन सी लिखित इकाई सबसे छोटी इकाई लेकिन वर्ण दो प्रकार के होते हैं एक ह्रस्व होता है एक दीर्घ होता है ये छंद की बात कर रहा हूं और ह्रस्व को कहा जाता है जो ह्रस्व होता है वो समझिए जो हृस्व होता है वो ऐसे लिखा जाता है इसकी मात्रा और जो दीर्घ होता है जो दीर्घ होता है वो दोस्तों कैसे लिखा जाता है जो दीर्घ होता है इसको मात्रा में दो तो इसको एक गिना जाता है चरण में और इसको दो गिना जाता है अब ये कहोगे ये सर क्या है इसको आइए बहुत विस्तृत जानते हैं देखिए उसके बाद पहले हम जान लेते हैं फिर उसको विस्तृत जानेंगे सबसे पहले गति क्या है पढ़ते समय कविता को स्पष्ट सुखद प्रभाव को गति कहते हैं जैसे जैसे कहते हैं रघुपति राघव राजा राम ऐसे बढ़िया से से एकदम और ये गति है एकदम से चलती रहती अविराम है विराम अवस्था नहीं है और अगर ये विराम अवस्था में नहीं है तो हमने कह दिया ये गति है लेकिन अगर यति की बात करें तो हमने कहा था कि यति यति का मतलब ही होता है रुकावट पढ़ते समय अगर थोड़ा अगर हमें विराम चाहिए छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं जैसे रघुपति राघव राजा राम सांस सांस ली पतित पावन सीताराम और हमने कहा रघुपति राघव राजा राम सांस ली पतित पावन सीताराम है ना ईश्वर अल्लाह अब हमने कहा कि अगर हम पूरे चारों अगर हम चरण पढ़ते जाएंगे तो उसमें एक चरण पर जो हमने थोड़ी सी विरामावस्था ली थोड़ा सा हमने रुकावट लिया है सर वही यति है लेकिन इसके फ्लो को हमने क्या कहा इसके फ्लो को हमने छंद कहा यानी इसके फ्लो को हमने गति कहा राइट right? अगर मैं ये कह दू तुक क्या है छंद के चरण के जो अंत में रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम है ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनमति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम राम राम, राम। लास्ट वाले वर्णों को हमने मिला दिया रहन को मिला दिया सर वो क्या है छंद की क्या है तुक है वो क्या है छंद का तुक है बात कंफर्म हुई बोलिए ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया नेक्स्ट चलो गुड सर जोश थोड़ा कम हो गया किसका मेरा जोश नेक्स्ट नेवर नेवर छंद के प्रकार की बात करें तो छंद अनेक प्रकार के होते हैं किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यता दो प्रकार के होते हैं मात्रिक और वर्णिक और वर्णिक की बात करेंगे तो मात्रिक का मतलब होता है मात्रा के आधार पर और वर्णिक का मतलब होता है वर्णों के आधार पर क्या होता है वर्णों के आधार पर होता है ठीक है अब हम इसको जान लेते हैं बहुत ध्यान से आप बच्चों ने कहा था कि सर चौपाई पढ़ा दो आ जाओ चौपाई की बात करें तो पर, चौपाई में क्या है चौपाई देखो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है चौपाई में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है क्या है कि चौपाई से दो चीजें कि चौपाई में क्या है चरण आपको याद रखने हैं और चौपाई में मात्राएं याद रखनी है मात्रा कितनी होती है चौपाई में चार माने चौपाई चार माने चरण और चार माने चार चार चरण होते हैं सोलह मात्राएं होती हैं जैसे निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को जैसे अगर हम किसी भी लाइन को गिन लेंगे तो उसमें सोलह मात्राओं का वर्णन मिलेगा सोलह मात्राओं का वर्णन मिलेगा जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह क्यों आइए जानते हैं एक को मैंने कहा ऐसे 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 लाइन करते जाओ एक 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 छोटे छोटे अक्षरों पर एक एक जिस पर मात्रा नहीं है देखिए यहां पर मात्रा लगी है दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह है ना इसको दो गिनेंगे सोलह मात्राएं हर चरण में इसमें भी सोलह इसमें भी सोलह हर चरण में प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं हैं जैसे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो विहारी क्या है एग्जाम्पल आया था उसकी मात्राओं को गिनिए सोलह है तो मार दीजिए ऐसे ही दोहा देखिए दोहा में क्या है दोहा का मोटा मोटा फैक्ट जानिए दोहा दोस्तों किसका उल्टा होता है दोहा उल्टा होता है सोरठा का ठीक है दोहा की बात करें तो मात्रा दोहा में अगर मात्राओं की बात करेंगे तो तेरह तेरह ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं मतलब पहले और तीसरे चरण में तेरह शुरू में पहले और तीसरा आएगा तो पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं यही तो है ना दूसरे और चौथे दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह तो ऐसे आपको रहीमन पानी राखिए यानी इस वाले में आपको मिलेंगी तेरह इस वाले में ग्यारह इस वाले में तेरा इस वाले में ग्यारह है ना एक दो तीन चार दूसरे चौथे में ग्यारह ग्यारह पहले तीसरे में तेरा तेरा तो आपको याद रखना है कि दोहा उल्टा होता है सोरठा का मात्राएं तेरा तेरह ग्यारह ग्यारह और इसलिए मैं कहूंगा कि सोरठा में ग्यारह ग्यारह तेरा तेरा हो जाएंगी सिंपल सी बात आप समझ गए जैसे जैसे आपने कहा कि सर ये सोरठा में बस इतना ही होता है कि सोरठा दोस्तों सोरठा में क्या होता है देखिए सोरठा जो होता है यह एक अर्ध अर्धसमांतिक छंद है सोरठा दोहा का उल्टा होता है तो सिंपल सी बात उसमें तेरह तेरह ग्यारह ग्यारह थी इसमें ग्यारह ग्यारह तेरह तेरह फर्क इतना यह पहले और तीसरे को दर्शाता है यह दूसरे और चौथे को दर्शाता है तो यह एक अर्ध अर्धसम्मात्रिक छंद है इसके प्रथम और तृतीय में प्रथम और तृतीय में ग्यारह ग्यारह और द्वितीय और चतुर्थ चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं जैसे नील सरोरु श्याम इसमें जो मात्राएं हैं वो आपकी ग्यारह अरन वारिज नयन इसमें तेरह फिर इसमें तीसरे में ग्यारह फिर इसमें आपकी कितनी है तेरा तो दूसरे चौथे में आपका तेरह तेरह मात्राएं रहेंगी दूसरे चौथे में तेरा तेरा और पहले तीसरे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं बात कंफर्म हो गई बताइए ठीक चलिए बहुत सुंदर कुंडलिया बहुत महत्वपूर्ण है कुंडलिया महत्वपूर्ण क्यों है जानिए देखो कुंडलिया मिलती कैसे है देखो रोला प्लस अगर रोला प्लस दोहा रोला प्लस दोहा जोड़ने पर कुंडलिया मिलती है कुंडलिया का निर्माण कैसे होता है रोला प्लस दोहा जोड़ने पर रोला प्लस दोहा जोड़ने पर कुंडलिया का निर्माण होता है यह बात दिमाग में बैठा लेनी है ठीक है दूसरी चीज रोला की बात करें तो बात एक अलग है मात्रा बाद में देखेंगे कुंडलिया जो होती है क्या होती कुंडलिया कुंडलिया जो होती है इसका एक पहचान इसकी ट्रिक बता दूं आपको इसकी ट्रिक क्या है कि जिस शब्द से शुरू होगी उसी शब्द पर अंत आवाज नहीं आ रही क्या एक बार हम बैटरी को चेंज कर देते हैं ठीक है ना समझ गए ठीक है चलो चलो आ रही आवाज एक बार देखता हूं काम चल जाता है तो ठीक है चलो कहता है देखिए जिससे शुरू होता है जिससे कुंडलियां शुरू होती साई से शुरू ही और साई पर ही खत्म हुई बात कंफर्म हुई मैंने क्या बोला कुंडलिया में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं एक दोहा और बाद में एक रोला को जोड़कर कुंडलिया शुरू होगा उसी पर अंत होगा मैंने यही बोला था कि जिससे शुरू होगा कुंडलिया उसी पर हमारा क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा बात कंफर्म हो गई रोला क्या है रोला दोस्तों अगर देखा जाए यह मातृिक समंद है इसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं चरण 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है यानी रुकावट होती है पढ़ते समय अगर हम रुकते हैं तो 11, 13 मात्राएं कुल मिला के आपको याद रखना है रोला में 24 मात्राएं ठीक है ना 24 मात्राएं होती हैं, यह बात दिमाग में बैठा लेना रोला और रोला प्लस दोहा बराबर मिलता है कुंडलिया मिलता है रोला प्लस दोहा कुंडलिया मिलता है उल्लाला क्या होता है यह भी जान लो उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में पंद्रह पंद्रह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह तो देखिए दोहा दोहा में तेरह तेरह ग्यारह ग्यारह में मात्राओं की संख्या ग्यारह ग्यारह तेरह तेरह रोला में अगर देखा जाए चौबीस मात्राएं चौपाई में अगर देखा जाए सोलह मात्राएं ठीक है।, है और यहां पर क्या है उल्लाला है उल्लाला की अगर देखा जाए पंद्रह 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 देखिए पंद्रह पंद्रह जो होती हैं वो पहले और तीसरे चरण में होती हैं तो पंद्रह पंद्रह इसको शॉर्ट में तेरा तेरह दूसरे चौथे और यहीं पर अगर हम कुंडलिया की बात कर लें तो चौबीस चौबीस मात्रा है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इतना है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कोई समस्या नहीं है बताइए बात कंफर्म है सर उल्लाला है ना हाँ ठीक समझ में आया अब नींद आ रही है जल्दी खत्म होगा बेटा आज बैटरी काम नहीं कर रही लो बरवे क्या है बर्वे देखा जाए तो यह मात्रिक सम छंद है यानी सम मात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में प्रथम और तृतीय बारहवें और सम चरणों में दूसरे और चौथे ध्यान दीजिएगा पहले और तृतीय में बारह पहले और तृतीय में जो पहला और तीसरा चरण है उसमें बारह मात्राएं और दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें सात मात्रा सात मात्राएं है होती हैं ये बात आपको याद रखनी है ठीक है ना ये थोड़ा सा बरवे और उल्लाला ही थोड़ा परेशान करता है ठीक है यदि प्रत्येक चरण के अंत में आप देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं जैसे ये वाला जो है पहला है और ये तीसरा इसमें होंगी बारह बारह लेकिन जो दूसरा चौथा है जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात ये वाला सात मात्राओं पर निर्भर करेगा दूसरा चौथा अब एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छह सात ये भी सात तो ये वाली सात मात्राओं पर ये वाली सात मात्राओं पर दूसरा चौथा सात मात्राओं पर और जो पहला और तीसरा है ये बारह मात्राओं पर आधारित है ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है ना जहां पर मात्रा होती अंक की बिंदी होती है वहां पर दो मात्राएं गिनी जाती हैं हरिगीतिका और देख लीजिए लास्ट में हा जी हरिगीतिका देख लीजिएगा और ये वाला फैक्ट खत्म हो जाएगा हरिगीति का देख लीजिए हरिगीति का क्या है हरिगीति का है यह मात्रिक समछंद है इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 देखिए हरिगीतिका में जो होती हैं हरिगीतिका हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं कुंडलिया में 24 रोला में 24 चौपाई में च, आ, 16 और 13 13 11 11 दोहा और 11 11 13 13 सोरठा ठीक है ना अगर मैं बात कर लेता हूं हरिगीतिका तो सोलह और बारह मात्राओं पर यति होती है प्रत्येक चरण में जितना सबसे ज्यादा यही होती है का बड़ा अक्षर भी है और चरण एक एक चरण में मात्राएं है।, है ना अगर हम बात कर लेते हैं तो यह वाली अगर हम हर चरण में देखेंगे तो 28 मात्राएं मिल जाएंगी तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ऐसे छंद की बात करो जिसमें 28 मात्राएं है होती हैं प्रत्येक चरण में तो हरिगीतिका प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तो चौपाई तेरह ग्यारह की यति पर हमें दोहा और ग्यारह तेरह की यति पर हमें सोरठा ठीक है चलिए तो ये ये चीजें हमने यहां पर पर देखी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके साथ ही साथ ही जो हम लास्ट सेशन सेशन अब बढ़ रहे हैं सेशन के बिल्कुल अंतिम छोर पर है क्योंकि बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक हम कब मारे कब मारे तो समझिए हम लोग बिल्कुल खत्म बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर है परेशान मत होइए संज्ञा की अगर हम बात कर लेते हैं समझिए संज्ञा की अगर हम बात कर लेते हैं तो समझिए प्यारे अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा क्या है संज्ञा नाउन को इं, इंग्लिश जो रूपांतरण है इसका हिंदी रूपांतरण है नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम अगर है वो संज्ञा है संज्ञा की अगर हम बात कर लेते हैं तो संज्ञा को प्रमुख तौर पर जैसे संज्ञा को प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो बांटा जाता है बांटा जाता है अगर हम देखते हैं व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक ठीक है ना और तीसरा हम देखते हैं भाववाचक प्रमुख तौर पर संज्ञा को हम तीन भागों में बांटते हैं ठीक है लेकिन अगर हम डिटेल में थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि संज्ञा वे शब्द हैं जो व्यक्ति क्या है सॉरी जो कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु स्थान भाव प्राणी आदि के नाम को के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं जैसे श्याम कोई नाम है किसी शहर का नाम दिल्ली है आम है भले ही व्यक्तिवाचक हो भले ही भाववाचक हो भले ही कोई हो गाय आदि किसी का स्वरूप है नाम है या कोई यूनिक चीज है संज्ञा के तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की होती है ध्यान दीजिए क्योंकि जातिवाचक के दो रूप बढ़ जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा सब जानते हैं द्रव्यवाचक समूहवाचक होता है सब जानते हैं कि नहीं जानते लेकिन ये बढ़ता किसका भाग है जातिवाचक का भाग बढ़ता है समझ गए तो तीन ही प्रकार की महत्वपूर्ण संज्ञाएं होती हैं उसमें जातिवाचक के दो भाग और बढ़ जाते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक तो आज के बाद यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना होता है कैसे पढ़ना होता है आइए जैसे व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे कोई भी नाम है क्या है कोई भी नाम है गोरखपुर है मुंबई है भारत है रामायण है अमेरिका है यह इत्यादि जो है व्यक्तियों का एक नाम होता है क्या होता है एक व्यक्तियों का अगर नाम होता है तो दोस्तों वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है ठीक है बताइए चलो जातिवाचक क्या है क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है अगर यह पूछ लिया जाए जैसे अगर मैंने कह दिया कि कोई भी ए ऑप्शन है पर्वत है ना बी ऑप्शन है क्या है यमुना सी ऑप्शन है लक्ष्मी और डी ऑप्शन है हमारा क्या है नेपाल निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है तो व्यक्तिवाचक में किसी का नाम दोस्तों होना जरूरी है लेकिन पर्वत यहां पर जातिवाचक है इसलिए यह भी संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक होती है वो व्यक्तिवाचक नहीं होती इसलिए यहां ऑप्शन ए हो जाएगा नाम होना जरूरी है जैसे जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं जैसे दुनिया के जितने छात्र हैं वो जातिवाचक हैं दुनिया की जितनी छात्रा हैं वो जातिवाचक है दुनिया के जितने डॉक्टर हैं वो जातिवाचक हैं लेकिन नाम ले दें कि छात्र का नाम ये है व्यक्तिवाचक छात्रा का नाम सोहिनी है छात्र सोहन है डॉक्टर क्या है डॉक्टर तनेजा है तो नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया लेकिन जातिवाचक दुनिया के जितने जितनी जैसे दुनिया के जितने पुरुष हैं वो जातिवाचक दुनिया में जितनी महिला जो दुनिया में बहुत रहें वो जाति है महिला दुनिया में जितनी किताबें हैं किताब वो जातिवाचक अगर मैं कह दू का मानस कुरान बाइबिल तो वहां पर तुरंत हमारा व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है अर्थात किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक कहेंगे जैसे पुरुष दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन मैं कह दूं कि भैया पुरुष में कोई पप्पू है तो व्यक्तिवाचक गेंद घर दुनिया में बहुत सारे दिन बहुत होते हैं महीने बहुत होते हैं नगर बहुत होते हैं देश बहुत होते हैं ये बात आपको याद रखनी भाववाचक ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना देकर केवल महसूस होते हैं वो हमेशा भाववाचक होते हैं केवल आप महसूस कर पाओ ईमानदारी है गरीबी है प्रेम है है ना बुढ़ापा है मित्रता है अपनत्व तो है घबराहट है ये क्या है ये केवल आप देख सकते हो महसूस कर सकते हो क्या महसूस कर सकते देख नहीं सकते केवल महसूस किए जा सकते हैं प्रेम हुआ बचपन हुआ मोटापा हुआ बुढ़ापा हुआ मिठास हुआ थकावट हुई ये चढ़ाई हुई ये क्या है यह भाववाचक संज्ञा है ठीक है ना प्यारे चलिए समूहवाचक में क्या है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है जैसे सेना परिवार एक लोगों से बनती नहीं मैक्सिमम लोग होंगे मैक्सिमम लोग होंगे परिवार में मैक्सिमम दो या दो से अधिक लोग होंगे कक्षा में भी मैक्सिमम लोग होंगे दो या दो से भीड़ भी एक लोगों से नहीं बनती मेला भीड़ हुआ है ना वर्ग हुआ लोग हुए ये सर क्या है ये एक समूह का बोध कराते हैं राइट ये बात आपको याद रखनी द्रव्यवाचक क्या है बहुत महत्वपूर्ण द्रव्यवाचक तो सबसे ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा देखिए अगर मेटल दुनिया की जितनी धातु है वो द्रव्य में जाएगी लकड़ी तो द्रव्य में जाएगी जितना द्रव है द्रव आप समझते हो ना ये पहला दूसरा तीसरा ये सब याद रखिए द्रव का मतलब समझते हो ना द्रव में तेल हो गया घी हो गया पेट्रोल हो गया पानी हो गया दूध हो गया सब कुछ मट्ठा हो गया वो सब आपका द्रव्यवाचक लकड़ी द्रव्यवाचक धातु सोना चांदी पीतल तांबा डॉट 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 ये सब क्या है द्रव्यवाचक है किसी संज्ञा शब्द में किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो रहा हो तो द्रव्यवाचक होता है जैसे जैसे घी की बात करें पानी की बात करें लोहा की बात करें तेल की बात करें दाल की बात करें ये सब लिक्विड है है ना लेकिन लकड़ी भी क्या है लकड़ी बहुत बार पूछा गया लकड़ी लकड़ी धातु सोना चांदी ये भी बता दिया ये भी द्रव्यवाचक के साथ जाएगी ठीक है ना ये बात आपको याद रखनी है अब जो सबसे ज्यादा आता है बच्चा कहता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है है ना सकर्मक क्रिया क्या है अकर्मक क्रिया क्या है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ये तीन चार चीजें और जानिए महत्वपूर्ण है क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मोटी मोटी चीज जान लीजिए क्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोटी मोटी चीज ये जान लीजिएगा क्रिया दोस्तों काम करने वाले को काम करने वाले को हम क्या कहेंगे क्रिया कहेंगे यानी काम का जो इफेक्ट पड़ रहा है कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है एक सकर्मक होती है और एक अकर्मक होती है ठीक है ना पूर्वकालिक प्रेरणार्थक सब जानेंगे आइए क्रिया की बात करें वे शब्द अब देखिए क्रिया का वास्तविक रूप है धातु क्रिया धातु इंग्लिश रूपांतरण वर्व क्रिया धातु का एक रूप है जिसको हम कहते हैं मूल रूप ये धातु से ही आया है प्रश्न भी बनता है क्रिया का मूल रूप क्या है जो धातु ऑप्शन में ढूंढना जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं संस्कृत में क्रिया रूप धातु ये देखिए महत्वपूर्ण तो धातु कहते हैं उन्हीं के स्थान पर ना लग जाता है जैसे लिख से आपका लिखना हो जाता है और हंस से आपका हंसना हो जाता है ये क्रिया बन गई पढ़ से आपका पढ़ना हो जाता है कर से आपका करना हो जाता है यही तो दोस्तों होता है ये आपकी क्रिया है कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया है फिर पूर्वकालिक प्रेरणार्थक वो भी जानेंगे कर्म कार्य कर्म के आधार पर अकर्मक अब इसको बहुत आसान भाषा में आधन कर्म आ धन कर्म तो माने क्या होता है बताइए माने जो होता है वो होता है नहीं जहां पर कर्म कैसा हो कर्म भैया नहीं हो माने नहीं लेकिन अगर हम सकर्मक की बात माने साधन कर्म साधन कर्म का मतलब होता है क्या साधन कर्म का मतलब होता है सहित क्या होता है सहित अगर कर्म के साथ में है आप तो सकर्मक हो जाएगा अगर कर्म नहीं है आपका तो अकर्मक हो जाएगा मैं आपको कुछ अकर्मक क्रिया के उदाहरण बता देता हूं अकर्मक जैसे रोना जैसे सोना जैसे आपका टहलना है ना जैसे पक्षियों का उड़ना जो है मुस्कुराना ये एग्जाम में आपको याद रखेंगे रोना सोना हंसना ये क्या है पक्षियों का उड़ना यह है बात बाकी खाना पीना हाँ, खाना पीना जो है आपको याद रखना खाना पीना सकर्मक है और किसी भी काम को करना काम को करना चाहे वो पत्र ही क्यों ना लिख रहे हो चाहे गड्ढे ही क्यों ना खोद रहे हो वो सर आपके सकर्मक में जाएगा राइट जैसे अकर्मक वो होता है आम आने नहीं भैया नो नॉट है ना तो ये भैया ना भैया याद रखिए बिल्कुल जहां पर कर्म हो ही ना वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो फिर होता क्या है कर्ता जरूरी इसमें कर्ता महत्वपूर्ण होता है क्रिया का प्रभाव वाक्य में कर्ता पर पड़ता है तो जहां पर पूछ दिया जाए कि कर्ता किसमें जरूरी है वो अकर्मक में है कर्म किसमें जरूरी है वो है सकर्मक में जैसे कुत्ता का भौंकना भौंकना कोई कर्म नहीं होता टीना का सोना हंसना रोना धोना है ना ये धोना धोना का हमको कहते हैं रोना धोना लेकिन धोना का मतलब है कि जैसे रीना कपड़े धोती है तो सकर्मक हो गया तो हंसना रोना मुस्कुराना, कुत्ते का भोंकना चिड़िया चिड़िया का उड़ना ये सब दोस्तों होता है अकर्मक सकर्मक में क्या होता है कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर ना पड़ के कर्म क्योंकि मैंने कहा कि सहित जहां पर सहित किसके कर्म के साथ चीजें होती हैं अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो उन्हें सकर्मक कहा जाता है भूपेंद्र दूध पी रहा है नीतू खाना बना रही है ये क्या है ये दोस्तों आपका सकर्मक होता है ठीक है पीना खाना हमेशा सकर्मक में जाएगा नहीं तो बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सर पीना और खाना जो है कि जैसे हम जैसे रमेश सेब खा रहा है तो बच्चे को लगता है कि इसमें कर्म ही नहीं है नहीं बेटा जो चीज कम होती है जैसे कम होती चली जाए काम भी कोई कम होता चला जाता है ना तो कम होता चला जाए तो वहां पर क्या है हमें सकर्मक ही मारना होता है तो सेव खा रहे हैं सेव कम होता चला जाएगा ठीक है प्रेरणार्थक क्रिया एक नंबर लेकर आती है प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है समझिए देखिए वीडियो को लाइक कर देना अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए हर बहन हर भाई के लिए यह हमारा हमारी गुजारिश है क्योंकि अगर हम आपके साथ खड़े हुए हैं घंटों खड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भला हो आपके मित्रों का भी भला होना चाहिए आप अच्छा करोगे तो सबके साथ अच्छा होगा ठीक है ना यह बात आपको याद रखनी है वे क्रियाएं जिन्हें करता स्वयं ना करके दूसरे अब देखिए इसका ट्रिक क्या है इसका ट्रिक यह है कि आप स्वयं ना करो क्या है आप चीजों को स्वयं ना करो किसी दूसरे से अगर आप करवा रहे हो कोई दूसरा करे आप ना करो बस इतना ही है वे क्रियाएं जो कर्ता स्वयं ना करे दूसरे को के लिए प्रेरित करे जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है कविता सविता से पत्र पढ़वाती है यहां पर एक खत्म हो गया कविता सविता से पत्र पढ़वाती है मैं आपको बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकता हूं रमेश अपने छोटे भाई से कपड़े धुलवाता है मनीष अपने मित्र को मित्र से चाय बनवाता है कुछ भी कर लो महेश अपने स्कूल का काम अपने बड़े भाई से करवाता है अपना खुद ना करो मैंने एक ग्लास पानी मंगवाया तो भी प्रेरणार्थक किसी दूसरे से मंगवाया ना खुद नहीं करने गए किसी दूसरे से काम अगर आप करवा रहे हो तो प्रेरणार्थक होगा बस बात खत्म पूर्वकालिक में थोड़ा सा सचेत हो जाना नहीं तो प्रेरणार्थक का ही आप जो है घुसेड़ दो उसमें क्या कॉन्सेप्ट नहीं इसका ट्रिक देखिए अगर आप एक काम खत्म कर लो और दूसरा काम शुरू कर लो दूसरा काम को शुरू हो जाए। एक काम खत्म हुआ दूसरा शुरू हो जाए इसमें काम है इसमें काम है लेकिन वहां पर काम यहां पर भी था स्वयं काम ना करो दूसरे से करवाओ लेकिन यहां क्या है एक काम खत्म हो जाए एक काम एंड और दूसरा स्टार्ट जैसे और एक ट्रिक यह हो गई और एक ट्रिक यह हो गई कि इसमें हमेशा कर आएगा कर देखिए कैसे आता जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई मतलब एक क्रिया खत्म हुई दूसरी स्टार्ट होगी जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया एक काम खत्म हो गया पढ़कर और सो गया दूसरा अब सोना स्टार्ट हो गया जैसे अब बोले सर यहां पर एग्जाम्पल एक, एक और दे दो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूं पढ़कर देखो कराया था रमेश नहाकर पूजा करने लगा रमेश पढ़कर स्कूल चला गया रमेश नहाकर खाने खाने लगा एक काम खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया ठीक है चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखिए फटाफट एक एग्जाम्पल लिखिए फट। आप लोग सब चलो आ जाओ विशेषण की बात कर लेते हैं और वीडियो पर हम बिल्कुल विशेषण और विशेष से बच्चा विशेष से से परेशान रहता है क्योंकि इन चीजों को अगर नहीं बताएंगे तो फिर विशेषण हो गया विशेष हो गया प्रविशेषण हो गया फिर क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत ज्यादा और संधि की बात कर लेंगे फिर ठीक है तुरंत देख लेते हैं पांच मिनट और आपको हमें देने पड़ेंगे पांच मिनट और आपको हमें देने पड़ेंगे बस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि संधि अगर हट गया हाँ पांच मिनट और आपको देने पड़ेंगे फिर उसके बाद अपन वीडियो को एंड करेंगे चिंता मत करिए ठीक है आ जाओ विशेषण क्या होता है देखिए विशेषण क्या होता है आ जाओ विशेषण की बात अगर हम करेंगे तो आ जाइए विशेषण जो दोस्तों संज्ञा जो संज्ञा सर्वनाम की क्या है विशेषता बताते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जैसे राम काला है इसमें जो अंडरलाइन वाला पार्ट है यह विशेषता है किसकी बता रहा है संज्ञा की ठीक है ना रमेश ईमानदार है यह विशेषता बता रहा है किसकी रमेश की ठीक है इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है तो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा राम का कोट नीला है, है? या मैं कह दू नई साड़ी है ना तो ये क्या है ये विशेषण है मैंने कह दिया लाल टोपी तो टोपी की विशेषता है लाल इसलिए यह विशेषण हो गया विशेष क्या होता है इसको जान लीजिए फटाफट विशेष क्या होता है विशेष वो होता है जिसकी विशेषता मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए जिसकी विशेषता बताई जाए यानी जो उसमें कर्ता का, का काम करे, जो कर्ता का काम करे, वो विशेष्य होता है जैसे जैसे अगर हम बात कर लेते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या, या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष से कहलाते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं याद रखो कि जैसे मैंने कहा कि राम काला है तो विशेषण तो ये हो गया लेकिन राम क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीजों के साथ हम प्रविशेषण क्या होता है फटाफट जान लो प्रविशेषण जो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए विशेषण की विशेषता का वर्णन करें विशेषण की विशेषता का वर्णन करें वो है प्रविशेषण क्या है प्रविशेषण है ठीक है ना बोले सर कैसे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं यह लड़की बहुत अच्छी है अब आपको यह बताना है कि यह लड़की बहुत अच्छी है तो अच्छी तो है लेकिन किस क्या बहुत अच्छी है तो यहां पर क्या हो जाएगा विशेषण की भी विशेषता बता दी अच्छी एक विशेषण है अच्छा शब्द जो है वो विशेषण है लेकिन कितनी अच्छी है बहुत अच्छी है कम अच्छी है उसकी भी विशेषता बता दी यानी इसकी विशेषता बता दी लड़की की विशेषता अच्छी थी लेकिन अच्छी की विशेषता क्या है बहुत है इसलिए प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता का वर्णन कर देता है प्यारे राइट चलिए विशेषण के प्रकार में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जैसे विशेषण के प्रकार प्रमुख चार तरह के होते हैं लेकिन पांच माने जाते हैं जैसे गुणवाचक विशेषण होता है जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं जैसे यह मकान प्राचीन है यह मंदिर प्राचीन है तो इसकी विशेषता है गुणवाचक विशेषण है मेरे मेरी मम्मी की रोटी गोल है यह बिस्कुट चौकोर है यह बिस्कुट गोल है तो यहां पर गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण दस लड़के है ना जहां पर संख्या हो जाए परिमाणवाचक जहां पर आप क्वांटिटी जो आपकी क्वांटिटी है उसको क्वांटिटेटिव जो है एडजेक्टिव कहा जाता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए आता है ठीक है ना अगर मैं बात कर लेता हूं संकेतवाचक या सार्वनामिक जो संकेत वाचक आश्रित वाक्य होते हैं उन पर व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्ति, व्यक्ति संदर्भ में और संबंध वाचक जो रिलेशन के संदर्भ में ठीक है ना तो ये चार से पांच तरह के क्या होते हैं विशेषण होते हैं इसके साथ ही साथ बच्चा कंफ्यूज रहता है संधि में देखो संधि को एक नैनो सेकंड में आप कहते हो कि हम सर यड़ संधि नहीं देख पाते हम गुड़ संधि नहीं देख पाते हम हम आयादी संधि नहीं पहचान पाते आपको कुछ करना ही नहीं है सर देखिए संधि की पहले तो बात कर लेता हूं मोटी मोटी कि संधि जो होता है संधि क्या होती है संधि संधि जो होती है इसमें अगर संधि देखा जाए तो संधि की भी संधि होती है समधन धी संधि समधनधि से बना हुआ और यह शब्द है व्यंजन संधि का यह शब्द है व्यंजन संधि का संधि की अगर हम बात करें तो संधि प्रमुख तीन प्रकार की होती है एक आपकी स्वर संधि होती है एक आपकी व्यंजन संधि होती है एक आपकी विसर्ग संधि होती है चलो ये हो गया संधि की अगर हम बात कर लेते हैं तो संधि जो होती है तो इसमें आपको याद रखना है कि संधि में आप वर्णों का क्रम देखते हैं वर्णों का योग देखते हैं वर्णों का योग होता है वही दोस्तों क्या है वही दोस्तों आपकी संधि है वर्णों का योग जो होता है वही संधि है यह बात आपको संधि में मोटा मोटा फैक्ट आपने जान लिया तो संधि का संधि विच्छेद मैंने आपको क्या बताया समी और जहां पर हलंत लग जाए वहां संधि में भी संधि व्यंजन हो जाती है संधि में भी संधि व्यंजन हो जाती इतना याद रखना ठीक है चलिए संधि की परिभाषा की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है संधि की परिभाषा क्या है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ अतः दो निकटवर्ती वर्णों वर्ण को याद रखना इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जब दो वर्ण मिलते हैं वर्णों का योग संधि है पहले देखिए लिखा हुआ है ठीक है ना उसे संधि कहते हैं जैसे एक है हिम और एक आलय है जिसको हमने कह दिया हिमालय एक इंद्र है एक मही है जिसको हमने कह दिया महेंद्र ये तो नॉर्मल सी चीज है लेकिन बच्चा कंफ्यूज है अगर संधि की बात करें तो संधि दो प्रकार की है तीन प्रकार की है पांच प् प्रकार की, है, तीन प्रकार की होती है पहली है स्वर संधि दूसरी है व्यंजन संधि तीसरी है आपकी विसर्ग संधि हाँ इतना याद रखिए कि संधि तीन प्रकार की होती है उसमें स्वर संधि पांच प्रकार की है एक दीर्घ है एक गुड़ है एक वृद्धि है एक यड़ है एक आयादी है दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट आपको हरा नहीं पाएगा जो मैं बताने वाला हूं इन सब में स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि तीन प्रकार की संधियां होती हैं उसमें स्वर संधि के पांच पार्ट होते हैं दीर्घ यड़ गुण वृद्धि यड़ और अयादि देखो दीर्घ संधि को पहचानने के लिए गुण संधि को पहचानने या आयाद या वृद्धि को पहचानने के लिए ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना बहुत आसान है बहुत आसान है बोले सर कैसे आ जाओ देखो दीर्घ स्वर संधि जो होती है समझिए दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसमें क्या होता है इसकी परिभाषाएं आपको नहीं याद करनी लेकिन मैंने अपनी भाषा में जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ना भी है जब दो सवर्ण सवर्ण का मतलब समझते हो ना एक ही जैसे वर्ण सजातीय एक ही जातीय वर्ण हृस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं ये आप इतना याद नहीं कर पाओगे मुझे पता है अगर आपसे यह कहा जाए सर दीर्घ संधि की पहचान क्या है दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है समझिए की ट्रिक क्या है तो आप हमेशा एक ही जहन में रखिएगा कि सर दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिसमें बीच वाला आप बीच वाला क्या ना बीच वाला वर्ण देखा करिए केवल बीच वाले वर्ण में बड़ी मात्रा हो बड़ी मात्रा होनी चाहिए चाहे फिर वो ड आ का डंडा हो चाहे फिर वो क्या हो वो फिर ई की मात्रा हो बड़ा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा आ की भी होती है बड़ी मात्रा आई की भी यानी ई की भी होती है बीच वाला अक्षर देखिए इसमें देखिए बीच वाला अक्षर बा है इसमें ना है इसमें रा है इसमें इसमें देखिए बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा और बड़ी का मतलब क्या होता है यही ट्रिक है बड़ी का मतलब क्या होता है तो बड़ी का मतलब होता है दीर्घ दीर्घ का मतलब बड़ा होता है दीर्घ का मतलब बड़ी होता है इसलिए बड़ी मात्रा आ जाए तो दीर्घ स्वर हमेशा याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल एक, एक देता हूं आवाज आ रही तो का है गोला बनाए रहे है ना गोले ही बना मनाने मजा आ रहा है ना रोटी बना लो विद्यालय विद्यालय में कौन सी संधि है विद्यालय हुआ ठीक है ना तो विद्यालय में कौन सी है विद्यालय हुआ शिवालय हुआ भोजनालय हुआ गिरिंद्र हुआ कविंद्र हुआ अब मैंने कहा पर देख मुनिंद्र हुआ कोई भी अक्षर हो बीच वाले अक्षर को देखो और बड़ी मात्रा है तो तुरंत दीर्घ मार दो बात खत्म हो जाएगी ठीक है गुड़संधि की बात कर ले गुणसंधि तो बहुत आसान है इसका ट्रिक देखिए बहुत आसान है अगर आ जाए यहां से एक एग्जाम्पल आ जाए ए ऑप्शन में लिखा हो क्या है एक क्वेश्चन आ जाए ए लिखा हो विद्यालय ठीक है ना? बी में लिखा हो नयन सी में लिखा हो स्वागत और डी में लिखा हो महेश तो बताइए कौन सी संधि क्वेश्चन ये है गुड़ संधि है बताओ गुड़ संधि है तो गुड़ संधि को बताने के लिए सिर्फ इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि इसकी ट्रिक बस इतनी है कि बीच वाले हर बीच वाला और सभी संधि में जैसे हमने इसमें दीर्घ में देखा था कि बीच वाला वर्ड था उस पर बड़ी मात्रा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते उसमें आपको ए की मात्रा देख लेनी है कोई भी ए की मात्रा इस पर लगी होनी चाहिए जरूरी नहीं की मात्रा हो।, हो सकती है डंडे के ऊपर ऐसी मात्रा हो सकती है ओ की मात्रा हो मतलब कुल मिला के इस डंडे के ऊपर बीच में होनी चाहिए, ठीक है जैसे देवेंद्र की बात करें तो ये गलत लिखा है देवेंद्र, ठीक है ना देवेंद्र गलत लिखा है इसको सही कर लेते हैं। तो देवेंद्र कैसा लिखा जाएगा देवेंद्र में ऐसा ऐसे ही देवेश में बीच वाला अक्षर है बीच वाले अक्षर पर अब मुझे देवेंद्र से मतलब नहीं मात्रा है एक तो अगर एक मात्रा है तो एक मात्रा का आंसर गुड़ अब बीच वाले में देखिए विद्यालय बड़ा डंडा दीर्घ नयन पवन अयादि स्वागत यड़ अभी बताएंगे और महेश देखिए बीच वाले में तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है कितने भी आ जाए मैंने कहा चलो ठीक है एग्जाम्पल दे देता हूं जैसे महेश दुर्गेश रमेश दिनेश है ना मनोज वो भी आ गया है ना राकेश इसके साथ सब जो देवर्सी है वो भी याद रखना है ठीक है ना महर्षि है वो भी याद रखना अर्ज इसमें आता है नेक्स्ट चलो वृद्धि में क्या होता है बस इसको गुड़ को याद रख लिया कि बीच वाले अक्षर में एक डंडा था और गुड़ बस इसमें क्या करना है बीच वाला अक्षर देखना है बीच वाले अक्षर में एक था गुड़ तो अब एक बढ़ा दो बढ़ने को क्या कहते हैं बढ़ने को वृद्धि कहते हैं बस हो गया काम बोले सर कैसे मैंने कहा कि अगर एक एक है तो नवैश्वर्य है जैसे जैसे अगर मैं कह दूं दो तीन एग्जाम्पल आप भी दो जैसे सदैव जैसे एक, एक है ना, जैसे मत बीच वाले अक्षर पर अगर आप दो मात्राएं देखते हो तो वहां पर वृद्धि हो जाती है। बढ़ने को वृद्धि कह दिया नब्बे परसेंट तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया यण संधि ट्रिक समझ लो अंतस्थ व्यंजन को जानते हो अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन को जानते हो अंतस्थ व्यंजन को, को जानते हो कहते या रा, ला और वा। ये चार वर्ड अंतस्थ होते हैं इनके ऊपर अगर इनके ऊपर अगर कोई आधा वर्ड इनके ऊपर कोई अगर आधा आधा वर्ड अगर लटका हुआ है जल्दी जैसे नहीं बस बस में जो है अपन आधे वर्ड में आधे उसमें जो है क्या ना बस में जो है हम पीछे लटक जाते हैं तो ऐसे ही अगर इनके ऊपर कोई लटक जाए तो वो यड़ संधि हो जाता है जैसे अन्वेषण जैसे स्वागत जैसे इत्यादि जैसे प्रत्येक है ना तो यहां पर अगर आप लटक जाते हो आधे लटक जाते हो लटका हुआ वर्ड हमारा क्या हो जाएगा वहां पर संधि हो जाएगा है ना क्लियर है और आयादी संधि तीन अक्षर में अयादि है और मैक्सिमम आयादी के तीन अक्षर होते हैं एक तो ये हो गया सिंपल सा और बात बाकी तो आप जानते हो चाहे श्रवण हो श्रोधन अन हो भावुक को भौधन अक हो भवन में अ हो अन हो और नयन में नेधन अन हो गायक में गायधन अक हो चयन में चेधन अन हो चयन में चेधन अन ना? पवन में पोधन अन हो तो ये क्या है चयन हुआ पवन हुआ श्रवण हुआ है ना गायक हुआ पावक हुआ ये क्या है दोस्तों ये दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए सारी चीज में आए ठीक है अभी नहीं हुआ सर पांच मिनट गजब <laughs> अभी तो और है ना अभी चिंता किस बात की है अभी तो और है अभी इतनी जल्दी जाओगे बताओ मेन मेन चैप्टर तो छोड़ ही दे रहे हो आप मेन चैप्टर बताओ कौन सा बचा है लास्ट चैप्टर चलो लास्ट चैप्टर बता दो कौन सा बचा हुआ है अच्छा व्यंजन नहीं पढ़ोगे व्यंजन भी तो है अभी लास्ट चैप्टर बता दो संधि के बाद संधि के बाद लास्ट चैप्टर बता दो कौन सा बचा हुआ है किसी किसी ने नहीं दिमाग लगाया सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप छोड़ रहे हो इसको इसके लिए हमने लास्ट में ही रखा है इसके लिए हमने लास्ट में रखा है आपको पता है क्या बहुत महत्वपूर्ण है और फिर उसके बाद बाकी में नहीं है कुछ उसके बाद बाकी में नहीं है कुछ उसके बाद बाकी में कुछ नहीं है बस पढ़ते रहो चलिए ठीक है व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ मेल होने पर परिवर्तन जो होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है हमें परिभाषा नहीं याद रखनी है बस इतना याद रखना है कि जैसे अगर हम कह दें उदाहरण तो उत धन हरण उत धन हरण होता है जैसे संधि तो समन धी होता है जहां पर भी हलंत लग जाए वो दिमाग में हमें याद रखना है वो हमें क्या होता है वो हमारा व्यंजन होता है जैसे उत धन बराबर उल्लास तो हलंत लग गया अपन जा अप बराबर अब्ज गज बराबर दिग्गज तो हमारा क्या हो गया हमारा व्यंजन जैसे और ले लो जैसे दिक आपको थोड़ा सा दिक नहीं दिक गज रहा होगा दिग्गज हो गया बराबर अब जो बताया जहां पर हलंत लग जाए वहां पर हमें मारना होता है विसर्ग संधि में क्या होता है विसर्ग में क्या होता है स्वर और व्यंजन जब आपके स्वर प्लस व्यंजन तो प्लस व्यंजन मिलते हैं तो वो आपके विसर्ग बनते हैं ठीक है जैसे धनुषंकार में धनु बराबर 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 निश्चल तार निस्तार दू धन शासन और निधन निसंदेह लेकिन एक और चीज बता दो इन सभी में अगर समास पूछ दिया जाए तो जितने भी विसर्ग सं, संधियां होती हैं उनमें हर विसर्ग संधि में अब भाव समास होता है क्योंकि हर विसर्ग संधि एक उपसर्ग वाली होती है ठीक है ना हर विसर्ग संधि एक उपसर्ग वाली होती है बताओ सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अब सोने के लिए तुमको रो, कोई रोक नहीं सकता लेकिन वाकई में हम अपन लास्ट पड़ाव पर हैं क्यों लास्ट पड़ाव पर है वाक्य अब आप कहोगे कि सर ये वाक्य थोड़ी ना है सर यही वाक्य है जैसे जैसे क्या वाक्य है जैसे एग्जाम में क्या पूछता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं बच्चा कंफ्यूज क्योंकि अर्थ के आधार पर सब पढ़ लेते हैं लेकिन रचना के आधार पर जब वाक्य आता है तो ये वाक्य आठ प्रकार के होते हैं रचना अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके तीन प्रकार के तो समझिएगा सबसे पहले वाक्य कैसे किस पर आधारित होता है देखिए अगर हम बात कर लेते हैं क्या आप घड़ी में देख लो दस मिनट ठीक है ना घड़ी में देख लो दस मिनट वाक्य को पढ़ लीजिएगा सही से ठीक है घड़ी में देख लीजिए दस मिनट और कोई ईमानदारी से जाएगा नहीं चलो भाई वाक्य की बात करें तो परिभाषा समझिएगा कि शब्दों के एक सार्थक समूह को अब समझिए वाक्य बनता कैसे है देखो सबसे पहले इस चीज को याद रखना ध्वनि जो होता है ध्वनि से वर्ण वर्ण से हमारा शब्द इस लाइन को याद रखना यह काम आएगी शब्द से हमारा पद बनता है और पद से हमारा वाक्य बनता है तो वाक्य क्या होता है वाक्य एक सार्थक समूह होता है जो एक वास्तविक अर्थ देता है जैसे आकाश भागता रहता है श्याम पढ़ाई करता है एक वाक्य है रमेश जाता है ध्वनि के बाद वर्ण आता है वर्ण के मेल से शब्द बनता है शब्द के मेल से पद बनता है पद के मेल से वाक्य बनता है बात कंफर्म हो गई वाक्य के दो घटक होते हैं याद रखना वाक्य के अंग कितने होते हैं घटक कितने होते हैं घटक होते हैं दो दो घटक होते हैं एक होता है आपका उद्देश्य होता है एक उद्देश्य होता है और एक होता है आपका विधेय होता है एक उद्देश्य होता है एक आपका विधेय होता है अगर मैं आपसे कह दूं उद्देश्य क्या है विधेय क्या है जैसे जैसे याद रखिएगा जैसे राम बाजार जाता है राम बाजार जाता है तो इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्न वाक्य में उद्देश्य बता दो तो हर वाक्य में एक उद्देश्य होता है तो उद्देश्य दोस्तों वही होता है जो करता होता है तो राम क्या हो जाएगा यहां पर उद्देश्य बिल्कुल उल्टा नहीं तो आप लगा दो कि राम का उद्देश्य बाजार बाजार जाना जाना नहीं और घटक घटक क्या होता है तो घटक उसका बाजार जाना, जो उसके द्वारा किया जा रहा है तो बाजार जाना क्या हो जाएगा इसका घटक हो जाएगा तो हर वाक्य में दो घटक होते हैं एक उद्देश्य होता है एक विधेय होता है उद्देश्य विधेय मिलते हैं तभी वाक्य बनता है ठीक है ना तो हमने ये कहा कि जैसे एक वाक्य में उद्देश्य अगर देखना है जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है इसमें आपको उद्देश्य बताना है तो उद्देश्य वही होता है जो खुद वो करता होता है उद्देश्य वही होता है जो करता होता है जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वो विधेय होता है बस इतना याद रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उद्देश्य वही होता है जो करता होता है और कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो विधेय होता है ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है ठीक है चलिए अगर मैं ये कह दूं क्या है वाक्य अब महत्वपूर्ण चीजों को देखिए वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं एक अर्थ के आधार पर वाक्य और एक रचना के आधार पर वाक्य यहीं से प्रश्न बनता है जो बच्चा हमेशा छोड़ देता है अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार में सबसे पहला जो वाक्य होता है सरल वाक्य दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा जो होता है वो मिश्र वाक्य ठीक है ना और रचना के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य होते हैं वो भी अभी आगे बताएंगे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य की ओ, र... उल्टा लिख गया क्या अच्छा कोई बात नहीं इसको उल्टा लिख गया है सरल वाक्य जो होता है ये रचना के आधार पर है ना तभी कहें अर्थ में आठ कैसे याद करता हूं मैंने हमेशा ऐसे याद किया आ माने अर्थ और आ माने आठ ठीक है ना तो ये उल्टा हो गया है कोई बात नहीं सरल वाक्य यहीं से देख लो जैसे अगर मैं ये कह दू नॉर्मल जिसमें एक करता एक क्रिया हो जैसे राम बाजार जाता है या राम जाता है मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया ठीक है अगर इसमें संयुक्त वाक्य बना दें तो हमने कह दिया राम अच्छा लड़का है और ईमानदार भी है जो वाक्य और तथा किंतु परंतु से जुड़ जाए वो संयुक्त है जो वाक्य डिपेंडेबल हो आश्रित हो एक दूसरे पर जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा जब तक वर्षा होगी नहीं तब तक फसल अच्छी नहीं होगी यदि तुम चले जाते तो काम हो जाता तो आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं पहले रचना के आधार पर तो रचना तीन अक्षर आते हैं तो रचना में कैसे याद करोगे रचना तीन अक्षर है तीन वर्ण है तो रचना में तीन प्रकार के वाक्य है अर्थ में दो अक्षर है तो अर्थ में दो है तो मतलब आठ हो गया उसमें भी अर्थ है ठीक है क्लियर हो गया चलिए आ जाइए रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है अगर ध्यान से समझा जाए कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही करता होता है जैसे गंगा पढ़ाई करती है एक क्रिया एक आपका करता होता है और उसे सरल वाक्य कहा जाता है जिसको सिंपल सेंटेंस का नाम दिया जाता है इंग्लिश रूपांतरण में बात कंफर्म हुई बहुत बढ़िया इसी तरह अगर हम बात कर ले संयुक्त वाक्य इसकी ट्रिक क्या है एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य पहचानी है अगर आप संयुक्त वाक्य की बात करेंगे तो संयुक्त वाक्य में कोई वाक्य किंतु से जुड़ा होगा कोई वाक्य और से जुड़ा होगा से जुड़ा होगा परंत। परंतु से जुड़े होंगे कोई दो वाक्य इसलिए से जुड़े होंगे है ना कोई भी वाक्य किंतु हो गया परंतु हो गया है ना तो जो भी वाक्य आपका और तथा हो गया जैसे मैं स्कूल आया और वह घर चला गया यही ट्रिक थी है ना ठीक है यह बात आपको याद रखनी है तो संयुक्त वाक्य में यह चीजें अगर बीच में आती हैं तो वो एड हो जाती हैं राइट नेक्स्ट मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य वो होते हैं इनकी ट्रिक क्या है इनकी ट्रिक है ये आश्रित वाक्य होते हैं ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं बोले सर आश्रित कैसे मतलब एक काम दूसरे काम पर डिपेंड होगा जैसे मैंने कहा कि यदि तुम समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन ना छूटती जैसा करोगे वैसा भरोगे मतलब एक डिपेंडेबल वाला आएगा कि जब तुम जाओगे तब मैं भी आऊंगा या कॉमा लग जाए ध्यान देना इस चीज को भी बहुत ध्यान देना ठीक है ना ठीक है अगर जैसे यदि यदि तुम खाओगी तो मैं खाऊंगा यदि तुम खाओगी तो मैं खाऊंगा क्योंकि डिपेंड आश्रित वाले वाक्य ऐसे ही होते हैं जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य बात कंफर्म हुई चीजें बहुत आसान है बस थोड़ा सा फर्क होता है थोड़ा सा फर्क होता है समझने का अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं कुल आठ प्रकार के और यह थोड़ा सा परेशान करता है कौन सा जरूरी है इसमें संकेतवाचक सबसे ज्यादा जरूरी है छह नंबर है और संदेहवाचक जरूरी है और इसके अलावा विधानवाचक जरूरी है और दो नंबर जरूरी है मतलब पांच वाक्य हमेशा एग्जाम में ट्रेंड होते हैं पांच वाक्य हमेशा एग्जाम में ट्रेंड होते हैं ठीक है बहुत बढ़िया क्या बात है आप लोग अभी एकदम खड़े हो मतलब पत्थर की तरह चलो भाई बताओ सब तैयार है तो बस वीडियो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है परेशान मत हो नहीं देखो सर आपने तो हमको बर्बाद कर दिया भाई आबाद कर दिया बर्बाद नहीं आबाद कर दिया मतलब साफा बांधे बांधे दर्द होने लगा है ना चलो आ जाओ अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो विधान सूचक वाक्य क्या होते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां बता देता हूं विधान वाचक या विधान सूचक वाक्य वो होते हैं जिसमें नॉर्मली कोई भी चीज की जानकारी दी जाए जैसे जयपुर को गुलाबी सिटी कहा जाता है जैसे इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है नॉर्मली तौर पर कोई जानकारी दी जाए दिल्ली भारत की राजधानी है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिलता है नॉर्मल तौर पर जानकारी दी जाए तो वो विधानवाचक है निषेधवाचक मना ही हो यह काम मत करो धूम्रपान करना वर्जित है मना है प्रश्नवाचक वाक्य तुम कहां तुम कहां रहते हो तुम कब आए हो तुम कैसे हो जहां प्रश्न किया जाए विस्म्यादि बोधक जहां पर हर्ष गर्व उत्साह या प्रशंसा की बात हो वहां पर उल्टी आई बनती है आज्ञावाचक एक ग्लास पानी ले आओ इच्छावाचक कोई वरदान हो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो तुम्हारी उम्र लंबी हो संकेतवाचक आश्रित होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है संकेतवाचक में वही वाला आश्रित वाला जो हम है ना जब ऐसा करोगे तब ऐसा होगा यदि तुम चाहोगे तो जरूर ऐसा होगा है ना डिपेंडेबल आश्रित वाले संदेहवाचक जहां पर संदेह शायद आज वर्षा हो सकती है हाँ, संदेह भी हो सकता है शायद वो आ सकती है हो सकता है वो आया होगा ठीक है ना चलिए देखिए वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती नार्मल, भारत एक देश है नॉर्मल तौर पर जानकारी राम के पिता का नाम दशरथ है भारत की राजधानी दिल्ली है वो है विधानवाचक या विधान सूचक ठीक है दूसरा निषेधवाचक में क्या होता है जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें वाक्य निषेधात्मक या वाक्य के निषेधवाचक वाक्य कहते हैं जैसे मैंने दूध नहीं पिया जिसमें नहीं जरूर आएगा नहीं जरूर आएगा मैंने खाना नहीं खाया या या होता धूम्रपान धूम्रपान करना मना है, है ना तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रसिद्ध चीज बीड़ी मत पियो है ना तो ये क्या है ये दोस्तों ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्या है मिट गया पूरा चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है जहां पर आप किसी भी चीज में मनाही की बात करते हो वहां पर निषेधात्मक होता है प्रश्नवाचक वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए कि भारत क्या है राम के पिता कौन है तुम कैसे हो तुम कब कब आए हो तुम कब जाओगे तुम क्या लाए हो है ना बहुत बढ़िया नेक्स्ट आज्ञावाचक वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है उसे विधि सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक जैसे बैठो बैठिए कृपया बैठ जाइए या एक ग्लास पानी लाइए ये है ना तो ये क्या है ये वही है जो आप समझ रहे हो बात कंफर्म आई कंफर्म में हो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया क्या बात है बैटरी इशू है थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी कैसे हो आप सब बहुत बढ़िया चलो हिंदी के लगभग आने वाले क्वेश्चंस की वीडियो लेके आइए सर मतलब वीडियो नहीं देख पाई हमारी एनर्जी का कोई मतलब नहीं है तुम्हें एक नई वीडियो चाहिए लेकिन पूरा नहीं देखोगे तुम है ना कुछ भी कहने के लिए आप हैं है ना मिस्टर गौरव कुछ भी कहने के लिए आप हैं मैं सब लाऊंगा आप सब्र रखो यार मतलब जो चीज कर रहे हो उसमें एफर्ट्स देखना है ना कि क्या एफर्ट्स हैं क्वेश्चन तभी होते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बिस्म्यादी बोधक में क्या है आज बैटरी नहीं साथ देगी दोस्त चलिए हाँ यह वाक्य किसी प्रकार की गहरी अनुभूति या प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं जैसे आह हमने कहा उल्टी आई बनेगा ओह कितनी ठंडी रात है या कितना सुंदर उपमन है यह नॉर्मली तौर पर यह बोले जाते हैं इच्छावाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो जिन वाक्यों में इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है देखिए हम लोग जाने के लिए तो जा सकते हैं कितना टाइम हुआ है बजे खत्म कर देंगे ठीक है ना एक बजे मैं आपसे कुछ बात भी करूंगा ऐसी बात, बात भी तो करनी है, है. है इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को बरदान देते हो अगर आप किसी को क्या है अगर आप किसी को क्या करते हो ब्लेस करते हो बरदान देते हो या फिर लंबी उम्र की कामना करते हो कामना करते हो या आप आपकी कोई इच्छा है आपकी कोई इच्छा है या मंगल कामना देते हो मंगल कामना या किसी भी त्योहार की शुभकामनाएं देते हो जैसे भगवान तुम्हें तुम्हें दीर्घायु करे यानी आपकी उम्र बढ़े नववर्ष की मंगल कामना हो दिवाली की शुभकामनाएं अनंत शुभकामनाएं होली की शुभकामनाएं बहुत सारी चीजों के साथ राइट इसके साथ ही साथ आपको ये बोले क्या है आपको बोले कि तुम सतायु जियो तुम्हारी उम्र लंबी हो सतायु जियो सौ वर्ष जियो तो यह तुम्हारे लिए इच्छावाचक वाक्य का संकेत है संकेतवाचक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण यह भी है ठीक है ना इच्छावाचक संकेत वाचक ही आते हैं जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है कोई भी संकेत का बोध राम का मकान उधर है अब देखिए संकेतवाचक में क्या होता क्या है संकेतवाचक पहला तो यह हो जाता है कि राम का मकान उधर है और सोनू का मकान उधर है यह तो संकेत हो गया लेकिन अगर आश्रित की बात करें तो वो भी आश्रित जो डिपेंडेबल होता है देखिए जो डिपेंडेबल होता है जैसे मैंने कहा कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक फसल अच्छी नहीं होगी आश्रित वाला संकेत में आ जाता है राम का मकान उधर है सोनू का मकान उधर है संकेत करके इशारा करके बोल दिया तो यह एक नॉर्मली सेंटेंस हो गया ठीक है इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं एक लास्ट वन संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं जैसे क्या वह यहां आया था कंफर्म नहीं पता है आया था या नहीं क्या उसने काम कर लिया पता नहीं किया है या कर लिया तो यह संदेहवाचक वाक्य हो गया क्या अब बताइए वीडियो खत्म किया जाए बोले सर अभी कैसे अभी तो वाच्य बचा हुआ है कितनी स्लाइड है तीन स्लाइड है और वास्तविक तौर पर हम वीडियो के लास्ट में पहुंच गए थैंक यू वाला स्लाइड स्लाइड लगा है है लेकिन वाच्य आपको पड़ेगा जिसमें एक स्लाइड है, दो स्लाइड है तीन स्लाइड है ठीक है ना तो ये कैसे छोड़ सकते हैं जब हिंदी पढ़ी है हमने ठीक है लेकिन वीडियो को एक साथ में लाइक जरूर कर लें वीडियो को एक साथ में लाइक जरूर कर लें गुरुजी जी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म केवल आपके प्यार और समर्पण की वजह से चलता है मैं ये नहीं जानता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी है और जो लोग पंद्रह पंद्रह घंटे बारह बारह घंटे लाइव क्लास दे के देने की कोशिश करेंगे मैंने कहा नहीं सर चार पाँच घंटे में ख़त्म कर लो बात ख़त्म हो जाती है है ना तो शुरू करें पाँच मिनट और खेल है हमारा आपके साथ ठीक है मिनट और खेल है ईमानदारी से खेल खेलेंगे वाच्य क्या होता है देखिए वाच्य एक्चुअल में वॉइस होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस होता है ठीक है ना और ये इंग्लिश में एक्टिव वॉइस को हिंदी में पढ़ते हैं कैसे क्या होता है वाच्य देखिए वाच्य होता है मुख्यतः तीन प्रकार का ठीक है तीन प्रकार का वाच्य होता है एक कृत वाच्य होता है एक होता है कर्मवाच्य होता है एक होता है भाववाच्य होता है समझिए अगर आप कृतवाच्य की बात करोगे तो कृतवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता जरूरी होता है कर्ता। और कर्मवाच्य वो होता है जिसमें कर्म महत्वपूर्ण होता है और भाववाच्य वो होता है जिसमें भाव के आधार होते हैं वाच्य के प्रकार कितने होते हैं सर वाच्य के प्रकार होते हैं आपके तीन कृतवाच्य जिसमें कर्ता जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म यह आपका परिवार है और आपके द्वारा गया बनाया गया परिवार है तो कर्ता जरूरी है इसमें क्या है सर कर्ता जरूरी है इसमें सर कर्म जरूरी है और इसमें सर भाव जरूरी है इसमें सर भाव जरूरी है समझ गए ना तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य बात कर लेते हैं वाच्य में जिसमें कृतवाच्य को इंग्लिश में कहा जाता है क्या कहा जाता है एक्टिव वाइज कर्मवाच्य को पैसिव वाइज वही इंग्लिश और हिंदी वाला खेल हम लोग इंग्लिश में पढ़ते आए थे कि वाई लगा दो ये लगा दो है ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो भाववाच्य को इंपर्शनल वॉइस कहा जाता है तो यह तो चीज अच्छी है जैसे जैसे कृतवाच्य में होता है राम सेव खाता है तो करता हो गया अगर हम यही तो करते थे राम के द्वारा सेव खाया गया ठीक है ना और भाववाच्य में क्या होता है राम से सेब खाया नहीं जाता बस ये था ठीक है ना जैसे क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो मैंने दो तीन बार बताया कि जहां कर्ता जरूरी होगा वहां कृतवाच्य रमेश केले खाता है दिनेश पुस्तक पढ़ता है और कर्मवाच्य अगर इन दोनों के बदलना चाहें तो कैसे होंगे रमेश के द्वारा केला खाया जाता है दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो कुल मिला के ये कृतवाच्य है कर्ता प्रधान है लेकिन कर्म क्या है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की तो मतलब यहां पर हो गया कर्म कर्म जरूरी है तो कर्मवाच्य तो कवियों के द्वारा जैसे कविताएं लिखी गई कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई और इन्हीं का अगर हम बना देते कि दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई रमेश के द्वारा केला खाया गया वही मैं कह रहा हूं कर्मवाच्य में के द्वारा जरूर आता है कहीं कहीं पर नहीं भी आता है तो वो भी हम जानते हैं ठीक है ना लेकिन उसके पहले लास्ट में देख लेते हैं भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है और इसकी ट्रिक बहुत यही बहुत बार पूछा जाता है इसमें नहीं जरूर आता है निगेटिव होता है ये ज्यादातर क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता मुझसे उठा भी नहीं जाता धूप में चला भी नहीं जाता जहां नहीं होगा वहां दोस्तों हमें क्या मारना है हमें मारना है भाववाच्य बताओ बहुत बढ़िया तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आपका धन्यवाद और गुरुजी वर्ल्ड का क्या कर लें गुरुजी वर्ल्ड का एक ऐप डाउनलोड कर लें जो प्ले स्टोर पर दिया गया है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए और सर्च करें जी u आर यू जे आई एक स्पेस डब्ल्यू ओ आर एल डी गुरु जी वर्ड टेलीग्राम ठीक है सही से सर्च करें मिल जाएगा तो बताइए सेशन कैसा रहा कैसा सेशन रहा बहुत बढ़िया हाँ सेशन कैसा रहा बताइए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में <laughs> सेशन कैसा रहा कमेंट्स देख लेता हूं आपके तो अपन ने पढ़ाया कैसा है अच्छा सर आज मैंने आपकी क्लास जब से ली है तब से ले गुड साहित्य की मुस्कान मुस्कान बिटिया साहित्य की रे कल करा दें जनरेटर नहीं है लेकिन करा देंगे चिंता मत करो है ना करा देंगे चिंता मत करो परेशान मत हो करा देंगे लेकिन ये साहित्य चोड़ो ये जो पूरा हम व्याकरण पढ़ते हैं ना जो कंटेंट हजारों रुपए आप दे के नहीं अगर किसी ने शुरू से ये देख लिया कंटेंट कि सारे टॉपिक मैराथन में हमने कंप्लीट करे हैं वो कैसे करे हैं हिंदी लोग वर्णमाला से पढ़ाते हैं हमने हिंदी को उस डिटेल से उठाया है जहाँ से लोग कतराते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाया जाए कैसे कैसे हिंदी का विकास क्रम कैसे क्वेश्चंस बने कैसे कैसे लिपियाँ हैं कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है ना कैसे बहुत डिटेल का मतलब समझते हो देवनागरी विकास का लिपि का क्रम है प्यारे वो कैसे रहा है डिटेल का मतलब प्यारे क्या होता है ब्राह्मी लिपि है है ना संविधान में हिंदी का वर्चस्व क्या रहा हिंदी विश्व सम्मेलन क्या रहा भाषा परिवार क्या है भारोपी परिवार क्या है द्रविड़ परिवार क्या है भारूपी परिवार द्रविड़ परिवार सर आपको क्या लगता है आसान है काम राजभाषा आयोग अभी देखिए बहुत से टीचरों को सीखने को मिलेगा इस वीडियो से है ना जानते सब अच्छा है ज्ञान सब अच्छा रखते हैं लेकिन कैसे पढ़ाया जाए कैसे टेक्निक होती हैं उनको शामिल साम, करना बहुत पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उन्हें पिट में पढ़ाना होता है फिर उसके बाद वर्णमाला वर्णमाला को बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी बहुत डिटेल का मतलब बहुत डिटेल बहुत डिटेल का मतलब क्या होता है ज़बरदस्त तरीके से जिंदाबाद तरीके से ठीक है स्पर्श व्यंजन हो गया या कोई भी हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया देखिए किस तरह पढ़ाने की कोशिश करी गई है तो लगभग 300 से 400 स्लाइड पढ़ाई गई हैं सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं अब आपके कमेंट्स को भी हम देख लेते हैं क्या बात है आपके कमेंट्स को ही देख रहे थे सर मुझे आपकी क्लास अच्छी लगती है प्रैक्टिस सेट निकालता हूँ तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ बेटा कन्फ्यूज़ मत हो ये वाली क्लास जो है ना पूरी देखो कम कन्फ्यूज तब होते हो प्रैक्टिस सेट में समस्या इसलिए होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो पढ़ाया है सर ईशा कह रहे हैं कि सिर्फ तेरह पेजेस पे नोट किया है ठीक है शानदार जबरदस्त अविनाश ठीक है गुड बताओ ठीक है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर लव यू चलिए चलो दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तो तक के लिए जय हिंद और अपने सारे बच्चे जितने बच्चे हैं एक बार फिर से मेरा अहवान है आपको सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर करो और आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी की तरफ से एक बार फिर से प्रणाम नमस्ते लव यू गाइस थैंक यू